बच्चों वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू चलिए आ जाइए सर हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर नाइन के ऊपर और हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है हम लोग कौन से टॉपिक पे है वो एक बार मैं आपको बता देता हूं हम लोग टॉपिक के ऊपर है असेसमेंट असेसमेंट के अंदर में हमने सबसे पहला सेक्शन पढ़ा था 143 फोर्टी थ्री सब सेक्शन वन उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ रिविजन करेंगे मैंने आप सभी को बोला था कि मेरे भाई आज बिल्कुल पढ़ के आना तो एक बार मैं फटाफट रिवाइज कर लेता हूँ देख लेता हूँ आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ाई की है कितने लोगों ने पढ़ाई नहीं की है वन फोर्टी System will do the assessment. Yes or no? The system will do the summary assessment where return is filed under section 139 or 142.1. Right. So, whenever the return is filed under 139 or 142.1, such return shall be processed to carry out the arithmetical error, incorrect claim, disallowance of losses if return is filed after the due date, disallowance of deduction if return is filed after the due date, all expenses which are disallowed as per the audit report. Yes or no?

think that the return should not be given to assessee immediately he can withhold the refund obviously with the approval of the senior officer that is CIT इसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी 142 1 की बात करी थी 142 11 142 12 142 11 के अंदर में हम लोगों ने उसे बोला था that ao may require the assessee to file return of income it may be for any number of years yes or no अर दिस कुड बी मैक्सिम सिक्स असमेंट इयर राइट रिटर्न इज रिक्वायर टू ब्ल सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब इन द नोटिस रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल वेदर नॉट यू आर लाइबल टू फाइल रिटर्न और नॉट देन वन फोर्टी टू वन टू रिक्वायर दी टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑल इन्फॉर्मेशन इन्क्लूडिंग पर्सनल इनफॉर्मेशन कैन ऑल्सो भी आ सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ जे सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला एंगल राइट थ्री असेसमेंट ईयर की इन्फॉर्मेशन आपसे मंगाई जा सकती है अच्छा जी सर नॉन कंप्लायंस होता है तो बेस्ट जस्टमेंट असेसमेंट हो सकता है प्लस टेन थाउजेंड रुपीज़ की पेनल्टी लग सकती है मोटे मोटी तौर पे फिर हम गए थे 143 फोर्टी थ्री सबसेक्शन टू के अंदर में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले पार्ट रिकॉल करवा रहा हूँ टू से लेकर 292 नाइनटी डबल बी तक के पार्ट नहीं रिकॉल करवा रहा हूँ राइट फिर हम बात करे थे वन फोर्टी थ्री सबसेक्शन टू की ये था नोटिस नोटिस बिफोर मेकिंग एन असेसमेंट रिक्वायरिंग अस एस सी टू म इन फ्रंट ऑफ असेसिंग ऑफिसर ऑन द स्पेसिफाइड डेट दिस नोटिस विंड बाय असेसिंग ऑफिसर और प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी नोटिस नीड्स टू बी सेंड विदिन सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड इफ नोटिस इज नॉट गिवन द होल असेसमेंट विल बी वाइड अगर आपको याद आ रहा हो तो नोटिस में ऑल्सो रिक्वायर द असियू ब्रिंग इन और प्रोवाइड सर्टन इन्फॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड बाई द देन हम गए थे बेटा 143 फोर्टी थ्री सबसेक्शन थ्री के ऊपर 143 फोर्टी थ्री के ऊपर हम लोग गए थे तब हम लोगों ने देखा था दैट इन ऑर्डर टू मेक द असेसमेंट दैट इनकम इज नॉट अंडर असेस लॉस इज नॉट ओवर असेस एंड टैक्स इज नॉट अंडर पेड राइट अस एस कैन कैन मेक दसेसमेंट स्क्रूटनी असेसमेंट एंड रिक्वायर दसेस टू पे द टैक्स राइट फर्दर पॉइंट नंबर टू इन एनी असेसमेंट मेड for the assessee who is required to file return under 1394c the assessment will be done after providing the exemption provided he has to see whether the conditions are being satisfied or not point number 2 हमने ये भी बात करी थी कि आ, वो ये भी देखेगा कि उसका रिसाइन ना किया गया हो ऑर्डर साथ ही साथ में हम लोगों ने एक और बात कही थी कि अगर उसको लग रहा है तो रिसर्च जो रिसर्च एसोसिएशन जो सेक्शन 35 के अंदर में है उनने अगर कंडीशन सेटिसफाई नहीं किया तो ही कैन रिकमेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू विदड्रॉ द एग्जामेशन सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर आफ्टर इशूइंग अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कैन विदड्रॉ द नोटिफिकेशन फिर हमने एक और बात करी थी कि अगर एस है टेन ट्वेंटी सी इलेवन एंड ट्वेल्व के अंदर में कवर्ड है और उसकी बिजनेस इनकम ट्वेंटी ऑफ द टोटल रिसीट्स के ऊपर जारी होगी तो क्या किया जा सकता है एग्जाम वो असेसमेंट कर सकता है विदाउट गिविंग द एग्जामेशन वेदर वेदर और नॉट एग्जामेशन इज और नॉट ये बात हम लोगों ने करी थी कब तक के खत्म करना है इस असेसमेंट को ट्वेल्व फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर जो भी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है वहां से टेन ट्वेल्व मंथ्स के अंदर में इसको कंप्लीट करना है ऐसा वन फिफ्टी थ्री वन के अंदर में दिया हुआ है फिर हम गए थे अगर आपको याद आ रहा हो तो बेच जजमेंट असेसमेंट के लिए वन फोर्टी फोर चार केसेस के अंदर में ये क्या थी चार केसेस के अंदर में मैंडेटरी तीन केसेस के अंदर में ऑप्शनल चार केसेस कौन कौन मैं वो बता देता तो. पहला आपने रिटर्न फाइल नहीं किया 139 का नॉन दूसरा 142 का 143 2 का नॉन तीसरा है आपका बेस्ट जजमेंट किया जा सकता है, जा सकता है. तीन optional, नहीं है, है या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या आईसीडीएस फॉलो नहीं किया है ऑप्शनल तो है कि आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता था फिर हमने बात करी थी बेस जजमेंट असेसमेंट के लिए क्या चाहिए रहेगा इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा अवेलेबल यहाँ इनकम जो थी ये सिर्फ बढ़ सकती थी कम नहीं हो सकती थी रिफंड भी नहीं आ सकता था सिर्फ पेबल आ सकता था जबकि 143 फोर्टी थ्री सबसेक्शन थ्री के अंदर में अमाउंट पेबल भी आ सकती थी अमाउंट रिफंडेबल भी आ सकती थी ये बात हम लोगों ने करी थी आपको अगर याद आ रहा हो तो साथ ही साथ में वन ए कभी भी वैल्यूएशन कराया जा सकता है असेट का इन्वेस्टमेंट का इंक्लूडिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ये वैल्यूएशन रिपोर्ट उनको देनी होगी सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रिक्वेजिशन इज मेड अच्छा जी सर ये सिर्फ कैपिटल गेन पर्पज के लिए नहीं हो सकता किसी भी हेड के लिए वैल्यूएशन कराया जा सकता है फिर हम लोगों ने बात करी थी बेटा वन फोर्टी टू टू ए की स्पेशल ऑडिट की हम लोगों ने बात कर दी स्पेशल ऑडिट आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम हायर अथॉरिटीज पी सी ऑब्लिक सी आई टी से अप्रूवल लेने के बाद ही क्या किया जा सकता है स्पेशल ऑडिट दिया जा सकता है स्पेशल ऑडिट कुछ स्पेशल केसेज में ही दिया जा सकता है सम ऑफ देम आर वॉल्यूमनियस ट्रांजेक्शन मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन डाउट अबाउट द करेक्टनेस ये डाउट अबाउट द करेक्टनेस देन कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ बिजनेस एंड एनी अदर प्रिस्क्राइब इन रीजन के वजह से क्या किया जा सकता है स्पेशल ऑडिट दिया जा सकता है स्पेशल ऑडिट कौन करेगा सीए करेगा जो नॉमिनेटेड होगा डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी फीस सीआईटी डिसाइड करेगा और पे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा कितने दिन के अंदर में रिपोर्ट देनी है उतने दिन जितने दिन ने एओ में लिखा होगा हाउ एवर यह पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है बट द एग्रीगेट नंबर ऑफ पीरियड शुड नॉट एक्सीड वन एटी डेज याद आ रहा है आप लोगों को अगर आपने स्पेशल ऑडिट का कंप्लायंस नहीं किया तो दस हजार की तो पेनल्टी लगेगी ही लगेगी साथ साथ में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी बोला जा सकता है कुछ याद आ रहा है क्या मालिक राइट right? इसके साथ साथ आपको ऑडिट करवाना है भले ही आपका ऑडिट क्यों ना हुआ हो ये बातें आपको याद रखनी होगी तो यहां तक का सारा पार्ट हम लोगों ने किया था साथ साथ में हमने टू के सेक्शन भी किए थे कि आपको नोटिस किस तरीके से दिया जा सकता है आप ही नहीं कोई ऑर्थराइज रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकता है एक बार आपने नोटिस नहीं दी नोटिस इशू हो गई सर्व नहीं हुई पर आपने कोऑपरेट कर दिया तो उस केस में सीधी सीधी बात थी कि अससी के लिए ये असेसमेंट वैलिड हो जाएगा बाद में वो प्रिक्लूड हो जाएगा ये कहने से कि मुझे नोटिस नहीं मिली एंड टाइम पर नहीं मिली या इन प्रॉपर मैनर में सर्व की गई इन सब बातों से वो क्या कर दिया जाएगा प्रिक्लूड कर दिया जाएगा क्या आपको याद है ये सारी बातें हमने अब तक के इस टॉपिक के अंदर में करी है साहब राइट right. मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे आज करने के लिए उम्मीद है कि आप लोगों ने होमवर्क किया होगा एक चीज मैं सुधारना चाहूंगा मैं आपको बता दूँ एक चीज मैं सुधारना चाहूंगा आ, और वो है मैंने शायद गलती से लिख दिया था और बाद में जब मैंने चेक किया तो मैंने बोला यार ये पेज नंबर फोर पॉइंट ट्वेल्व फोर पॉइंट ट्वेल्व पर यहाँ पर मैंने कैन की जगह कांट कराया था ये कैन ही होना चाहिए ये मैं नॉट पढ़ना भूल गया था तो ये कैन ही होना चाहिए बराबर दिया हुआ है कोई इसमें चेंज नहीं है दिस तो शुड बी कैन तो मैं वो चीज रेक्टिफाई आपसे करवा रहा हूँ सर ठीक है बाकी ये जो ट्वेल्व मंथ्स वाला है ये आपको नोट्स आए होंगे तो ये ऑलरेडी रेक्टिफाई होकर के ही आए होंगे हाँ डन सर अब आते हैं पेज नंबर ट्वेंटी सेक्शन वन फोर्टी फोर ए पहले दो तीन सेक्शन पढ़ लेते हैं फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका मूड हमेशा बना रहे साहब सबसे पहला सेक्शन है वन फोर्टी फोर ए क्या सेक्शन है पावर ऑफ जेसी

ज्वाइंट कमिश्नर जरा 116 को मेरे साथ याद कीजिए डिपार्टमेंट को याद कीजिए सबसे पहले ऊपर सीसीआईटी सीसीआईटी के नीचे सीआईटी सीआईटी के नीचे जेसी जेसी के नीचे एसीडीसी एसीडीसी के नीचे आईटीओ याद होगा तो आईटीओ से लेकर के जेसी तक के

एओ उसको रेफरेंस दे एओ क्या करता है मान लीजिए कई बार एओ काम करते करते उसे समझ नहीं आता कि फर्दर प्रोसीड कैसे करना है प्लीज तो तो आप ये इशू मुझे समझा दीजिए दूसरा हुआ भी कर सकता है दूसरा एओ उससे पूछ ले कि सर क्या तकलीफ है मुझे बता दीजिए अपने सीनियर से पूछने में कभी कोई गलती नहीं होती अब मैं आपको बताता हूं जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे को भी कोई चीज कोई इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं हो पाता तो मेनी टाइम आई रिफर टू विशाल सर रिफर विशाल सर रिफर टू मी वी बोथ रिफर टू दर्शन सर तो ऐसे कई बार आता है अब जैसे मैट में आप जाएंगे तो वहां पर इनडेस का एक इशू आएगा तो जब इनडेस का इशू आता है तो हमारे को फिर जय चावला सर को फिर पूछना पड़ता है सर बताइए ये क्या इशू था ऑब्वियस बात है ना अब यार ऑलमोस्ट दस साल हो गए मैं दस साल से इस सब्जेक्ट के अंदर में हूं मेरे को ए था अब ए भी भूल गया हूं इनडेस तो खैर सवाल ही नहीं उठता ना मेरा प्रैक्टिस का वो स्कोप बनता है तो ऐसे केसेस में आप कई बार रेफर करते हो तो दूसरा एक ऑन इट्स ओन मोशन दूसरा कैन आस्क फॉर अ रेफरेंस तीसरा कई बार असि फ्रस्ट्रेट हो जाता है यस yes, फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्या बोल करके कि सर आपने वो एओ तो दिया है हर बार मेरे को डिडक्शन मिलता है पिछले में पहली बार असेसमेंट नहीं हो रहा है इसके पहले भी असेसमेंट हुआ है ये डिडक्शन मिला है लेकिन आपके आदमी को समझ में ही नहीं आ रहे हैं कृपया उसको डायरेक्शन दीजिए उसको बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है तो ऐसे केसेस में डिरेक्शन इशू हो सकते हैं इसी के लिए जब आप बेरेक्ट पढ़ेंगे सेक्शन का तो वहां पर तीन चीजें लिखी हुई है एक स्यू मोटो बाय जेसी सेकेंड अ मोशन मूव्ड बाय एओ एओ पूछ सकता सकता है तीसरा अ रिक्वेस्ट बाय क्या जा सकता है जेसी डायरेक्शंस देगा ये डायरेक्शंस किस रिलेटेड हो सकते हैं असेसमेंट रिलेटेड डायरेक्शंस हो सकते हैं राइट right? हम ये नहीं कह रहे हैं। याद रखिए हम ये नहीं कह रहे हैं उसको टू मेक अ पर्टिकुलर असेसमेंट और मेक अ असेसमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर उसको डायरेक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से तुम्हें इस चीज को कंप्लीट करना चाहिए या क्या व्यू रख के तुम्हें क्या करना चाहिए इस सेक्शन को देखना चाहिए Done. अच्छा जी सर आ, मुझे एक बात बताइए क्या क्या ये ये के के लिए होंगे? आंसर के लिए होंगे होंगे अगर ऐसा कोई डायरेक्शन मिलता है मतलब आप सीनियर मोस्ट ऑफिसर से क्या कर रहे हैं डायरेक्शन ले रहे हैं और ऐसे केसेस के अंदर में डिरेक्शन जो होते हैं ये डिपार्टमेंट के लिए बाइंडिंग हो जाता है दैट इज एओ के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है अच्छा सर मुझे एक बात बताइए आपने डायरेक्शन दिया क्या ऐसा कोई डायरेक्शन हो सकता है विच इज प्रीजुडिशियल टू अस ऐसा कोई यू नो ऐसा कोई हो सकता है डायरेक्शन विच इज प्रीजुडिशियल टू अस आंसर इज नो ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता विच विल बी प्रीजुडिशियल टू अस एसी अनलेस अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड के बाद अगर ऐसा कुछ लगता है कि भी नहीं यू नो इट वुड बी हार्ड फॉर रेवेन्यू तो वो क्या कर सकते हैं ऐसा कोई डायरेक्शन इश्यू करेंगे बट यहां पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा किसको एस को मिल सकता है तो अगर कोई मुझसे सवाल पूछेगा सर क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है विच इज डेट्रीमेंटल टू एस एससी हो सकता है प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड मिला होना चाहिए सर तो मान लीजिए मेरे को एक और सवाल आया नहीं मेरे को बहुत जोर से सवाल आया है कि सर जेसी ने एक ऐसा डायरेक्शन दिया जो एस के लिए हार्मफुल है जीसी ने एक ऐसा डायरेक्शन दिया जो एस के लिए हार्मफुल है ऑब्वियसली आफ्टर ओबीएच जो एस के लिए हार्मफुल है क्या अस इसके ग्रीव्यांश रिड्रेसल के लिए कुछ कर सकता है सर अगर मान लीजिए ऐसा कुछ यू नो डेक्शन इश्यू होता है विच इज अगेंस्ट द दी तो आप अपील कर सकेंगे आप ऐसा पूछ रहे हैं हाँ हाँ सर वही वही वो वह अपील रिविजन रेक्टिफिकेशन ग्रीव्यांस रिड्रेसल मैंने सब है ना वैसा कुछ हो सकता है क्या सर देखिए मैं आपको बताता हूं आप इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते जेसी का जो मैं आपको बताता हूं इसका मैकेनिज्म डायरेक्ट नहीं है पर इनडायरेक्ट है मैं आपको बताता हूं कैसे होगा ये जेसी के रेफरेंस के अगेंस्ट में आप कोई अपील नहीं कर सकते तो जेसी ने जो बोला वो चुपचाप एओ मानेगा एओ अपना इस डिरेक्शन के बेसिस पे ऑर्डर कंप्लीट करेगा जेसी के बेसिस पे नहीं कर सकते पर एओ के ऑर्डर के बेसिस पे तो कर ही सकते हो अपील रिविजन रेक्टिफिकेशन तो अगर आप मुझसे डायरेक्ट ये सवाल पूछें क्या जेसी के इस डायरेक्शन के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं क्या मैं कहूंगा नहीं हां जेसी के डायरेक्शन किसके ऊपर बाइंडिंग है एओ के ऊपर बाइंडिंग है तो एओ उसके ऑर्डर लेगा एओ अपना असेसमेंट कंप्लीट करेगा और हम एओ के ऑर्डर के खिलाफ तो अ तीनों भी कर सकते हैं तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट हां यह बात समझ लीजिए आप क्या समझ में आया आपको बिल्कुल सही समझ में आया आपको कि डायरेक्टली हम कोई अपील नहीं कर सकते इस डायरेक्शन के बगैर राइट right? पर इनडायरेक्टली जो भी डायरेक्शन होगा वो एओ को बाइंडिंग होगा इस बाइंडिंग नेचर के बाद हम लोग कर सकते हैं तो डायरेक्ट नहीं है पर इनडायरेक्ट है याद रखिएगा साहब आप आइए पढ़ते हैं बेरेक्ट भी द जेसी मे ऑन हिज ओन मोशन हाईलाइटर होगा तो तीन अलग चीजें पहला ऑन हिज ओन मोशन वर्ड यूज कर रहे है बाबा वो ये हुआ पहला रेफरेंस मेड बाय ए दूसरा रेफरेंस मेड बाय ए तीसरा और ऑन यहां पे और लिखा है और ऑन एप्लीकेशन बाय एस एस यानी तीसरा तीन मोड़ है जेसी के पास जाने के लिए ये एमसीक्यू हो सकता है ऑल ऑफ दी अबाउ का आपका आंसर होगा बड़ा होके क्या बनेगा एमसीक्यू बनेगा सो so, जेसी में ऑन हिज ओन मोशन और रेफरेंस बाय एओ और एप्लीकेशन बाय एस कॉल फॉर एन एग्जाम इन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन विच असमेंट इज पेंडिंग इस बात पर अगेन हाईलाइट कीजिएगा असेसमेंट पेंडिंग याद रखे यह सेक्शन तभी वर्क कर सकता है जब असेसमेंट पेंडिंग हो असेसमेंट अगर पेंडिंग नहीं है तो यह सेक्शन वर्क नहीं कर सकता राइट ही मे इश्यू डिरेक्शन टू एओ वर्ड देखिएगा ही मे इशू डिरेक्शन टू ए क्या हो रहा है एयरलाइन क्यों कटोरी है

ए इसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती यहां पे एरो कीजिए लिखिए बट आफ्टर ऑर्डर ऑफ अपील कैन बी मेड इस डायरेक्शन के खिलाफ नहीं हो सकता बट हां यह ऑर्डर एओ लेगा एओ अपना असेसमेंट कंप्लीट करेगा उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो असेसमेंट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर डिरेक्शन अंडर वन फोर्टी फोर कैन बी इन फेवर ऑफ एस एस सी और कैन बी अगेंस्ट दी वो उसके साथ भी हो सकता है वो उसके खिलाफ भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हट देना जरूरी है अगर उसके खिलाफ है तो द नो अपील कैन बी फाइल अगेंस्ट द डायरेक्शन इशूड अंडर वन फोर्टी फोर ए इफ द डायरेक्शन इशूड अंडर वन फोर्टी फोर ए आर प्रिजुडिशियल टू अस एसी द assessee then acdc ito will disallow the deduction of tax receipt in accordance with the direction of JC. the assessee can file an appeal to cit appeal against the order of dc ac ito जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि डायरेक्ट पावर तो नहीं है पर इनडायरेक्ट पावर है तो इनडायरेक्ट पावर को यूज कीजिए और अपना काम पूरा कीजिए ऐसा कोई डायरेक्शन इशू हो सकता है सर एग्जाम पॉइंट ऑफ़ से बताइए काम का है या नहीं है सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सीधी बात करो तो बिल्कुल काम का नहीं है रजिस्टर के ऊपर जाइए रजिस्टर के ऊपर डालिए सेक्शन वन फौर्ति फौर्ति फौर ए पावर ऑफ जेसी टू इशू डायरेक्शन रेफर पेज नंबर डैश बस इसको डाल दीजिए रेफर पेज नंबर डैश गेम ओवर डन सर चलिए अब एक ऑफ बीट सेक्शन है जो आपको पढ़ना है मैं ऑफ बीट क्यों बोल रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा सेक्शन 145 मैं इसको कह रहा हूं ये ऑफ बीट सेक्शन है मैं ऑफ बीट सेक्शन इसे क्यों कह रहा हूं मैं ऑफ बीट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जब असेसमेंट करते रहेंगे तब आपको ये अचानक से बीच में पॉपअप होता है जबकि कोई लॉजिक नहीं है स्टिल मैं आपको बताता हूं इसका लॉजिक आपको कहां बनने वाला है इसका लॉजिक बनने वाला है मेथड ऑफ अकाउंटिंग से मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेलिवेंट है क्या कि एस क्या मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है यस ये ए जब असेसमेंट करता होता है तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग एक बड़ा रोल प्ले करती है एस की इनकम को कंप्यूट करने के लिए कि किस तरीके से कंप्यूट की जाए कैश बेसिस पे या अक्रूवल बेसिस पे आइए मैं समझाता हूं आपको अकाउंटिंग दो तरीके से हो सकती है एक कैश दूसरा अक्रूवल बेसिस अब पॉइंट ये है कि कैश बेसिस पे अकाउंटिंग की जाए तो उसकी इनकम अकॉर्डिंगली क्या की जाएगी हमें उतने प्रोविजन एंड अदर चीजें बनानी पड़ेगी और कैश बेसिस पर रहे तो हमें सीधा सीधा कैश अकाउंट के बेसिस पे चीजें मैनेज करना होगा तो असेसमेंट करते वक्त यह जानना बहुत जरूरी है कि असेसी कौन सी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है कुछ और प्रैक्टिकल बातें हैं जो क्लियर कर लेते हैं पहला प्रैक्टिकल पॉइंट क्या कैश और अक्रूवल दो अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग मेथड ऑफ अकाउंटिंग हो सकती है मान लीजिए मेरे दो बिजनेस एक है स्टील एक है रबर इसके लिए कैश इसके लिए अक्रूवल क्या यह पॉसिबल है बिल्कुल चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक के लिए कैश एक के लिए अक्रूवल बिल्कुल चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है एक पॉइंट दूसरा पॉइंट मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिर्फ दो हेड के लिए रेलेवेंट है जब तुम पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट कर रहे हो जब आईओएस की इनकम कंप्यूट कर रहे हो अदरवाइज मेथड ऑफ अकाउंटिंग बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है बिल्कुल मेथड ऑफ अकाउंटिंग दो जगह रेलेवेंट है जब पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट कर रहे हो जब आईएफओएस की इनकम कंप्यूट कर रहे हो तब मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेलेवेंट है अदरवाइज कोई भी हेड चाहे वो सैलरी हो चाहे वो एचपी हो चाहे वो कैपिटल गेन हो मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेलेवेंट नहीं है तीसरी बात क्या मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज की जा सकती है क्या आंसर इज यस मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज की जा सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं है साथ ही साथ में अब गवर्नमेंट ने क्या किया आईसीडीएस किया है तो सर आईसीडीएस आपको क्या करने पड़ेंगे फॉलो करने पड़ेंगे ये अगर आपने फॉलो नहीं किए मान लीजिए आप अकाउंटिंग आईसीडीएस गवर्नमेंट ने बोला था आपको फॉलो करना है पर आईसीडीएस आपने फॉलो नहीं किया दिस मे कॉल बेस्ट जजमेंट असेसमेंट याद कीजिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में तीन चीजें ऑप्शनल थी कौन कौन सी ऑप्शनल थी अकाउंट अगर करेक्ट नहीं है अकाउंट अकाउंटिंग मेथड प्रॉपर फॉलो नहीं की गई है या आईसीडीएस प्रॉपर फॉलो नहीं किया गया है तो फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बोली जा सकती है याद आ रहा है तुमको यस सर सर आइए फॉर

second assessee is required to follow income computation and disclosure standard as may be notified by central government if not ao can do 144 yahan pe ye point bhi likh ke rakhiye अगर उसने ICDS को follow नहीं किया तो AO को एक power मिल जाता है बेस्ट जजमेंट assessment करने का और यही चीज हमने बेस्ट जजमेंट assessment में भी लिखी है if accounts of the sse are correct and complete but method of accounting is in the opinion of a o the correct profit can't be delivered therefrom सेसमेंट अंडर वन फोर्टी फोर ब्रिटिश पेंट इंडिया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जैसे कि मैंने कहा था कि आपके मेथड ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट है लेकिन उससे एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकल पा रहा है तो उसको मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपकी समझ में नहीं आ रही है और फिर वो क्या कर सकता है आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है तो कुल मिलाकर के सिर्फ मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात है क्योंकि आपकी इनकम जो कंप्यूट की जाएगी फिर अकॉर्डिंगली उस हिसाब से की जाएगी और आपकी प्रोविजनिंग वाली बेसिस जो है वो भी उसी हिसाब से किया जाएगा सर एक सवाल है जो आपको मेरे से पूछना चाहिए मैं यह देख रहा हूं कि आपने अब तक के क्यों नहीं आया आपके मन में आपके मन में आना चाहिए और एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट तो आपके मन में कंफर्म आना चाहिए सवाल है कि क्या एओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट कर सकता है एक एमसीक्यू इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में 145 का पूछा था मेरी एमसीक्यू बुक के अंदर में भी है जो आपको क्वेश्चन है एमसीक्यू बुक में दे रहा हूं उसमें क्वेश्चन है कि क्या एओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट कर सकता है हाँ या हां रिजेक्ट मतलब आप अपने हिसाब से लेकर के चले गए लेट से आप कैश अकाउंटिंग बेसिस फॉलो कर रहे हैं आप कैश अकाउंटिंग बेसिस लेकर के चले गए लेकिन एओ को लगता है कि नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग या मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपके लिए सही नहीं है उसने आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर लिया और बोला अक्रूवल बेसिस पे बनाओ ऐसा हो सकता है क्या हां या ना हां या ना आंसर इज यस एओ कैन रिजेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स सर कैसे कहा लिखा है अरे मेरे भाई जब उसको आपके अकाउंट्स नहीं समझ में आए वो 144 कर सकता है 144 कर रहा है मतलब आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग तो वैसे ही उसने रिजेक्ट कर लिया डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चन था जहां उसको आपके अकाउंट्स नहीं समझ में आए अकाउंट्स करेक्ट भी है पर वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं डिराइव कर पा रहा है तो ऐसे केस में तो वैसे ही उसने आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर दिया तो अगर आपको एमसीक्यू आता है कि एओ कैन रिजेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट आपका आंसर होना चाहिए एओ कैन रिजेक्ट दुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख के रख दीजिए यह है आपके एमसीक्यू का आंसर एओ कैन रिजेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स डन सर ओके अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर द नेक्स्ट सेक्शन इज 145 फोर्टी फाइव बी टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्टन इनकम मैं आपको बताऊं यह सेक्शन का जो एक्चुअल uh, मीनिंग है यह आपको तीन अलग अलग चैप्टर में समझ में आएगा पहला मीनिंग आपको समझ में आएगा आई एफ ओ अंदर में दूसरा मीनिंग समझ में आएगा दूसरा जो क्लॉज है इसके अंदर का वो उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा पीजीबीपी में तीसरे वाले का भी मीनिंग समझ में आएगा आपको पीजीबीपी के अंदर में क्या है ये सेक्शन सेक्शन ऐसा था कि इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी ये जो तीन इनकम है ये इनकम टैक्सेबल तो है ये इनकम टैक्सेबल तो है लेकिन कॉब टैक्सेबल है इस बारे में क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि कई कोर्ट केस हो चुके थे इसके टैक्सेबिलिटी को लेकर के तो एक सेक्शन डाला गया रैंडम सेक्शन 145 बी और क्या किया गया तीन इनकम को एक के साथ जोड़ दिया आप जब तीनों इनकम को भी पढ़ेंगे आप देखेंगे कि तीनों का एक दूसरे से कोई को नहीं है पर यू you नो know, वो कहते हैं ना तीन अलग 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 कोर्ट केसेस थे तीन इशू के अंदर तो तीन इशू को जोड़ा और एक सेक्शन के अंदर में डाल दिया बोला इसका टैक्सेबिलिटी का बेसिस यही होगा जब बहुत ज्यादा डाउट है तो उनको उनने एक नया सेक्शन डाल करके क्लियर कर दिया ये भी नहीं सोचा ये भी नहीं जाना ये भी नहीं समझा कि भैया इसको बच्चे कोरिलेट कैसे करेंगे हालांकि ये अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है बट यू नो अगेन वही वाला पार्ट कोरिलेशन वाला इशू आएगा बट फिर भी मैं ट्राई करता हूं यहां पे सिर्फ टैक्सेबिलिटी बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इनकम की टैक्सेबिलिटी कब होगी इस बारे में आपको क्लैरिटी देने की कोशिश की गई है तो अभी हम पढ़ लेंगे ऐसा हो सकता है कि इसको जब पढ़ा पढ़ा रहा हूं मैं तब आपको इसका मीनिंग नहीं समझ में आए मैं जब इन चैप्टर्स पे हूँ मॉड्यूल टू के अंदर में आई एफ ओ एस पीजीबीपी के अंदर में तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये मेरी गारंटी तो अभी सिर्फ पढ़ लीजिए दैट सर्टेन इनकम इज टैक्सेबल ऑन व्हाट बेसिस इंटरेस्ट रिसीव बाय एस एस ऑन एनी कंपनेशन एनहांस कंपनसेशन शेल डीम टू बी द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड समझिए क्या है कैपिटल गेन यहां लिख के रखिए कैपिटल गेन सेक्शन फोर्टी फाइव फाइव कंपल्सरी एक्विजिशन की बात करता है कैपिटल गेन सेक्शन फोर्टी फाइव फाइव कंपल्सरी एक्विजीशन की बात करता है मेनी टाइम्स इट हैपन दट आफ्टर द कंपल्सरी एक्विजिशन दी कंपनसेशन बाय गवर्मेंट इज रिसीवड प्रिटी लेट फॉर विच कम देंट्रल गवर्नमेंट पेज अ इंटरेस्ट तो कई बार कंपनसेशन लेट आने की वजह से क्या हो जाता है आपको गवर्नमेंट जो देती है वो कंपनसेशन के साथ इंटरेस्ट भी देती है तो एक सवाल उठता है यह इंटरेस्ट टैक्सेबल है क्या कैपिटल गेन में या अदर सोर्सेज में पहला जवाब अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है इंटरेस्ट इनकम दूसरा जवाब कब टैक्सेबल है इसका इशू था क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है इसका जवाब इसका पॉइंट समझ लीजिए लाया क्यों गया और इशू कहां थे कई कोर्ट्स के इशू थे इसके ऊपर इशू ये थे कि मान लीजिए कंपनसेशन जो आपको मिला वो चार साल लेट मिला तो कौन से ईयर का इनकम होगा

उस साल की प्रीवियस इनकम मान लेंगे और उसी साल में उसको टैक्स कर देंगे तो अब पढ़िए इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई एस एस ऑफ प्रीवियस ईयर कब टैक्सेबल होगा प्रीवियस ईयर के अंदर में इन विच इट इज रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन एनहांस कंपनसेशन शेल डीम टू बी द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड समझ में ही बात एक हालांकि हम कैपिटल गेन में जाएंगे और समझेंगे अच्छा जी सर एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स इंसेंटिव्स सर कई बार ऐसा होता है कि जो एक्सपोर्ट करते हैं इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग इंक्रीज किया जाता है राइट right? एक्सपोर्ट का जो प्राइसिंग है ये इंक्रीज कर दिया जाता है एस्केलेट कर दिया जाता है अब ऐसे केसेस में जब एस्केलेट होगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी जब प्राइस एस्केलेट होगा आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको क्या करूंगा एक्सपोर्ट करूंगा कुछ चीजें हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेट से हंड्रेड रुपीज के हिसाब से ये प्राइस का एस्केलेशन हुआ प्राइस बढ़ गया हमारे बीच में निगोसिएशन हो गया प्राइस बढ़ गया इस हंड्रेड को हमने वन फिफ्टी कर दिया अब ये एस्केलेटेड इनकम जो रिसीव्ड हुई है एस्केलेटेड इनकम जो रिसीव्ड हुई है ये एस्केलेटेड इनकम का टैक्सेबिलिटी कब आएगा इसके बारे में बहुत ज्यादा इशूज थे सर इसको क्लियर कर दिया गया एनी क्लेम फॉर एस्केलेसन ऑफ प्राइस इन कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट इंसेंटिव शेल डीम टू बी द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन इज अचीव क्या कहा गया है जिस साल आपको ऐसा लगता है कि यह अमाउंट रिसीव होने वाली है उस साल की ही इनकम मान के इसे क्या कर देना चाहिए टैक्स कर देना चाहिए तो बाबू बड़ा क्लियर है बाबू जब एक्सपोर्ट इंसेंटिव का आपको अमाउंट रीजनेबल सर्टेनिटी आ जाए ये रीजनेबल सर्टानिटी का वर्ड आपने ए एस नाइन डोट नो वोट द इंडस रिलेवेंट नंबर इन ए एस नाइन के अंदर आपने बहुत पढ़ा होगा अगर ये रीजनेबल सर्टानिटी है कि रिसीव होने वाला है तो इसको अभी बुक कर दो तो बिल्कुल ठीक है उसी तरीके से हम इसको अभी बुक कर देंगे नेक्स्ट असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी ग्रांट कैश इंसेंटिव ड्यूटी ड्रॉबैक वेवर ऑफ कंसेशन और डीम टू बी द इनकम ऑफ प्रीवियस इन विच इट इज रिसीव्ड अब इस पॉइंट को समझते हैं बहुत अच्छे से समझते हैं सुनिए पीजीबीपी के ऊपर हमने इसके ऊपर करीब करीब दो घंटा इन्वेस्ट किया है सब्सिडी वाले कंसेप्ट के ऊपर आइए मैं आपको बताता हूं सर सब्सिडी जब भी रिसीव होती है ड्यूटी ड्रॉबैक्स रिसीव होता है ग्रांट रिसीव होता है यह सेक्शन ट्वेंटी के तहत टैक्सेबल है पर गवर्नमेंट अब ड्यूटी ड्रॉबैक वर्क कैसे करता है मैं आपको समझाता हूँ आप सबसे पहले क्या करते हो एक्सपोर्ट करते हो गुड्स लेते हो ड्यूटी पे करते हो और गुड्स आप एक्सपोर्ट कर देते हो एक्सपोर्ट करने के बाद जो आपने एक्सपोर्ट की डिटेल्स है वो आप गवर्नमेंट को सबमिट करते हो बाद में इसका अप्रूवल आता है और अप्रूवल आने के कुछ महीनों बाद आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है दैट इज रिफंड मिलता है आपको न पॉइंट इज इस बीच में हो सकता है ईयर चेंज हो जाए इस बीच में ईयर चेंज हो जाए तो सवाल ये उठ रहा था कि कब इसको टैक्स किया जाए जिस साल में हमने इसका एप्लीकेशन किया या जिस साल में हमने इसको रिसीव किया इस बारे को मैं बहुत क्या था कंफ्यूजन था कि इस रेवेन्यू को बुक कब करना क्योंकि इस रेवेन्यू को कब बुक करना उसके बेसिस पे टैक्सेबिलिटी डिफरमेंट के इश्यूज आ सकते थे तो उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया सब्सिडी हो ड्यूटी ड्रॉबैक हो ग्रांट हो कैश इंसेंटिव हो या वेवर हो या कंसेशन हो ये उस साल की इनकम मानी जाएगी जिस प्रीवियस ईयर में यह रिसीव हो गया और कहां टैक्सेबल होगी पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी सेक्शन 28 एट इज द क्लियर कट सेक्शन जहां इसको हमने क्या करना चाहिए टैक्स करना चाहिए तो सर यह तीन इनकम से बताई हुई है कि यह उस प्रीवियस ईयर में रिसीव होगी जहां पे वो या तो एक्चुअली रिसीव हो जाए या रीजनेबल सर्टानिटी आ जाए इन केस ऑफ द मिडिल पॉइंट कि बॉस ये क्या होने वाली है रिसीव होने वाली है सर हमने इसके ऊपर टाइम लगाना है क्या बिल्कुल नहीं हमने अगेन इसके ऊपर कोई टाइम वेस्ट नहीं करना मेरा बच्चा आइए यहां पे भी लिखिए सेक्शन 145 मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेफर पेज नंबर नहीं बिल्कुल बिल्कुल इनमें कोई टाइम ना लगाएं उल्टा वो टाइम आप मेरे साथ कंसेप्ट को और पढ़ने में लगाएं मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग नो आप ये दोनों के लिए पेज नंबर डाल दो पेज नंबर डाल के काम खत्म कर दो ओके okay. तो चलो अब चालू करते हैं हम लोग असेसमेंट का सबसे बेहतरीन सेक्शन और वो सेक्शन है सेक्शन 147 टू 153 की एक सीरीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट क्रूशियल एंड द मोस्ट आर्ज क्शन लाइज इन वन फोर्टी सेवन वन फोर्टी सेवन के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि मैक्सिमम केसेस जो होते हैं वो यहाँ पे फॉल होते हैं पर यहां तक के हम लोग एक बार फिर से मैं आपको क्या करना चाहता हूँ पूरा घुमाना चाहता हूं सबसे पहले क्या होगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा जाएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बाद क्या होगा रिटर्न भरा जाएगा रिटर्न भरने के बाद इस पर समरी असेसमेंट होगा समरी असेसमेंट के बाद ए डिसाइड करेगा असेसमेंट करना है नहीं करना है अगर उसको असेसमेंट करना है तो या तो वो क्या करेगा आपसे कुछ लोगों से रिटर्न भरवाएगा कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन मांगेगा इसके बाद या तो वन होगा या तो वन

147 से लेकर के 153 तक के एक पूरा सेक्शन साथ में पढ़ते हैं याद रखिए अब इसके बाद जो सेक्शन हम पढ़ेंगे 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 ये सभी एक साथ लाइन में पढ़ने लायक सेक्शन है ऐसा क्यों क्योंकि सेक्शन ही कहता है लेकिन मैं आपसे कहूं कि अगर आपको इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ना है जैसे नंबर दिया है तो आप क्या कहेंगे ठीक है सर हमें बिल्कुल इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ना मैं आपको बताता हूं इसको पढ़ने का सही सीक्वेंस क्या है राइट right? सबसे पहले तो पेज नंबर ट्वेंटी वन पे आइए एवरीबॉडी कम टू पेज नंबर ट्वेंटी वन राइट हियर सेक्शन वन फोर्टी सेवन इज रिटन इफ इट इज पॉसिबल जस्ट राइट इट डाउन सबसे पहले इस सेक्शन को 151 के इसमें पढ़ना है 151 अगर पढ़ के हो जाए तो आपको पढ़ना चाहिए 149 फिर पढ़ना चाहिए 150 150 के बाद आपको पढ़ना चाहिए 148 148 के बाद पढ़ना चाहिए 147 फिर पढ़ना चाहिए 152 और फिर पढ़ना चाहिए 153 ये

गेट थ्रू दिस सेक्शन चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट मतलब क्या होता है मैं भी कोई सेक्शन पे नहीं हूं इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं ये सेक्शन किस बारे में बात करता है तीन वर्ड को तोड़ते हैं पहला इनकम दूसरा एस्केपिंग तीसरा है असेसमेंट असेसमेंट मतलब करने वाला कौन एओ ये तो बात तो क्लियर है एस्केपिंग इनकम एस्केपिंग इनकम एस्केपिंग इनकम एस्केपिंग इनकम एस्केपिंग का मतलब क्या हो चुका है इनकम एस्केपिंग का मतलब यह हो चुका है कि ये किसी भी असेसमेंट से गुजरा हो या ना गुजरा हो जी हां दोनों वर्ड को मतलब समझना पड़ेगा हमें यह कोई असेसमेंट के थ्रू गुजरा हो या कोई असेसमेंट के थ्रू ना गुजरा हो दोनों भी इनकम एस्केपिंग के अंदर आएगा छोटी छोटी बातों से करते हैं सर मान लीजिए ने रिटर्न भरा रिटन भरने के बाद क्या हुआ इसका समरी हुआ। समरी होने के बाद ना तो इसका 143 हुआ, ना कभी 144 हुआ। उस का, उस का ना तो कभी 143 हुआ, तो कभी 144 हुआ। क्या डायरेक्टली 147 हो सकता है क्या मतलब पहली ही बार असेसमेंट 147 के अंदर में आ सकता है क्या यह एक सवाल आपके मन में आना चाहिए और इसका जवाब है हां ऐसा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है जरा ध्यान से सुनिए आप रजिस्टर में गए रजिस्टर में सबसे पहले लिख दीजिए सेक्शन सेक्शन 147 फोर्टी सेवन बेसिक्स सेक्शन वन बेसिक्स डन सबसे पहले उसके अंदर में ये लिख दीजिए हाउ टू रीड इट डन इसके बाद आइए जरा समझते हैं एग्जाम्पल नंबर वन सब मान लीजिए ने रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट किया रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करने के बाद इसका हुआ 1431 इसके बाद 1433 नहीं हुआ 144 नहीं हुआ कैन डायरेक्टली आप चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं 147 फोर्टी सेवन इज पॉसिबल Answer is yes. जिसका मीनिंग है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट जिसका मतलब यह है इनकम एस्केप हो गई किसी भी तरीके के असेसमेंट से वन so, अगर 143 नहीं हुआ 144 नहीं हुआ क्या फर्स्ट टाइम असेसमेंट डायरेक्टली भी 147 में हो सकता है आंसर इज यस बिल्कुल हो सकता है इसी सेक्शन को एक और नाम से भी जाना जाता है रीअसेसमेंट रीअसेसमेंट का मतलब अगर असेसमेंट करने के बाद कभी भी असेसिंग ऑफिसर को ऐसा ध्यान में आता है कि जो असेसमेंट हुआ है वो गलत हो गया या इसमें कुछ और कंसिडरेशन की जरूरत थी तो ऐसे केसेस में भी वन ओपन किया जा सकता है मैं आपको समझाता हूं कैसे एग्जाम्पल नंबर टू अंडर था ने भरा, के right? के बाद बाद इसका summary assessment हुआ और summary assessment के बाद इस पे 143 हुआ या 144 हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं 143 भी चलेगा, 144 भी चलेगा कैसा भी असेसमेंट हुआ इसके बाद एओ को ध्यान में आता है पर्टिकुलर डिडक्शन बट इट शुड बीन अलाउड होना ही नहीं चाहिए था करके आपकी इनकम को क्या फिर से कंप्यूट किया जा सकता है क्या हाँ ऐसा हो सकता है सेक्शन वन फोर्टी सेवन के अंदर में यह भी पॉसिबल है इसीलिए इसे एक शब्द से जाना जाता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या इसे एक और शब्द से जाना जाता है रीअसेसमेंट आप इसको दोनों नाम से बुलाया जा सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों नाम से इसे बुलाया जा सकता है अच्छा सर सर मुझे एक और डाउट आया बहुत जोर से डाउट आया मैंने आपको बोला था कि आपको जो डाउट नहीं आएंगे वो भी मैं आपको क्रिएट करूंगा अब किसी नालायक मन बच्चे के मन में आ रहा होगा सर असेसी ने रिटर्न ऑफ इनकम भरा रिटर्न ऑफ इनकम भरने के बाद इस पर वन हुआ उसके बाद इस पर वन हुआ उसके बावजूद भी उसको लगता है कि एक और बार होना क्या वन फोर्टी सेवन के बाद भी वन फोर्टी सेवन हो सकता है आया ना ये मन में आपके आना ही चाहिए था आप मेरे स्टूडेंट है आना ही चाहिए आपको ये डाउट मन में कि सर क्या 147 के बाद भी 147 हो सकता है क्योंकि आप ही ने कहा नाम नाम इसका इसका क्या क्या है है रीअसेसमेंट रीअसेसमेंट और अगर इसका नाम है, तो क्या 147 के बाद भी 147 हो सकता है आंसर इज यस क्योंकि इसका नाम क्या है रीअसेसमेंट है तो इसके पहले असेसमेंट कभी हुई हो या इसके पहले कभी असेसमेंट नहीं हुई हो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में रीअसेसमेंट भी क्या किया जाता है कवर किया जाता है समझ में आ रही है बात आपको सो दिस इज द सेक्शन विच इज कॉल्ड एज इनकम इनकमेंट और दिस सेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज री असेसमेंट बट दिस सेक्शन सेक्शन 147 फोर्टी सेवन इज सब्जेक्ट टू सेक्शन वन फोर्टी एट टू वन फिफ्टी थ्री ये जो सेक्शन है ये सेक्शन तभी वर्क करता है जब वन फोर्टी एट से लेके वन फिफ्टी थ्री तक की सारी कंडीशन क्या की गई हो सेटिस्फाई की गई हो राइट right? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि किस सीक्वेंस में इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि देखिए जब आप 147 पढ़ेंगे तो आपको वर्ड क्या दिखेंगे इसीलिए मैं आपको बता हैज अ रीजन टू बिलीव पूरा का पूरा सेक्शन एक वर्ड पे है रीजन टू बिलीव रीजन टू बिलीव हम करीब इसके ऊपर ऑलमोस्ट दो घंटा आज का तो पूरा लेक्चर शायद इसी सेक्शन के ऊपर डिवोट कर देंगे रीजन टू बिलीव एओ हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप द असेसमेंट फॉर एनी असेसमेंट इयर ही मे सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ वन फोर्टी एट टू वन फिफ्टी थ्री स्टॉप थोड़ा सा उल्टा पढ़ना चालू करते हैं पहला सब्जेक्ट टू 148 फोर्टी एट टू वन यानी अगर आपको इस सेक्शन का इंटरप्रिटेशन निकालना है देन फर्स्ट यू हैव टू गो टू 148 फोर्टी एट टू वन देन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू यू नो गो थ्रू द सेक्शन ऑफ 147 फोर्टी सेवन हेंस आई हैव रिटर्न फर्स्ट यू हैव टू गो टू 151 देन 149 राइट अथॉरिटीज रीअेसमेंट ऐसे ही ओपन नहीं की जा सकती आप किसी इनकम को असेस करना चाह रहे हैं 147 में असेस करना चाह रहे हैं रीअसेस करना चाह रहे हैं तो ऐसे ही नहीं हो सकता आपको अप्रूवल्स की जरूरत है

एओ की गलती हो बराबर है एओ की गलती हो तभी गए मनमोहन सिंह साहब आए एज अ फाइनेंस मिनिस्टर और उन्होंने बोला देखिए इनकम एस्केप का मतलब इनकम एस्केप होता है चाहे वो एओ की गलती वजह से हुआ हो यासी की गलती के वजह से हुआ एस्केप मीन एस्केप स्केप स्ट्रेट अवे इसीलिए यहां पर मिस्टेक मिस्टेक दोनों वर्ड हटा दिए गए और एओ हैज़ रीजन टू बिलीव वर्ड डाल दिया गया ये है सेक्शन के पीछे इट इज इलेवेंट वो डिपार्टमेंट की तरफ से हुई है या तरफ सेवेंट एंड नाउ व्हाट इज एस्केप्ड द असेसमेंट और इसके लिए क्या किया जाता है आपको असेसमेंट किया जाता है अच्छा जी सर सर कितने साल पीछे के असेसमेंट हो सकते हैं और ये सेक्शन की जरूरत क्या थी जब 143 144 था तो इस सेक्शन की जरूरत क्या थी टेक्निकली दिस सेक्शन पावर ओनली आप सुनिए मेरी बात को ये सेक्शन कोई असेसमेंट नहीं है ये सिर्फ एक पावर है असेसमेंट 143 या 144 में ही होता है 147 सिर्फ एक पावर है इसीलिए जब आप अपने ऑफिस में देखेंगे तो 140 जब इसकी नोटिस आती है 148 की नोटिस आती है आपको तो वहां पे लिखा होता है 147 ऑब्लिक 143 या लिखा होता है 147 ऑब्लिक 144 जिसका मतलब ये है 147 एक पावर है असेसमेंट तो या तो 143 है या तो 144 है प्यार से माना तो 143 नहीं माना तो 144 ये पावर है पीछे जाने के लिए सर ऐसा सेक्शन या पावर की क्यों जरूरत थी वो पावर की इसलिए जरूरत थी क्योंकि अगर आपको याद हो तो 143 और 144 खत्म करने का टाइम लिमिट मैक्सिमम कितना है 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 12 मंथ्स के अंदर में वो असेसमेंट कंप्लीट करना था मान लीजिए जब एओ था और उसने उस टाइम असेसमेंट में इस को लिया ही नहीं क्योंकि आपको याद है तो मैंने आपको बताया था, में उसके सामने क्या आते नाम आते हैं है। हो बावजूद भी अगर किसी ने टैक्स की चोरी की है तो आपको नहीं लगता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऐसा कोई पावर होना चाहिए कि उससे अब भी टैक्स वसूल किया जा सके और यही है वो पावर

डिडक्शन अलाउ नहीं है और एओ को याद आता है यार उस एस के केस में तो मैंने ये डिडक्शन अलाउ कर दिया था जबकि डिडक्शन अलाउ नहीं होना चाहिए था क्या वो 147 में केस ओपन कर पाएगा आंसर इज यस वो केस ओपन कर पाएगा और यही एक पावर बहुत जरूरी था कि एस्केप किसी के भी कारण हो चाहे एस के कारण हो चाहे एओ के कारण हो एस्केप इज एस्केप रेवेन्यू शुड नॉट बी एट लॉस रेवेन्यू शुड नॉट बी एट लॉस और इसी के लिए क्या किया गया सेक्शन को बुलाया गया 147 का पावर रखा गया और ये एस मिस्टेक और एस एस मिस्टेक वाला पार्ट कट किया गया और नाव लिखा गया एओ हैज रीजन टू बिलीव अच्छा जी सर सर ऑब्वियस बात है कि पीछे जाने की भी एक लिमिट होगी कितने साल पुराना केसेस ओपन कर सकते हैं ध्यान से सुनिए कितने साल पुराना केसेस ओपन कर सकते हैं जनरली 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 फोर ईयर्स जनरली हम चार साल पीछे जा सकते हैं यस फोर इयर्स बैक हम लोग जा सकते हैं सर क्या चार साल से भी पीछे जा सकते हैं अगर उस साल की इनकम एस्केप हुई होगी तो से सेवनटीन एटीन एटीन नाइनटीन नाइनटीन ट्वेंटी 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 वन अगर हम इस पैटर्न में देखें तो हम जनरली चार साल पीछे जा सकते हैं सर क्या चार साल से भी पीछे जा सकते हैं आंसर इज यस सेक्शन कहता है आप चार साल से सिक्स इयर्स के भी असेसमेंट ओपन कर सकते हो अगर इस दौरान आपको इनकम एस्केप्ड वन लाख रुपीज से ऊपर मिल गई जो बहुत नॉर्मल चीज है अगर एस्केप इनकम एक लाख रुपए से ज्यादा की हुई तो आप चार के जगह छह साल पीछे जाओ और आप क्या कर दो एस्केप हुई हुई इनकम को वापस से टैक्स में लेकर के आ जाओ इस तरीके का एक प्रोविजन बनाया गया है सर छे साल से भी पीछे जा सकते क्या ध्यान से सुनिए जनरल रूल सिक्स ईयर अब ये सिक्स कहां से आया इस बारे में भी बात करते हैं चार क्यों आया इस बारे में भी बात करते हैं चार को सबसे पहले कोरिलेट करता हूं याद करिए वन फोर्टी टू वन टू मैक्सिमम कितने की इंफॉर्मेशन मंगाई जा सकती थी थ्री इयर्स प्रायर टू प्रीवियस ईयर मतलब ओवरऑल तो जनरली so, आप कितने साल पीछे जा सकते हैं? चार साल पीछे जा सकते हैं अगर एस्केब्ड इनकम वन लाख रुपीज से ऊपर हुई तो आप चार की जगह कितने साल पीछे जाएंगे सिक्स इयर्स पीछे जा सकते हैं और आप उस ईयर की इनकम को नाउ असेस करके टैक्स कर सकते हैं राइट right? आप इस क्वेश्चन में इस सेक्शन में जाते वक्त अगर आप बहुत स्पीड में चल रहे होंगे से 1.3, 1.5 की की स्पीड स्पीड में में मैं आप में मैं आपसे कहूंगा एटलीस्ट 1.2 लेके आ जाइए क्योंकि यहां बहुत धीरे 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 एक एक पॉइंट ओपन करने जा रहा हूं तो ऐसा हो सकता है कोई ना कोई पॉइंट आपको मिस हो जाए तो बस यहां पर अपनी स्पीड स्लो कर लीजिएगा मैं बता रहा हूं अच्छा जी जनरल रूल फोर इयर्स पीछे जा सकते हैं फोर इयर्स पीछे का केस ओपन हो सकता है सिक्स इयर्स पीछे का केस ओपन हो सकता है इफ द इनकम एस्केप्ड इज एक्सीडिंग रुपीज वन लैख अगर एस का फॉरेन असेट या कोई साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया मिलता है तो ऐसे केसेस में हम 16 इयर्स पीछे भी जा सकते हैं ध्यान से सुनिएगा जनरल रूल हम चार साल पीछे के अगर फॉरेन असट या साइनिंग अथॉरिटी मिल जाए तो हम सिक्सटीन बैक के असेसमेंट ओपन कर सकते हैं ऐसा ये पावर सेक्शन ये देता है अब वन फिफ्टी वन क्या कहता है? 151 कहता है कि आपको अगर चार साल पीछे जाना है ट टू गो फॉर अपू फोर असेसमेंट इन राइट तो ऐसे केसेस में आपको ज्वाइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेना होगा ज्वाइंट कमिश्नर अप टू फोर इयर्स जेसी दैट इज द हाइएस्ट एओ उसका अथॉरिटी ले लीजिए और आप क्या कर लीजिए काम कर लीजिए हालांकि जेसी क्या अपना यह पावर लोअर अथॉरिटी को भी बाय डिफॉल्ट में दे सकता है क्या बिल्कुल हाँ ऐसा एक पावर है मतलब जेसी के पास जनरल पावर है पर जेसी क्या कर सकता है खुद एओ को अपना ये पावर डेलीगेट कर सकता है कि तुम मेरी अप्रूवल नहीं डायरेक्टली अगर तुमको लगता है किसी केस में ऐसा करना चाहिए तो बिंदास कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है चार साल से पीछे अगर जाना है से फॉर ईयर और सिक्सटीन ईयर तो ऐसे केसेस में जनरल अप्रूवल लगता है पीसीआईटी और सीआईटी का या तो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का अप्रूवल लगता है एंड एट द सेम टाइम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर भी अपना पावर डेलीगेट किया जा सकता है तो ऐसा कुछ भी करने से पहले आपको सबसे पहले क्या लेना होता है अप्रूवल लेना होता है और अप्रूवल का ही सेक्शन है सेक्शन 151। तो आइए सबसे पहले चलते हैं बेरेक्ट के अंदर में 151 को पढ़ेंगे फिर आएंगे यहां पे। बिकॉज 147 हमसे कहता है दैट इट इज सब्जेक्ट टू 148 फोर्टी एट टू वन पेज नंबर 26 के ऊपर आ जाइए यहां पे आपको 151 लिखा है सैक्शन फॉर इश्यू ऑफ नोटिस मतलब नोटिस इश्यू करने से पहले भी मालिक आपको क्या लेना होगा सैंक्शन लेना होगा चलिए समझते हैं नोटिस कैन बी इशूड अप टू फोर इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर जिस असेसमेंट ईयर की हम क्या करने जा रहे हैं असेसमेंट ओपन करने जा रहे हैं राइट right? जिस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर की हम असेसमेंट ओपन करने जा रहे हैं उस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से चार साल तक कभी भी नोटिस इशू की जा सकती है जैसे कि जैसे कि मान लीजिए असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर सिक्सटीन सेवेंटीन

कौन से ईयर का असेसमेंट अभी भी ओपन कर सकते हो 16, 17 का केस अभी इस साल में भी ओपन हो सकता है प्रीवियस ईयर 15, 16 रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 16, 17 का केस आज 2021 के अंदर में भी ओपन हो सकता है अगर एओ चाहे तो किसका अप्रूवल लेना होगा जेसी का नीचे पढ़िएगा सो नोटिस कैन बी इश्यूड अप टू फोर असेसमेंट ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर किसका अप्रूवल चाहिए बाय जॉइंट कमिश्नर इस बात को हाईलाइट कीजिए किसका अप्रूवल चाहिए अप टू फोर इयर्स जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए क्या जॉइंट कमिश्नर अपना ये पावर डेलीगेट कर सकता है बिल्कुल कर सकता है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है हाउ एवर द एसीडीसी असिस्टेंट कमिश्नर डिप्यूटी कमिश्नर और आईटीओ सारे ए कैन इश्यू द नोटिस इफ जेसीटिस्फाइड ऑन द रीजन रिकॉर्डेड बाय एओ दैट इट इज के डायरेक्शन इश्यू करेगा और जेसी अपना पावर क्या कर सकता है अपने छोटे जो एओ है छोटे एओ मतलब कौन एसीडीसी आई उनको भी बोल सकता है कि मेरा तुमको जनरल पावर है बिंदास किसी को भी अगर आपको लगता है कि इनकम एस्केप हुई होगी तो आप इनकम एस्केपिंग के लिए नोटिस दे दो जनरल चार साल दूसरा नोटिस कैन बी इशूड आफ्टर फोर ईयर्स टू सिक्स ईयर्स और सिक्सटीन ईयर्स और सिक्सटीन ईयर समझ रहे रहेगा सिक्स इयर अगर इनकम स्केप एक लाख रुपए से ऊपर हुई सिक्सटीन ईयर्स अगर फॉरन अस्सेट या ट्रांजेक्शन आपको मिलते हैं तो सोलह साल पीछे जा सकते हो पर सर आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर सिक्सटीन ईयर कैसे पीछे जा सकेंगे सर ये एक्चुअली लॉ लिखने वाले ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है क्यों मैं आपको बताता हूं असि सीधा सीधा बोलेगा सर 44 डबल ए के हिसाब से द मैक्सिमम टू विच बुक्स ऑफ अकाउंट ईयर अब आप 16 असेसमेंट ईयर पीछे जाने की बात कर रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट तो हो सकता है होंगे भी उसके पास तो वो तो यही बोल देगा सर मैंने तो डिस्ट्रॉय कर दिए आई हैव डिस्ट्रॉयड ऑल मटेरियल बिकॉज द मैक्सिमम इज सिक्स असेसमेंट इयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर दिस सिक्स ईयर ज एज पर सेक्शन फोर्टी फोर डबल ए दैक्सिम ईयर अपू विच बुक्स लिखने के लिए लॉ वाले ने सिक्सटीन ईयर लिख दिया बट प्रैक्टिकल ग्राउंड की रियालिटी यह है कि सिक्स असेसमेंट इत पीछे नहीं जा सकते ये एकदम प्रैक्टिकल रेलिवेंट ग्राउंड है अगर कंपनी से देख लें तो मैक्सिम एट ईयर अगर दूसरे एक्ट भी पकड़ लें तो मैक्सिम टेन ईयर उससे पीछे जा ही नहीं सकते सर बट खेद लिखने वाले ने लिख दिया आपको पढ़ना है सो नोटिस कैन बी इशूड आफ्टर फोर इयर्स बट अप अपू सिक्स और सिक्सटीन इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर किसके थ्रू हो सकता है सो अगेन सिक्स इयर्स और सिक्सटीन इयर्स कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हालांकि बताइए क्या वो ये पावर अपने दूसरे एओस को भी दे सकता है हां जी दे सकता है अगर उसको लगता है केस फिट है तो वो पावर दे सकता है डेलीगेशन ऑफ पावर इज ऑल्सो अलाउड बट लॉजिकली आपको अगर कोई पूछे पहला एमसीक्यू अगर आपको आ जाए तो अप टू फोर ईयर जेसी का अप्रूवल चाहिए बियॉन्ड फोर ईयर सीधे शब्दों में सिक्स और सोलह भी मत याद रखो बियॉन्ड फोर ईयर द अप्रूवल ऑफ पीसी और सीआईटी विल बी रिक्वायर्ड एंड दिस पावर कुड बी डेलीगेटेड एट एनी टाइम तो यह था सबसे पहला सेक्शन सेक्शन वन फिफ्टी वन किसके अप्रूवल चाहिए एक बार अगर एओ को लगता है इनकम एस्केप हुई है ध्यान से सुनना एक बार अगर एओ को लगता है दैट इनकम हैज बीन एस्केप्ड सबसे पहले वह जाएगा वो हायर अथॉरिटीज का अप्रूवल लेगा सबसे पहले जाएगा क्या करेगा हायर अथॉरिटीज का अप्रूवल ले लेगा इसके बाद क्या होगा वो नोटिस भेजने का टाइम लिमिट देखेगा ध्यान से सुनिए ये नोटिस कब तक भेजी जा सकती है ये लिखा है 149 में 149 लिखता है नोटिस कब तक भेजी जा सकती है जैसा कि मैंने आपको बताया अप टू फोर इयर्स इन जनरल रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से फोर इयर्स का अंदर कभी भी भेजा भी जा सकता है चार से ऊपर भेजा जा सकता है यस सर अप टू सिक्स असेसमेंट ईयर भेजा जा सकता है फॉरेन असैट अगर होगा तो सिक्सटीन इयर्स का केस है ये जो फोर सिक्स और सिक्सटीन है ये कहां लिखा है वन फोर्टी नाइन में लिखा हुआ है गेटिंग इट ऑ नॉट आइए पढ़ते हैं नो नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट बी इशूड इशू वर्ड लिखा है सर्व नहीं लिखा है

कितने साल पीछे जा सकते हो जिस भी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर की आपको लगता है कि इनकम स्केप हुई होगी सो लेट से मैं अगर सिक्सटीन सेवनटीन असेसमेंट ईयर में खड़ा हूं इसकी नोटिस कब तक के जा सकती है सेवनटीन एटीन एटीन नाइनटीन 19-20

ये बात याद रखिए कि चार साल बाद भी केस ओपन हो सकता है तो जब भी आप कोई सोच ऐसी धांधली करें माइंड भी उस टाइम आप बच सकते हैं पर हो सकता है चार साल के अंदर वो आपको कभी भी पकड़ लेगा हाँ चार साल के अंदर में फिर वो कभी भी पकड़ लेगा तो सर क्या पेनल्टी भी लगेगी क्या फीस भी लगेगी आएंगे मैंने कहा आपसे धीरे धीरे चलते रहो ये सेक्शन बड़े प्यार से स्लो मोशन में चलाना होगा आइए बी क्या कहता है बी इफ फोर इयर्स, बट नॉट मोर देन सिक्स इयर्स हैज लैब्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, अनलेस द इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एवस्केप द असेसमेंट इज लाइकली टू अमाउंट वन लैक और मोर फॉर दैट ईयर्स हा मतलब क्या है अगर आपको ऐसा कभी भी लग रहा है कि सर आपकी इनकम जो स्केब्ड हुई है ये एक लाख रुपए से ज्यादा की है तो आप चार के जगह कितने जा सकते हो सिक्स इयर्स जा सकते हो एक लाख रुपए बहुत छोटी अमाउंट है सर बहुत छोटी अमाउंट हाँ, उन्होंने ये पावर अपने पास रखा है, और इस पावर के तहत बहुत सारे लोग असेसमेंट के अंदर में फंस तो किसका होगा दे असेसमेंट हो हुआ हो असेसमेंट नहीं हुआ हो इससे कोई लेन देन नहीं है दूसरा दूसरा छह साल तक के भी जा सकते हो अगर इनकम एस्केप्ड फॉर दैट ईयर कितने की हो गई सर एक लाख रुपए से ज्यादा की हो गई तीसरा क्लॉस कहता है सिक्सटीन फोर ईयर्स बट नॉट मोर देन सिक्सटीन ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट इयर अनलेस द इनकम इन रिलेशन टू एनी असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट आउटसाइड इंडिया चार्जेबल टू टैक्समेंट ये जो है, इसके केस में आपके इनकम का कोई लेन देन नहीं फॉरेन में अगर आपका असेट है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट है अगर तो आप चार साल की जगह सोलह साल पीछे जा सकते हैं बट मैंने आपको प्रैक्टिकल रियालिटी बता दी कि सोलह साल सिर्फ लिखने के लिए लॉ में लिख दिया गया है अस क्लियर कट कंटेंशन दे सकता है दैट आई मेंटेन ओनली फॉर सिक्स असेसमेंट ईयर के ऊपर का डाटा नहीं है could, you know, uh, ये आ जाएगी. पावर है आप सोलह साल पीछे जा सकते हो पॉइंट यह है आप जाओगे या नहीं जाओगे समझ में आ रही बात तो हाजी नोटिस कब तक इशू की जा सकती है 147 का असेसमेंट करने के लिए नोटिस कब तक इशू की जा सकती है जिस साल की इनकम स्केप हुई है वहां से फोर असेसमेंट ईयर वहां से इं असेसमेंट ईयर अगर इनकम स्केप डेढ़ लाख रुपए से ऊपर हुई और अगर फॉरन असेट या फाइनेंशियल फॉरन असेट होगा तो सोलह साल तक के कभी भी नोटिस इशू की जा सकती है नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट है और यह टाइम लिमिट है चार छह सोलह चार छोला मैक्सिमम टाइम लिमिट है अच्छा जी सर टाइम लिमिट अप्लाई नहीं करेगी केस ऑफ सेक्शन 151। ये जो टाइम लिमिट लिखी है फोर ईयर सिक्स इन सिक्सटीन ईयर इज नॉट एप्लीकेबल इन केसेस गिवन इन 151। 150 सॉरी द केसेज गिवन इन मीनिंग क्या है इस बात का इस बात का मीनिंग ये है कि अगर केस 150 के अंदर में आ रहा होगा तो फिर टाइम लिमिट का वहां पे कोई लेन देन नहीं है टाइम लिमिट का वहां पे कोई लेन देन नहीं है सब्जेक्ट टू 151 फिफ्टी वन मीनिंग सेक्शन वन फोर्टी नाइन सबसे टू प्रोवाइड दैट द प्रोविजन ऑफ वन फोर्टी नाइन वन एज टू इश्यू ऑफ नोटिस शेल सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ 151 फिफ्टी वन यानी नाइन की नोटिस तभी वैलिड होगी जब 151 का अप्रूवल आएगा ये तो हमने पहली बात कर ली चार साल तक जाना है तो जेसी का अप्रूवल चाहिए चार साल के बियॉन्ड जाना है तो आपको सीआईटी का अप्रूवल चाहिए अब 150 क्या कहता है okay. ध्यान से सुनिए 150, 150 क्या कहता है 150 कहता है कि ये जो नोटिस का टाइम लिमिट आपने दिया ना फोर ईयर सिक्स ईयर सिक्सटीन ईयर यह अनलिमिटेड हो जाएगा कभी भी नोटिस इश्यू हो जाएगी अनलिमिटेड हो जाएगा अब आप यह पूछेंगे कि सर फिर क्या कोई भी साल की असेसमेंट हो पाएगी आंसर इज यस कोई भी साल की असेसमेंट हो पाएगी कौन से केसेस में? जो 150 में लिखा है सर 150 में क्या लिखा है 150 के अंदर में लिखा है कि अगर अगर ये 148 फोर्टी एट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इज बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल अगर यह रीअसेसमेंट ओपन किया जा रहा है किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के कहने पे तो फिर चार साल छह साल या सोलह साल का रिस्ट्रिक्शन नहीं है फिर नोटिस कभी भी इश्यू की जा सकती है ऑब्वियसली ऐसे एक सेक्शन रखना बहुत जरूरी था क्योंकि कोर्ट किसी भी केस का फाइंडिंग्स कभी भी करने बोल सकती है और अगर हम फोर सिक्स और सिक्सटीन कर देते तो हम बंद जाते फिर एक सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया कोर्ट की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कि कोर्ट किसी भी व्यक्ति के डिटेल्स मंगाया जा सकते हैं या आपको बोला जा सकता है इस पर्टिकुलर एससी की उस साल की भी असेसमेंट ओपन की जाए तो हो सकता है आपको फिर टाइम लिमिट की जरूरत ही ना पड़े मैं आपको बताता हूं पी चिदंबरम साहब चिदंबरम साहब आपको भी पता होगा एक टाइम हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के अंदर में लेकिन बाद में उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड अब ईडी भी उनके पीछे है एनफोर्समेंट डायरेक्टर भी उनके पीछे है अब ऐसे केसेस में उनके कई सालों के रिकॉर्ड क्या करवाए जा रहे हैं ओपन करवाए जा रहे हैं और उन हर ईयर की इनकम को असेस किया जा रहा है उनका प्लस उनके बेटे की भी तो ऐसे केसेस में क्या आता है कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है अब अगर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आए और अगर आपको इनकम टैक्स वाला सेक्शन रिस्ट्रिक्ट कर दे चार साल ही पीछे जा सकते हो छह साल ही पीछे जा सकते हो सोलह साल ही पीछे जा सकते हो तो फिर एक्चुअल फाइंडिंग जो कोर्ट हाइस्ट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है इसका तो मीनिंग ही खत्म हो जाएगा इसीलिए एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया वन जो कहता है कि अगर आपको ये जो डायरेक्शंस मिले हैं ये किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे मिले हैं तो फिर ये फोर सिक्स सिक्सटीन का कोई मैटर नहीं करता फिर नोटिस कभी भी इशू की जा सकती है एट एनी टाइम वर्ड देखिएगा

शूड एट एनी टाइम एनी एनी चार छ सोलह एनी टाइम नॉट विच स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेड इन वन फोर्टी नाइन नोटिस अंडर वन फोर्टी एट कैन बी शूड एट एनी टाइम फॉर द मेकिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट स्टॉप फॉर मेकिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट क्या कहा उन्होंने फॉर मेकिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट असेसमेंट करने के लिए रीअसेसमेंट करने के लिए क्या फर्स्ट टाइम असेसमेंट 147 में हो सकता है यस yes. क्या एक बार ऑलरेडी असेसमेंट हो चुका है रीअसेसमेंट 147 में हो सकता है यस असेसमेंट रीअसेसमेंट खुद सेक्शन ही वर्ड लिखता है और एक एक शब्द जो उनके मुंह से निकले हमारे लिए तो जरूरी है इनकम टैक्स हमारे लिए एक ही तो ध्यान सुनना वैसे भी प्रोफेशनल स्टूडेंट है अपने आप चार साल से आगे जा सकते हो छह साल बाद भी नोटिस इशू हो सकते हो जिस ईयर की इनकम स्केप हुई है सोलह साल भी आगे जा सकते हो जिस ईयर की इनकम क्या हुई है एस्केप हुई है लेकिन 150 कहता है 149 जो कहता है उसको बाजू रखो और मैं आपको कह रहा हूं नोटिस आप कभी भी इशू कर सकते हो कभी भी इशू कर सकते हो इनकम को असेस करने के लिए या रीअसेस करने के लिए इन कॉन्सिक्वेंसेस इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन ऑर्डर टू गिव द इफेक्ट टू द फाइंडिंग ऑल डिरेक्शन अंडर सेक्शन टू फिफ्टी ध्यान से सुनिए 250 क्या है सी आई टी अपील्स का ऑर्डर 254 क्या है आई का ऑर्डर 260 क्या है हाई कोर्ट का ऑर्डर 262 क्या है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 263 क्या है सीआईटी का ऑर्डर लिखना चाहे इस तरह से एरो करके लिख दें तो अगर अगर आपको अपील ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या सीआईटी कहता है तो आप फिर कभी भी इसकी फाइंडिंग्स करने जा सकते हो फिर चार छ सोलह का कोई लेन देन नहीं है डन सर

इनकम टैक्स एक्ट ऑब्लिक द ऑर्डर ऑफ कोर्ट अंडर एनी अदर लॉ कोर्ट का ऑर्डर निकला किसी और लॉ के तहत आपको कोर्ट का ऑर्डर निकला क्या असेसमेंट आपकी ओपन की जा सकती है बिल्कुल ओपन की जा सकेगी साहब बिल्कुल ओपन की जा सकेगी किसी और कोर्ट के ऑर्डर के तहत भी क्या की जा सकेगी ओपन की जा सकेगी चल मेरा बच्चा यहां तक के मुझे बताएगा सबसे पहले सबसे पहले हम जाकर के क्या लेंगे अप्रूवल लेंगे सेक्शन क्या था अप्रूवल कुछ भी नहीं लिखना सिर्फ सुनना मेरे साथ रिकॉल करना 151 क्या था अप्रूवल बराबर है अप इयर्स किसके अप्रूवल लेने पड़ेंगे माशाल्लाह एक नंबर बात बोली मेरे भाई जेसी का अप्रूवल क्या जेसी अपने छोटे भाई बहनों को बोल सकता है छोटे भाई बहनों मतलब अदर यो छोटे भाई बहनों को बोल सकता है मेरे अप्रूवल की जरूरत नहीं जा मैंने तुझे हक दिया तू खुद ही मेरे बिहाफ पे क्या कर दे इशू कर दे बिल्कुल हो सकता है सर सिक्स सिक्सटीन इयर्स तक है किसका अप्रूवल चाहिए सर पीसी का अप्रूवल चाहिए या सीआईटी का क्या ये भी अपने छोटे भाइयों को बोल सकता है कि जाओ मेरे कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं जिंदगी अपनी जिंदगी ऐसा कुछ कर सकता है सर बिल्कुल ओपन कर सकता है वन फिफ्टी वन फिर हम आगे बढ़े अब हमें चाहिए ये जो नोटिस है कब तक इशू हो सकता है टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ नोटिस क्या कहता है वो टाइम लिमिट तीन देता है अप टू फोर इयर्स फोर इयर टू सिक्स इयर्स के भी नोटिस इश्यू किए जा सकते हैं केस केस में अगर आपकी एस्केप्ड इनकम एक्सीड कर रही है वन लाख रुपीज से सिक्सटीन इयर्स तक के भी किए जा सकते हैं अगर आपका कोई असेट्स दिख रहा है कहां दिख रहा है आउटसाइड इंडिया दिख रहा है तो आप सिक्सटीन इयर्स भी पीछे जा सकते हैं फिर 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 हम लोग कहते हैं सेक्शन 150 150 क्या कहता है 149 का टाइम लिमिट की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपको ऑर्डर आया है रीअसेस करने का या असेस करने का और ये ऑर्डर आपको दिया है किसी अथॉरिटी ने या कोर्ट ने फिर चार छ सोलह नहीं 25 साल पुराना केस भी आपका ओपन हो सकता है 50 इयर्स पुराना केस भी आपका ओपन हो सकता है बट जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बोलने के लिए ऐसा लगता है बट ये लॉजिकल नहीं है ही बोल देगा मेरे पास अगर वो सिक्स इयर्स के पीछे भी फिर जाना है तो उसके रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं उसको बोला जाता है उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोला जाता है कि मुझे इस साल की इन्फॉर्मेशन निकाल करके दो फिर वो किसी तरीके से इंफॉर्मेशन निकाल के देता है या फिर उस साल के उन्होंने रिटर्न भरे होंगे तो उस साल के रिटर्न के बेसिस पे यू नो उनके पीएनएल बैलेंस शीट तो होगी होगी कंप्यूटेशन की वो मंगाया जाता है तो इट्स अ इट्स अ वेरी गुड फ्रेमवर्क इन इन यू नो अदर वे सो 151 अप्रूवल मिल गई अप्रूवल मिलने के बाद आपने देख लिया कि हाँ अब भी नोटिस इशू कर सकते हैं अगर आपको एक बार नोटिस इशू करने के बारे में भी क्लियर कट पता चल गया अप्रूवल ले ली बॉस से अभी भी देख लिया कि हाँ उस साल का नोटिस अब भी इशू किया जा सकता है अब एज तुम क्या करोगे अब एज तुम नोटिस इशू करोगे अब एज तुम नोटिस इशू करोगे इसीलिए देखिए सेक्शन को मैंने किस सीक्वेंस में पढ़ने बोला था आपको समझ में आएगा कि भाई साहब मास्टर ने बोला था तो ऐसा क्यों बोला था जरा ये दिख रहा है आपको पहले 151 पढ़ो फिर 149 पढ़ो फिर 150 पढ़ो जबकि नंबरिंग कहता है 147, का हो गया. पर, ने तुमको बोला है, जा अपनी जिंदगी जा असेसमेंट कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं है तब आप 150 में फॉल हो गए और आप बोलोगे 149 का कोई लेनदेन नहीं मेरे पास कोर्ट का पावर है अब मैं क्या करेगा असेसमेंट करेगा नोटिस भेजेगा अब क्या होगा एज अ एओ तुम एज एओ तुम क्या करोगे अब एक नोटिस बनाओगे नोटिस होगा 148 के अंदर में 148 का नोटिस होगा इसीलिए नेक्स्ट सेक्शन जो आपके सामने आता है वो है 148। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन आइए समझते हैं 148 हमसे किस बारे में बात करता है एवरीबॉडी कम टू पेज नंबर दिस इज 24. नोटिस नोटिस अंडर सेक्शन 148. ये नोटिस क्या करता है मैं आपको बता देता हूं सर ये नोटिस असेसी को बोलेगा ध्यान से सुनना ये नोटिस असेसी को बोलेगा कि एस एस मुझे तेरी एस्केप्ड इनकम के बारे में पता चल चुका है मैं तुझे ऑर्डर देता हूं कि तुझे रिटर्न फाइल करना है सर रिटर्न फाइल करना है रिटर्न फाइल करवाया जाता है सर क्यों रिटर्न फाइल करवाया जा रहा है रिटर्न फाइल करवाया जा रहा है यह अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का रोल प्ले करता है एक बात याद रखिए आपके क्लाइंट को अगर 148 का नोटिस आ गया तो आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का कि एओ को क्या मिला होगा आपको बस इतना समझना है कि एओ को आपके खिलाफ कुछ मिल चुका है पर वो आपको बोल रहा है कि बेटा रिटर्न भर और बता मुझे कि उस उस ईयर में क्या हुआ था सर एक सवाल क्या मुझे उन चारों सालों के रिटर्न भरने हैं जिनकी नोटिस इशू हुई है आंसर इज नो 148 का नोटिस आपको क्लियर कट बताता है कौन से ईयर की इनकम एस्केप हुई है और उस ईयर के लिए ही रिटर्न भरवाया जाता है मतलब यहां पे आपको कंप्लीटली ऑल फोर ईयर ऑल सिक्स ईयर ऑल सिक्सटीन ईयर के रिटर्न नहीं भरने होते जिस ईयर का उस नोटिस के अंदर में होता है नोटिस आता है 148 का, उस नोटिस में अराउंड तीन चार पैराग्राफ बाद लिखा होता है कौन सा ईयर है और आपको उस ईयर का रिटर्न का भरना है सर चारों साल की भी दी जा सकती है चारों साल की भी होगी तो चारों साल की सेपरेट नोटिस आ जाएगी बिल्कुल हां जी साहब चारों साल की होगी तो सर चारों साल का आपको क्या आ जाएगा नोटिस आ जाएगा कि सर आप क्या करें रिटर्न भर दें

तो एओ के पास पावर आ जाता है पेनल्टी प्रोसीडिंग लगाने का और इस पर फिर वो पेनल्टी प्रोसीडिंग लगा सकता है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम या नॉन रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की क्योंकि उसके पास तो सबूत आ गए 147 तभी हो सकता है व्हेन हैज अ रीजन रीजन टू टू बिलीव बिलीव कुछ याद आया क्या क्या 147 147 का स्टार्टिंग क्या है? 147 का स्टार्टिंग स्टार्टिंग वर्ड वर्ड है है तो उसके पास रीजन टू बिलीव होगा वो अपने बॉस के पास जाके दिखाएगा बॉस अप्रूवल दे देगा वो चेक करेगा चार छ सोलह कहीं पे भी अभी नोटिस इश्यू कर सकता है क्या अगर कर सकता है तो वो आपको वन का नोटिस भेजेगा बोलेगा इस साल के मेरे को रिटर्न भर दो चीजें होगी इससे एक वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड दे देगा और बोलेगा बेटा मैं अब भी तेरे को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं तू उस साल का पर्टिकुलर इनकम भर सर मुझे बहुत जोर से डाउट आया है आंसर इज यस भले ही आपने उस साल का भले ही आपने उस साल का क्या किया होगा रिटर्न भरा होगा अगर 148 का नोटिस आ जाता है तो आपको फिर से दोबारा आपको क्या करना होगा रिटर्न भरना होगा अच्छा सर अच्छा सर सर मेरे को एक और सवाल आया बहुत जोर से सवाल आया ये जो रिटर्न होता है ये कौन से फॉर्म के अंदर में भरा जाता है नोटिस बताता है कौन सा फॉर्म भरना है नोटिस ये भी बताता है ये रिटर्न कब तक के भरना है अच्छा सर सर मुझे एक और सवाल आया है सर मुझे एक बात बताइए ये नोटिस आपने दिया था रिटर्न भरने के लिए मैंने रिटर्न नहीं भरा क्या कर लोगे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया लिखा क्या होता है 147 फोर्टी सेवन ऑब्लिक वन अगर आप रिटर्न भर दोगे तो आपका जो असेसमेंट होता है जैसे 143 में असेसमेंट होता है ठीक उसी तरह आपका असेसमेंट किया जाता है आपको पर्टिकुलरली बुलाया जाएगा आपसे इंफॉर्मेशन कॉल की जाएगी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी उनको जो डाउट होंगे वो डाउट आपको पूछेंगे और अल्टीमेटली एडिशन किया जाएगा अल्टीमेटली क्या किया जाएगा एडिशन किया जाएगा जो तुमने रिटर्न नहीं भरा तो याद करो ना तो 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 इसीलिए लिखा, तो लिखा होता है कि तुमको प्यार से बोल रहे हैं रिटर्न भर लो बाबू तुमने अगर रिटर्न नहीं भरा तो हम तुम्हारी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का पावर रखते हैं और ठीक इसीलिए मैं आपसे कह रहा था वन फोर्टी सिर्फ एक पावर है असेसमेंट तो 143 या 144 ही होता है बेटा 147 तो सिर्फ एक पावर है बाद में भी आपके असेसमेंट ओपन करने का अच्छा जी सर सर मुझे एक बात बताइए ये नोटिस कब तक इशू करनी है कैसी बातें कर रहे हो 149 में वही तो पड़ा चार साल तक के भी इशू कर सकते हैं जिस साल की इनकम स्केप हुई है उस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से चार साल तक छह साल तक या सोलह साल तक कभी भी इशू किया जा सकता है ठीक है सर सर एओ को ये नोटिस देना जरूरी है नोटिस नहीं दिया तो पूरा का पूरा असेसमेंट ही क्या हो जाएगा इनवैलिड हो जाएगा नोटिस तो आपको इश्यू करना ही है जिस साल की राइट आपको, आपको, आपको बिल्कुल अगर मान लीजिए तीन साल का होता है तो वो तीन साल के अटैच होकर आते हैं एक ही दिया जाता है बस तीन साल का अलग अलग डिटेल होता है सिर्फ ईयर चेंज हो जाता है बाकी सारी इंफॉर्मेशन अलग रखी जाती है उसके अंदर में अच्छा जी सर सर मुझे एक और बात बताइए ये जो नोटिस होता है ये जो नोटिस होता है ये अगर हमारे क्लाइंट को रिसीव हो जाए तो हमने क्या करना चाहिए सबसे पहले तो क्लाइंट को बैठाना चाहिए पूरा प्रोसेस समझो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझो सबसे पहले तो क्लाइंट को बैठाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि उस साल क्या हुआ था मुझे बता उसके पूरे पुराने डिटेल्स रिकॉर्ड्स निकालने होते हैं ढूंढना होता है कि ऐसा क्या मिल गया होगा इसको जान मुझ के जान मुझ के आपको क्या नहीं दिया जाता कि डिटेल्स नहीं बताई जाती हो, वो इसलिए नहीं बताई जाती मान लीजिए एओ को सिर्फ ए डिडक्शन मिला होगा आपसे रिटर्न भरवा के पता है क्या किया जाता है आपको तो पता है कि 148 आ गया उसमें मतलब एओ को शक हो गया कुछ भी छूटा तो वो क्या कर देगा मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम नॉन रिपोर्टिंग ऑफ इनकम तो हो सकता है वो खुद होके एक जगह बीबी डिक्लेयर कर दे और इसलिए 148 में सिर्फ इतना बोला जाता है कि बेटा आपका कुछ एस्केप्ड इनकम मिला है चलो रिटर्न भरो और यही एक तरीका भी है कि खुद होके कई बार असेसी वो भी डिक्लेयर कर देता है जो एओ के ध्यान में नहीं आया खुद वो भी डिक्लेयर कर देता जो एओ के ध्यान में नहीं आया और इससे एक कंट्रोवर्सी अराइज हुई थी ध्यान से सुनिए लॉ कैसे बनाया आपको बताऊंगा और बड़ा मजा आएगा और जब आप अपने छोटों को जूनियर को ऑफिस में डिस्कशन करोगे इस लॉ का तो मेरी बड़ी याद आएगी और जब उनको यह बात बताओगे कि इतना फैसिनेटिंग होता है डायरेक्ट टैक्स वो बोलेंगे भाई रिस्पेक्ट ध्यान से सुनना तो पॉइंट यह था कि 148 के पीछे का लॉजिक ये था कि कई बार हम उसको बोलते थे कि आप अपनी इनकम डिस्क्लोज करो अब एओ यू नो एस क्या करता था कि वो सोचता था यार मैंने तो ए और बी दोनों गायब किए थे अब इसको कुछ तो मिला है उसको ये थोड़ी नहीं पता ए मिला है या बी मिला है वो क्या करता वो दोनों के दोनों डिस्क्लोज कर देता और इससे एओ के पास में एक और इश्यू आ जाता कि यार ये तो मेरे पास था ही नहीं और ये पॉइंट भी मेरे को मिल गया ये तो बहुत अच्छी बात है जब ऐसा कुछ मिलना चालू हो गया तो इस पर एक और डिस्प्यूट अराइज हुआ ने क्या किया जब एस ने रिटर्न भर दिया एओ ने क्या किया जब एस ने रिटर्न भर दिया तो उसने वो मैटर पे भी असेसमेंट कर दी जिस मैटर के ऊपर नोटिसिश ही नहीं की गई थी अससी असेसी ने इसे ऑब्जेक्ट किया कोर्ट के अंदर में में कि 148 में आप वो मैटर थोड़ी ना ओपन कर सकते हैं जो आपने पूछा ही नहीं था आप ये मैंने डिस्क्लोज किया ये अलग विषय है पर आपने मैटर पे बात करी थी क्या नहीं करी थी और 148 बोलता है जिस चीज के लिए नोटिस इश्यू की गई थी उसी चीज पे आप असेसमेंट कर सकते कोई नए केस के अंदर में आप नहीं जा सकते कोई नया इशू पे आप नहीं जा सकते जबकि डिपार्टमेंट कह रहा था कि सर अगर एस्केप्ड इनकम है तो एस ने खुद होकर डिस्क्लोज किया है उसने रिटर्न दिया तो इनफैक्ट हम उस जगह पे भी जा सकते हैं जो जगह हमें ध्यान में नहीं आई और आप ही ने कहा था ना एस्केप्ड मतलब एस द्वारा एस्केब या तो डिपार्टमेंट द्वारा स्केब तो एस्केप्ड स्केब्ड इसकेब तो अब इसने जब खुद होकर बताया बी पॉइंट भी है तो हम बी पॉइंट पे भी जाएंगे हमारा हक है नहीं 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 सर वो तो मैंने इसलिए डिस्क्लोज किया क्योंकि मेरे को नहीं पता था इनने नोटिस के अंदर में क्या मिला है इनने सिर्फ बताया था कुछ तो मिला है पर सर ये तो गलत है ना आपने कहीं पावर ही नहीं दिया सेक्शन में लिखा है लॉ की बातें करो लॉ में लिखा है क्या ऐसा कुछ है नहीं है तो मैटर खत्म आप नहीं जा सकते उस मैटर पे बात सही थी डिपार्टमेंट को एक कानून के अंदर बंद के काम करना पड़ता है उस मैटर के अंदर में नहीं जा सकते जो मैटर नोटिस के अंदर में था ही नहीं कोर्ट ने ऐसा डिसाइड किया और डिपार्टमेंट हारा एक हिस्ट्री आप याद रखिए आपके बड़े काम आएगी जब जब डिपार्टमेंट हारा है तब तब अमेंडमेंट हुआ है यहां पे भी अमेंडमेंट हुआ 147 के अंदर में एक और वर्ड ऐड किया गया जो नोटिस में लिखा है वो इनफैक्ट न्यू ग्राउंड्स के अंदर में भी जा सकते हैं 147 में ये वर्ड लाए गए आइए मैं आपको दिखाता हूं को पढ़ते पढ़ते ध्यान में आएगा मेरे को ऐसा डायरेक्टली भी नहीं दिख रहा उधर कि भैया वो किधर लिखा हुआ है जब एक एक पॉइंट पढ़ेंगे तब अपने को ध्यान में आएगा आगे एक्सप्लेनेशन थ्री एक्सप्लेनेशन थ्री एड किया गया सेक्शन वन के अंदर में अब पढ़िए क्या है फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट अंडर दिस सेक्शन अंडर दिस सेक्शन का मतलब क्या वन फोर्टी सेवन में जब आप असेस कर रहे हो या रीअसेस कर रहे हो एसेस और रीअसेस एसेस और रीअसेस द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इशू which has escaped the assessment and such issue come to his notice subsequently in the course of proceeding notwithstanding the reason for such issue has not been included under section 148 to उस मैटर में भी जा सकते हैं जिस मैटर के बारे में हमने 148 के अंदर में लिखा ही ना हो पर हमें ध्यान में आ गया हो तो लॉ कहता है कि आप बिल्कुल जा सकते हो और इसलिए एक्सप्लेनेशन थ्री ऐड किया गया था 147 के अंदर में आया साहब मजा बहुत मजा आ रहा है सर आगे बढ़ते हैं हम कहा नोटिस के अंदर में नोटिस कहता है कि सर आपको आपको क्या करना होगा होगा रिटर्न भरना मैं आपको तीन की है। शो में आपका बेस्ट जजमेंट क्यों ना करूं आपका कहता है कि बेटा चल बेटा भर ले रे। आपको जिस ईयर की इनकम का रिटर्न भरवाया जाता है आइए नोटिस के ऊपर ध्यान देते हैं सर 148 एओ बिफोर मेकिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट वर्ड ही लिखा है बिफोर मेकिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट और रिकंप्यूटेशन अंडर 147 शल सर्व आहाहा सर्व ऑन द असेसी नोटिस अंडर 148 ध्यान से सुनिएगा वर्ड लिखा है लॉ के अंदर में सर्व 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 वर्ड लिखा है सर्व वर्ड का मतलब क्या है उसको रिसीव होना चाहिए 148 का नोटिस इशू हुआ असेसी को रिसीव नहीं हुआ असेसमेंट हो गई वैलिड असेसमेंट या असेसमेंट टोटली वॉइड असेसमेंट मिलना चाहिए उसको नोटिस एव शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर डूइंग सो एव अपना रीजन रिकॉर्ड करेगा हालांकि ये रीजन कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत है कि भैया मेरे को कुछ मिला है ये उसको सर्व करने की जरूरत नहीं है

तो सर चार साल के बियॉन्ड अगर जाना है तो ये देखना होगा अस ने क्या किया होगा रिटर्न भरा है नहीं भरा है या उसने फुल डिस्क्लोजर दिए हैं या नहीं दिए हाउ एवर दिस प्रोविज शेल नॉट अप्लाई इफ एनी इनकम इन रिलेशन टू एनी अट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप दी असेसमेंट तो क्या कहा गया है अगर इनकम एस्केप हुई हो तो फिर ये नहीं देखा जाता उस साल के लिए उसने रिटर्न भरा है या नहीं भरा है या फुल डिस्कलोजर दिए है या नहीं दिए हैं फिर उस केस में सीधा सीधा असेसमेंट की जा सकती है ध्यान से सुनिए यह वर्ड ध्यान से सुनिए और आपको मेरी बात पर पूरा यकीन हो जाएगा फॉर अ रिटर्न फाइल्ड अंडर इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर वन फोर्टी थ्री टू मस्ट बी सर्व इन सिक्स क्या समझते हैं सब आप इस लाइन को जरा मुझे बताइएगा लाइन कहती है जो रिटर्न फाइल किया है इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर वन फोर्टी एट नोटिस अंडर वन फोर्टी थ्री टू मस्ट बी सर्व यानी सेवन क्या हुआ बेटा सिर्फ एक पावर हुआ कि एसएस या रीएसएस कर सकते हैं। जैसे ही 148 इशू होता है, आप रिटर्न भरते हो। रिटर्न भरते हो, तो डायरेक्टली आपको 1432 का क्या दिया जाता है? नोटिस दिया जाता है। डायरेक्टली 1432 का नोटिस दिया जाता है, जिसका मतलब 1432 क्या था, बेटा? रेगुलर असेसमेंट की नोटिस। आप आए

ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन इज टू इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन हेंस टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द एस एस सी के नॉट बी रिड्यूस फर्दर इन प्रोसीडिंग ऑफ दिस सेक्शन मैंने आपको अगर कुछ याद हो तो बताया था रिफंड सिर्फ एक ही सेक्शन में आ सकता है 143, फोर्टी थ्री थ्री वन वन फोर्टी सेवन वन फिफ्टी थ्री ए हर जगह पेएबल ही आएगा रिफंडेबल आ सकता नहीं हर जगह सिर्फ क्या आएगा मालिक पेएबल ही आएगा रिफंडेबल आ सकता नहीं तो ठीक उसी तरीके से ये सेक्शन अगर आपको अप्लाई किया गया है तो यहां पे आपका सिर्फ पेएबल निकल सकता है रिफंडेबल का सवाल उठता नहीं 147 फोर्टी ओपन करने से पहले इन सभी संभावनाओं को एओ को देखना होता है सीबीडीटी ऑन द नोट समझिए 2016 नोट नोटबंदी आती है ध्यान सुनिए 2016 नोट नोटबंदी आती है और सीबीडीटी ने इसके ऊपर एक सर्कुलर निकाला बाकायदा इशू क्या था मैं आपको बताता हूं दो में जब नोटबंदी हुई कैश का व्यवहार ऑलमोस्ट तीन से चार महीनों के लिए कम हो गया अब ऐसे केसेस में जितने पेमेंट रिसीव होने वाले थे ये सारे पेमेंट क्या हुए ऑनलाइन आ, आ गए जीपे पेटीएम सो ऑन एंड सो फोर्थ अलग अलग पेमेंट आ गए जिससे हुआ ये कि बैंक अकाउंट के अंदर में एक अलग इंक्रीज दिखा जो हर बार एक नहीं दिखता था एस कैश में ट्रांजेक्शन कर लेता था तो अब क्या हुआ एओज ने दिमाग लगाया कि जिन जिन लोगों के बैंक अकाउंट में इंक्रीज हो गया है इट इज एन इनकम एस्केप्ड क्योंकि इसके पहले कभी भी उनने ऐसी इनकम कोई शो नहीं करी है इट इज एन एस्केप्ड इनकम और हम 147 ओपन करेंगे इस बात को कंसर्न करते हुए कई लोगों ने डिपार्टमेंट से कहा कि सर ये तो गलत है आपने नोटबंदी कर दी हम हर बार टैक्स भर रहे थे इसका मतलब देखिए जस्ट बिकॉज हमारा बैंक अकाउंट के अंदर में इंक्रीज हो गया दैट डजेंट मीन्स कि हम लोग चोरे और हमने अपनी इनकम को एस्केप किया तो आप इसके ऊपर कोई सर्कुलर लेके आइए एजिटेशन आया तो एजिटेशन के बाद ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला और सर्कुलर निकालने के बाद बोला कि जस्ट बिकॉज आपके बैंक अकाउंट या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है डज नॉट मीन्स कि पिछले सालों में एस ने क्या किया है इनकम को एस्केप किया है आप वन ओपन नहीं करेंगे ये कोई रीजन टू बिलीव नहीं है इसके इस सर्कुलर के तहत वार्स्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट हुआ सर पर उल्टा ये तो सही लॉजिक था ना बिल्कुल सही था पर अगर ऐसा कर देते तो नोटबंदी के बाद जो था लोगों के अंदर में इतना ज्यादा गुस्सा था नोटबंदी के बाद लोगों के अंदर में इतना ज्यादा गुस्सा था अगर रीअसेसमेंट की नोटिस भी आना शुरू हो जाती तो सर आप <coughs> नोटबंदी के बाद अगर यू नो नोटिस आना शुरू हो जाती तो फिर यू नो सरकार गिरने की भी चांसेस आ सकते थे इसीलिए इमिडिएटली सर्कुलर लाके बोला गया अभी तुम थोड़ा सा गया आइए बैन का ये सर्कुलर पढ़ते हैं ओपनिंग ऑफ केस अंडर 147 फोर्टी सेवन इज फिजिबल ओनली वेन एओ हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैजेप्ड असेसमेंट and not merely on the basis of any reason to suspect of increase of turnover because of the use of digital mode of payment in a particular year cannot be a reason to believe that income has escaped the assessment that income has escaped the assessment to so just because your turnover has increased because of the ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट ये रीजन टू बिलीव नहीं माना जाएगा इसके बेसिस पे कोई एओ क्या नहीं करेगा असेसमेंट ओपन नहीं करेगा याद आया मालिक वापस से रिकॉल करो चलो सबसे पहले अगर उसको रीअसेसमेंट करना होगा वो कहा जाएगा 151 151 में अप्रूवल लेगा अप्रूवल लेने के बाद वो कहा जाएगा 149, ये चेक करेगा कि असेसमेंट के लिए अभी भी टाइम बचा है क्या और क्या नोटिस इशू कर सकते हैं क्या आप इस तरह से भी बोलोगे कि पहले वो ये चेक कर लेगा और फिर अप्रूवल लेने जाएगा तो भी चलेगा बट लॉजिकली जब तक अप्रूवल नहीं आता तब तक ये काम ही शुरू नहीं होता बट प्रैक्टिकली पहले 149 में वो ये देख लेता है कि अब भी टाइम लिमिट बचा है क्या मैं नोटिस इशू कर सकता हूं क्या और हां तो अप्रूवल लेके आता है और फिर ही ऑफिशियली वो वन बनाता है इसके बाद 150 कहता है कि भैया 149 में जो टाइम लिमिट लिखा है उससे कोई लेन देन नहीं है अगर कोर्ट के थ्रू ऑर्डर आ जाता है तो फिर 148 के तहत क्या होता है 148 के तहत हम एक्चुअली नोटिस बनाते हैं हम एक्चुअली नोटिस बनाते हैं और नोटिस बना करके बेचते हैं असेसी को असेसी को बोला जाता है इतने दिनों के अंदर में इस ईयर का मुझे लगता है कि इनकम हुई है है इस ईयर ईयर का तू रिटर्न रिटर्न भर उस year के अंदर में वो भरता है। क्या हम उस इनकम को भी देख सकते हैं जो एओ ने वन के अंदर में कहीं रीजन टू बिलीव में उसके लिखा ही नहीं था बिल्कुल हो सकता है सर क्योंकि एक्सप्लेनेशन थ्री हमसे कहता है कि सर जिस साल की इनकम असेस हुई हो उस साल के लिए आप क्या कर सकते हो कोई भी इनकम देख सकते हो subsequently भी जो उसके ध्यान में आई इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग वर्ड देखिए एक्सप्लेनेशन थ्री क्या लिखता है इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग भी अगर उसके ध्यान में आ गया तो वो भी इनकम को वो क्या कर सकता है Consider कर सकता है बाद में ये डिस्प्यूट डिस्प्यूटराइज नहीं हो सके इसके लिए ही एक्सप्लेनेशन थ्री को क्या कर दिया गया एड कर दिया गया वन के साथ साथ अब क्या डिस्कस करना होगा ये सेक्शन होने के बाद हमें डिस्कस करना होगा सेक्शन वन फोर सेवन अब राइट टाइम है वन फोर्टी सेवन को डिस्कस करने का वन फोर्टी सेवन पेज नंबर ट्वेंटी वन इनकम एस्केपिंग असेसमेंट सर मुझे एक बात बताइए ये, ये जो पूरा मॉड्यूल वन है ये कितने मार्क्स के लिए हमें आ सकता है सर मॉड्यूल वन आपको आ सकता है करीब करीब 25 टू 35 की रेंज के अंदर में कहीं पे भी आपको आता है क्योंकि 10 टॉपिक इसमें कवर होते हैं कौन कौन से टॉपिक मैं आपको बता देता हूं मालिक बेसिक कवर होता है टैक्स कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट में आते जाता है दूसरा रिटर्न ऑफ इनकम है तीसरा इनकम टैक्स अथॉरिटी चौथा असेसमेंट प्रोसीजर अभी आएगा अपील रिविजन रेक्टिफिकेशन सर्च एंड सीजर सेटलमेंट कमीशन ये सा... क्लबिंग भी इसी के अंदर का पार्ट है मैं आपको बताऊंगा क्लबिंग कहाँ होता है वो भी इसी के अंदर का पार्ट है तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट दस टॉपिक इसके अंदर में है करीब करीब 25 टू तो थर्टी मार्क्स का यहाँ पे कवरेज मिलता है इन टॉपिक्स के अंदर में तो आप इनको बहुत अच्छे से करिएगा 147 करता कौन है असेसिंग ऑफिसर कब करता है इफ ही हैज अ रीजन टू बिलीव That any income चार्जेबल टू टैक्स हैजेप्ड असेसमेंट देन ही कैन डू असेसमेंट ऑल रीअसेसमेंट सब्जेक्ट टू सेक्शन वन फोर्टी एट टू वन फिफ्टी थ्री तो अगर हम लोग देखा जाए तो वन फिफ्टी वन तो कर चुके हैं वन फिफ्टी टू वन फिफ्टी थ्री बहुत

असेस और रीअसेस पहले इस वर्ड पे आओ उनने लिखा है असेस दूसरा वर्ड लिखा है रीअसेस असेस का मतलब क्या होता है असेस का मतलब है फर्स्ट टाइम असेस्ड रीअसेस्ट का मतलब क्या होता है इनकम ऑलरेडी असेस्ड अर्लियर में असेस और रीअसेस सच इनकम सच इनकम का मतलब क्या है जो उसके ध्यान में आई इस वर्ड को पढ़िएगा एक्सप्लेनेशन थ्री से जो हम खींच के लाए ऑल्सो एनी अदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स विच हैज एस्केप द असेसमेंट एंड विच कम्स टू हिज नोटिस सब्सिक्वेंटली इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन ये बात समझ में आई क्या एक्सप्लेनेशन थ्री याद आ रहा है आपको इनफैक्ट हम उस इनकम के लिए भी जा सकते हैं जो कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग में हमें ध्यान आई तो हम अब उसके लिए भी जा सकते हैं बाद में क्या नहीं कर सकता। नहीं कर कर सकता सकता ऑब्जेक्ट कि सर आपने तो यह बात लिखी ही नहीं थी ऑब्जेक्शन का कोई सवाल ही नहीं है अब वापस से देखते हैं द एक एक वर्ड है सर रेगुलर बैच है ट्रैक बैच होती तो शायद मैं इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करता और इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि सर आप रेगुलर में जाओ क्योंकि एक एक वर्ड का इन डेप्थ एनालिसिस होता है सर यहाँ पे फास्ट ट्रैक के अंदर में हम लोग इतना इन डेप्थ एनालिसिस नहीं देते हम लोग सेक्शन एक्सप्लेन करते हैं पर आज जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक वर्ड एक एक लाइन आपको पूरी की पूरी लेकर के जा रहा हूँ लॉग को बेरेक्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि बेरेक्ट में क्यों आया कैसे आया हिस्ट्री क्या आई और ये सर बड़े काम की चीज है सर क्योंकि आई आई बिलीव आप पहली बार लॉ पढ़ रहे हैं और इस स्टेज के बाद आप कभी भी नहीं पढ़ने वाले तो यहीं पे आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी है सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं प्रैक्टिकल एंगल से भी आपको ये नॉलेज की जरूरत है सो चेक इट आउट इफ एओ हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स मेरे लाला इस वर्ड पे आ जरा एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स दो बार बताइए एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स एनी इनकम चार्जेबल टू एनी एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स मतलब इनकम इफ इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स देन उसका वन सेवन नहीं हो सकता यू इंटरप्रिटेशन है लाला इंटरप्रिटेशन मेरे बच्चे इंटरप्रिटेशन है मेरे बच्चे क्या कह रहा है वो एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स मतलब अगर इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी लेट्स से एग्जम इनकम तो क्या उसका 147 नहीं हो सकता हाँ यहां सोच के बताइएगा वर्ड तोड़ रहा हूं और तोड़ेंगे और डीप में जाएंगे वर्ड लिखा हुआ है एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स बिल्कुल सही एग्जमट इनकम का वन होना पॉसिबल ही नहीं है पूछो क्यों सर वो इसलिए क्योंकि जब इनकम ही एक्समट है और डिपार्टमेंट को कुछ मिलने ही नहीं वाला देर इज नो पेबल तो इतनी मेहनत करके लॉजिक क्या है नहीं सर प्रूव होगा ना आंसर जी की इनकम कितनी है अब प्रूव का लॉजिक क्या है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ मिलने थोड़ी नहीं वाला है भाई जी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भाई जी कुछ मिलने ही नहीं वाला है तो किस बात की मेहनत मेहनत तब हो जब कोई आउटपुट हो आउटपुट ही नहीं होगा तो मेहनत कैसे होगी समझ में आ रही वास तुम मेहनत कर रहे हो क्योंकि तुमको पता है लाइफ में अपने को क्या करने का है? नाम बनाने का है अपने घर के नेम प्लेट के आगे जहां पप्पा का नाम लिखा है वहां पे सीए लिखा हुआ होना चाहिए अपने नाम के आगे नेम प्लेट बदलनी है तुमको पता है देर इज एन आउटपुट मेहनत आउटपुट के लिए की जाती है अब इनकम ही अगर एग्जाम इनकम ही नॉट चार्जेबल टू टैक्स है तो फिर किस बात की मेहनत करेंगे साहब हेंस इनकम का 147 नहीं होता आज जाओ अपने दोस्त से जाकर के पूछना बता मेरी इनकम एग्रीकल्चर इनकम इनकम एक्समट है स्मार्ट डिसीजन नहीं लिया लॉ पढ़ उसको बेरैक्ट पढ़ाना क्योंकि हो सकता है उसके नोट्स के अंदर में यू नो नॉर्मल प्रोविजंस लिखे होंगे इसी चीज को कट शॉर्ट करके लिखा होगा लेकिन आप याद रखना बेरैक्ट तो बेरेक्ट है साहब इनकम चार्जेबल टू टैक्स लिखा है वहां पे वर्ड इनकम चार्जेबल टू टैक्स इनफैक्ट आप आगे के भी सेक्शन जो हम पढ़ के आए हैं वहां पे भी जाओगे तो वहां पे यही लिखा है इनकम चार्जेबल टू टैक्स चलिए प्रूव करके देता हूं 148 में चलते हैं 148 में जाकर के देखते हैं क्या वहां पे भी इनकम चार्जेबल टू टैक्स लिखा था इनकम चार्जेबल टू टैक्स सर्कुलर यहां देखिए इनकम चार्जेबल टू टैक्स वर्ड लिखा है 149 में भी यानी इनकम का 147 फोर्टी सेवन पॉसिबल नहीं है बिकॉज दिस इज एन इनकम बट नॉट चार्जेबल टू टैक्स तो आइए साहब नीचे आइए लिखते वक्त अपन ध्यान में देते हैं वापस से देखते हैं इफ एओ हैज रीजन टू बिलीव इस सेक्शन पे मैंने आपको पहले ही बोला था शायद आज का पूरा लेक्चर इस सेक्शन के पीछे ही जाएगा अपना If Ayo, मतलब आपको भी पता रहना चाहिए बॉस हमने तीन घंटा स्पेंड किया सिर्फी सेवन के ऊपर इफ एव है चार्जेबल टू टैक्स एक्साम इनकम कीज ए स्केप दसेसमेंट इट टू वन फोर्टी एट टू वन फिफ्टी थ्री सच इनकम एंड ऑल्सो एनी अदर इनकम विच कम्स टू हिस्स नोटिस रिकम्प्यूट द लॉस और डेप्रीसिएशन अलावंस और एनी अदर अलावंस एज द केस मे बी रिकम्प्यूट करेगा रिकंप्यूट करेगा आपका आपका और 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 तो वो को क्या करेगा? करेगा और आपका tax payable निकालेगा. रिकम्प्यूटेशन कैसे होगा 143 या 144 के हिसाब से आपका रिकम्प्यूटेशन होगा तो आप ये रिकम्प्यूट के बाजू में लिख सकते हैं 143 3 oblique 144. इन दो तरीकों से ही रिकम्प्यूटेशन होता है लॉजिकली 147 से सेवन पावर है अच्छा जी कंडीशन क्या है इस को करने नीचे आइए एओ शुड हैव अ रीजन टू हा इस वर्ड पे फोकस करेंगे एओ शुड हैव अ रीजन टू बिलीव नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रीजन टू बिलीव एंड व्हाट इज कवर्ड इन रीजन टू बिलीव एंड व्हाट इज नॉट कवर्ड इन रीजन टू बिलीव सर ये एक बहुत डिस्प्यूटेड इशू है क्योंकि लॉ मेकर ने लॉ लिखते वक्त यह तो लिख दिया व्हाट इज रीजन टू बिलीव लेकिन इस रीजन टू बिलीव के साथ साथ बहुत सारे वर्ड अटैच हो आए जिन पे बहुत सारे केस लॉज है अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर इशू इस वर्ड रीजन टू बिलीव ये चीज रीजन टू बिलीव में आती है या नहीं आती है इस पर बहुत सारे हाईकोर्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कि क्या ये रीजन टू बिलीव में आता है या रीजन टू बिलीव में नहीं आता तो सबसे ज्यादा फोकस आपका इस बात पर होता है

फिल्म फेयर की मैगजीन के अंदर में लिखा हुआ आता है कि सर अमिताभ बच्चन साहब ने जो चश्मा पहना है ये चश्मे की वैल्यू फाइव करोड़ रुपीज है एओ बोलता है पांच करोड़ रुपए का चश्मा ऐसी इनकम तो कहीं कुछ दिख नहीं रही थी पांच करोड़ खर्चा हुआ है तो इनकम कहीं से तो आई होगी और वो इस बेसिस पे अमिताभ बच्चन साहब को नोटिस भेज देता है इनकम एस्केप्ड असेसमेंट का एक नोटिस भेज देता है बोलता है मुझे आपकी इनकम को रीअसेस करना है बताइए क्या यू you नो know, एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे एक मैगजीन के बेसिस पे रिसीव हुई हुई इंफॉर्मेशन एक रूमर के बेसिस पे रिसीव हुई हुई इंफॉर्मेशन क्या ये एक वैलिड रीजन टू बिलीव हो सकता है या एओ के पास कोई पुख्ता सबूत होने चाहिए थे क्योंकि देखिए हो सकता है ये कोई फोटो शूट करवाया गया हो और देखिए अमीर आदमी होता है अमीर आदमी जो पहन ले तो ऐसा लगता है भैया ब्रांड ही पहन रहा है अमीर आदमी कुछ पहन ले तो ऐसा लगता है कि भैया वो ब्रांड ही पहन रहा है दिस मे और मे नॉट बी ट्रू दिस में और मे नॉट बी ट्रू गेटिंग इट और नॉट जो दिखता है वैसा होता है ये जरूरी तो नहीं है ना तो क्या इसके बेसिस पे रीजन टू बिलीव हो सकता है या नहीं हो सकता है इनफैक्ट शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का केस है आपको यहीं पे देखने को मिलेगा यस yes, दे the केस ऑन दिस बेसिस तो ऐसे कई बेसिस आते हैं और आपको आप देखेंगे कि यहाँ पे कई बेसिस अगले दो पेज आपको यही देखने को मिलेंगे इज इट अ रीजन टू बिलीव और नॉट अ रीजन टू बिलीव तो यहां पे हमें सबसे पहला वर्ड जो समझना होगा वो समझना होगा कि क्या एसएससी के पास रीजन टू बिलीव है या एसएससी के पास रीजन टू बिलीव नहीं है तो ही जाके हम कुछ समझ पाएंगे सो एओ शुड हैव अ रीजन टू बिलीव लाइक कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए कोई स्टेटमेंट होना चाहिए थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन होनी चाहिए तो ये रीजन टू बिलीव बनता है दूसरा रीजन टू बिलीव शुड बी ऑफ एओ ओपिनियन ऑफ अदर बहुत जबरदस्त केस मैं आपको समझाता हूं ये जो रीजन टू बिलीव होना चाहिए किसी और से बोरो किया हुआ नहीं होना चाहिए एक केस आपके सामने रखता हूं ऐसा केस जो आईसीएआई ने भी पूछा और बहुत ही जबरदस्त केस था फेमस केस था तो सर ये एक व्यक्ति था रायपुर से जिनके घर पर क्या होता है रेड पड़ती है सीबीआई की रेड पड़ती है और सीबीआई की रेड के अंदर में कई चीजें सीबीआई को लगता है कि मटेरियल होता है सीबीआई से इंफॉर्मेशन जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस एस के पास बहुत सी ऐसी इनकम है जिसने उनको टैक्स नहीं किया है सीबीआई से आई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या नोटिस दिया जाता है एस एस सी को रीजन टू बिलीव का एस कहता है कि आपके पास कौन सा रीजन टू बिलीव है ए कहता है कि मेरे पास सीबीआई ने दी हुई इंफॉर्मेशन है सवाल खड़ा होता है क्या सीबीआई से दी हुई इंफॉर्मेशन कोई रीजन टू बिलीव हो सकता है क्या जवाब आता है नहीं यहां पे एओ ने कोई चेक नहीं किया चेकिंग किया सीबीआई ने सीबीआई के पास इनकम टैक्स का नॉलेज हो नहीं हो इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं आई वी एक्चुअली डोंट नो सीबीआई वालों के पास इनकम टैक्स का नॉलेज होता है या नहीं होता है हो सकता है एससी ने अपने बैलेंस शीट के अंदर में उसे डिस्क्लोज किया हो बैलेंस शीट का इंटरप्रिटेशन तो सीबीआई ने नहीं किया होगा ना तो ऐसे केसेस में थर्ड पार्टी से आई हुई इंफॉर्मेशन का भी क्रेडिटेबिलिटी चेक करना होता है ऐसा नहीं है कि किसी और का रीजन टू बिलीव तुमने उठा लिया खुद तुम्हारा रीजन टू बिलीव चाहिए वहां पे देखेंगे एक भी केस आगे असेसमेंट और रीअसेसमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल ऑफ इनकम हम थोड़ी देर पहले इसी को ढूंढ रहे थे मैं इसी को ढूंढ रहा था जो मैंने बोला आपको बताता हूं एग्जाम इनकम का नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे क्लियर कट लिखा है इनकम चार्जेबल टू टैक्स एओ कैन नॉट असेस और रीअसेस द इनकम विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील और रिविजन डॉक्टर ऑफ पार्सल मर्जर ये अभी का पार्ट नहीं है थोड़ी देर बाद का पार्ट है फोर्थ पॉइंट छोड़ दो इसके ऊपर मुझे आपको अगेन बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा पेज नंबर ट्वेंटी टू पे आए रीजन टू बिलीव हमने यहां पे लिख रखा है रीजन टू बिलीव के ऊपर जाएंगे साहब व्हाट इज रीजन टू बिलीव

ले इसका एग्जाम्पल समझते हैं लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ समझ लीजिए आपको वैसे भी समझ जाएगा असेसी, असेसी ने अपना रिटर्न ऑफ इनकम भरा रिटर्न ऑफ इनकम भरने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने इस पे 143 फोर्टी थ्री सबसेक्शन थ्री किया और वन कोई एक्सपेंडिचर जो था इसको क्या कर दिया अलाउ कर दिया एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया वन एक्सपेंडिचर को अलाउ कर दिया अलाउ करने के बाद इस पे आता है कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और यह जजमेंट होता है दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड

तो हो सकता है उसको कुछ और इनकम मिल जाती उसको कुछ और इनकम मिल जाती डिपार्टमेंट को कुछ और इनकम मिल जाती तो ऐसे केसेस में क्या करेगा अब एओ क्या करेगा आपका असेसमेंट करेगा फिर से अब एओ असेसमेंट करेगा फिर से 147 के अंदर में तो लेटर ऑन कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ जाता है सो दिस इज अ रीजन टू बिलीव टू ओपन 147 तो ये जाकर केस वो अपने बॉस को बताएगा बॉस को बोलेगा कि सर देखिए ये पर्टिकुलर <coughs> एक्सपेंडिचर था और ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर क्या नहीं होना चाहिए था अलाउ नहीं होना चाहिए था मैंने अलाउ कर दिया काइंडली मुझे अप्रूवल दीजिए कि मैं इसकी इनकम को रिकम्प्यूट करूं और आपको चरणों में आपके स्पेशल और टैक्स ला करके दू तो पहला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बेसिस पे हो सकता है कि आपका क्या किया जाए वन किया जाए दूसरा है रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ कई जगह पे कई जगह पे स्पेसिफिकली जब हम लोग कैपिटल गेन पढ़ते रहेंगे तब हम लोग क्या करेंगे एक वोडाफोन केस देखेंगे यहां पर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ का बहुत जबरदस्त केस होता है मेनी टाइम्स इट हैपन दैट देर आर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ राइट सेम इशू बस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हटा दीजिए यहां पे डाल दीजिए कि आपने कोई अलाउ कर दिया बाद में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में क्या जाता है रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आता है कि दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी अलाउड आपने तो अलाउ कर दिया ऐसे केसेस में क्या किया जाएगा रीजन टू बिलीव मान करके ओपन कर दिया जाएगा सो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ इज ऑल्सो अ रीजन टू बिलीव तीसरा है फ्रेश एविडेंस अवेलेबल विथ एओ के पास क्या आ जाता है कोई फ्रेश एविडेंस आ जाता है फ्रेश एज एविडेंस क्या हो सकता है मान लीजिए बैंक की तरफ से कोई डिटेल आ गई राइट right? अभी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट जैसे कि मैं आपको बताता हूं अभी ही दो दिन पहले सीबीडीटी और सीबीआईसी ने एक एमओयू साइन किया एक दूसरे की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए आप यहां पे अपनी सेल्स दिखा रहे हो लेट्स से 40 लाख रुपीस और जीएसटीआर के अंदर में आपकी सेल्स कुछ और दिख रही है अब ऐसे केसेस में क्या हो गया आपके पास एविडेंस आ गया खुद दूसरे डिपार्टमेंट के पर सर सीबीआई में तो आपने ही बोला था सीबीआई ने सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि हाँ देर इज एन इनकम एस्केप्ड तो आप वन फोर्टी एट ओपन करो ना सीबीआई की ब्लाइंड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप करोगे तो ये गलत है आपको खुद का अपना एक बेसिस बनाना होगा सीबीआई से आपको इंफॉर्मेशन मिल गई यू चेक द इंफॉर्मेशन एंड देन डू इट इट्स अ गुड पॉइंट समझ में आ रही है बात सो so, फ्रेश एविडेंस अगर आ जाता है एओ के पास फ्रेश एविडेंस इज वन ऑफ द बेसिस जहां पे क्या किया जा सकता है रीजन टू बिलीव होता है सो so, तीन रीजन टू बिलीव के अंदर में आते हैं पहला लेटर ऑन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज अ रीजन टू बिलीव दूसरा रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ इज अ रीजन टू बिलीव थर्ड इज फ्रेश एविडेंस अवेलेबल विथ एओ इज अ रीजन टू बिलीव टू ओपन वन फोर्टी सेवन नॉट अ रीजन टू बिलीव मैंने यहां पे कई केस लॉ उसके आगे दे दिए पूरा डिटेल के अंदर में गेस लॉ सिर्फ मुझे जहां लगा हमने वही इंक्लूड किया हर एक इंक्लूड नहीं किए जिसमें से पहला गॉसिप गोसिप रूमाशन इज नॉट सफिशेंट ए चाय पीने के लिए गया ध्यान से सुनिएगा ए चाय पीने के लिए गया वहां पे दो ऐसे से डिस्कस कर रहे थे क्या मामू बनाया मालूम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अरे मेरे पास 40 लाख रुपए की इनकम है अपन तो सिर्फ 4 लाख रुपए दिखाते हैं चाय पी के गया ऊपर 147 का नोटिस बना लिया मीयर गॉसिप्स रूमर्स कैन नॉट बी अ रीजन टू बिलीव कोई पुख्ता सबूत होना चाहिए लेटर ऑन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट होना चाहिए रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ होना चाहिए तो जाके आप क्या कर पाएंगे वन फोर्टी एट ओपन कर पाएंगे रीजन टू बिलीव के अंदर में गॉसिप्स रूमर्स सस्पेशन शक के बेसिस पे ओपन कर दिया नहीं चलेगा इसको हाईलाइट करिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पूछना सीधे शब्दों में बहुत ज्यादा डीप जाके किसी एसएससी के बारे में पूछना तो किसी एसएससी के बारे में रॉइंग एंड फिशिंग इन्क्वायरी करवाई आपने उसके उसके बारे में पता करवाया तो आपको तो पता ही है ना कई लोग है जो हमारे बारे में कई कुछ कहते हैं बाकी सब छोड़िए हमारे अपने ही है जो हमें ज्यादा दुख देते हैं राइट right? उनके ओपिनियन आपके बारे में कभी अच्छे नहीं होंगे और इनफैक्ट अगर आप सक्सेसफुल हो रहे होंगे तो और भी ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती होगी तो आपके बारे में और बड़ा बड़ा रे और जैसे ही आपको पता चला इनकम हाँ उनके पास तो बहुत इनकम है अभी तो क्या नया मोबाइल यू नो आईफोन ट्वेल्व के बारे में भी सोच रहे हैं वो लोग और ऑलरेडी आईफोन इलेवन है फिर भी गाड़िया सब 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 लॉकडाउन you know, था लॉकडाउन के बावजूद भी उनने दो एप्पल खरीदे ये खरीदा वो खरीदा वो रिलेटिव बाई रिलेटिव अपना यू नो रिलेटिव अपना हक अदा करेगा ही उसका हक है आपके बारे में बोलना तो उस बेसिस पे की जा सकती है फिशिंग के बेसिस पे की जा सकती है नहीं हो सकता सर नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज चेंज इन द ओपिनियन ऑफ एओ कैलविनेटर इंडिया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आइए समझाता हूं कैलविनेटर इंडिया का केस क्या था कैल्विनेटर इंडिया इट्स ओल्ड केस बट स्टिल वैलिड हुआ यह था दैट पर्टिकुलर डिडक्शन राइट वॉज अलाउड बाय द ए लेटर ऑन एओ चेंज इज माइंड दैट दिस डिडक्शन शुडंट बी अलाउड जो मैं आपको अभी भी एग्जांपल दे रहा था इट वॉज सीएटी वर्सेस मन परिवर्तन हो गया हृदय परिवर्तन ऐसा कुछ हुआ इनके साथ. क्या ये रीजन टू बिलीव हो सकता है नहीं सर चेंज इन ओपिनियन ऑफ एओ नॉट बी अ रीजन टू बिलीव रीजन टू बिलीव होने के लिए आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट होना चाहिए लेटर हाईकोर्ट जजमेंट होना चाहिए दिस आर नॉट रीजन टू बिलीव ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस देर वॉज नो अमेंडमेंट सब्सिक्वेंटली रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट वॉज ब्रॉड इट विल नॉट बी अ रीजन टू बिलीव गॉडेज इंडस्ट्रीज वर्सेज बी एस सिंह हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं है जिस दिन देखिए ये एक सवाल खड़ा हुआ कि रीजन टू बिलीव कब होना चाहिए नोटिस इश्यू करने से पहले या नोटिस इशू करने के बाद रीजन टू बिलीव कब होना चाहिए याद रखे रीजन टू बिलीव नोटिस इशू करते टाइम पे होना चाहिए नोटिस इशू करने के बाद अगर रीजन टू बिलीव आता है तो ये कोई 147 के लिए बेसिक लॉजिक नहीं है नोटिस रीजन टू बिलीव कब होना चाहिए आपके नोटिस भेजने से पहले ही आपके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए आप उसको नोटिस भेज दोगे रिटर्न भरवा दोगे और बाद में सी रीजन टू बिलीव नहीं चलेगा नोटिस भेजने से पहले रीजन टू बिलीव होना चाहिए वही केस कहता है ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस देयर वाज नो अमेंडमेंट सबसीक्वेंटली रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ब्रॉट ब्रॉट इट विल नॉट बी अ रीजन फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ये कोई रीजन नहीं रहेगा असेसमेंट करने के लिए उनने बोल दिया तो रीजन टू बिलीव कब होना चाहिए रीजन टू बिलीव शुड बी ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस एसीआईटी वर्सेस आईसीआईसीआई सिक्योरिटी प्राइमरी डीलरशिप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अच्छा जी हुआ क्या था केस के अंदर में मैं आपको बताता हूं एसएससी ने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन असेसमेंट के टाइम पे वन थ्री थ्री हुआ असेसमेंट हुआ और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन क्या कर दी एओ के सामने रख दी लेटर ऑन लेटर ऑन एओ ने क्या किया लेट्स से दो इंफॉर्मेशन थी Only information किया। उसने information तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ए ली इंफॉर्मेशन बी नहीं था और उसने वन फोर्टी सेवन ओपन कर दिया आईसीआईसीज ने इसके खिलाफ कोर्ट में गए उन्होंने कहा सर हमने तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन सामने रखी थी अब इन्होंने नहीं देखा तो इट के नॉट बी सेट टू बी रीजन टू बिलीव हमने हमारी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी थी इसमें आपकी गलती है और आपकी गलती वापस से रीजन टू बिलीव नहीं बन सकती ना सर हमारे ऊपर आपकी गलती है रीजन टू बिलीव ये कोई रीजन टू बिलीव नहीं है हमने इंफॉर्मेशन रखी थी आपके सामने आपने चेक नहीं किया ये आपकी गलती है समझ में आई बात सो चेक कीजिएगा ये कोर्स टेड असेसमेंट अंडर 1433. एओ ने अपना असमेंट कम्पलीट किया होल्डिंग you know, दैट कि है अट रिकिंग द रीजन दी आर रीलुक एट अकाउंट इट इज नोटिस दैट लॉस इन ट्रेडिंग इज स्पेक्यूलेटिव लॉस विच कैनॉट बी सेट ऑफ विद नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम

तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है क्या ये रीजन टू बिलीव हो सकता है क्या बात आई रिपोर्ट ऑफ डीवीओ इज मियरली एन एस्टिमेशन एंड इट कैन नॉट बी अ रीजन टू बिलीव नेक्स्ट एचके बिल्डकॉन सर एच के बिल्डकॉन जबरदस्ती केस था मतलब फुकट का केस था ऑफिसर ए इनके में आते हैं ऑफिसर बी याद आ रहा है 129, एक ऑफिसर जाता है दूसरा ऑफिसर आता है ए ऑफिसर कहता है कि ये डिडक्शन अलाउ है बी ऑफिसर आता है और वो कहता है नहीं अब ये डिडक्शन अलाउ नहीं है इनकम्बेंसी के कारण क्या हो जाता है ओपिनियन चेंज हो जाता है क्या ये बेसिस हो सकता है वन फोर्टी सेवन को ओपन करने का बहुत बड़ा इशू था कि क्या यू नो पहले वाले ऑफिसर को लगता था दैट दिस इज नॉट अ रीजन टू बिलीव नए वाले ऑफिसर को लगता है दिस इज अ रीजन टू बिलीव तो क्या 147 ओपन किया जा सकता है क्या इस बारे में बात हुई सो चेंज इन इनकमेंट ऑफ ऑफिस एंड न्यू ऑफिसर अप्लाइड न्यू थेरी दिस शेल अमाउंट टू चेंज इन ओपिनियन एंड दिस नॉट बी अ रीजन टू बिलीव तो साहब न्यू ऑफिसर आकर के अपनी नई केस स्टडी लगाता है नई थियरी लगाता है ये चेंज इन ओपिनियन हो जाएगा एंड दिस के नॉट बी अ रीजन टू बिलीव सर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट था ये जजमेंट ऑडिट ऑब्जेक्शन ऑडिट ऑब्जेक्शन मान लीजिए एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है जो ऑडिटर को लग रहा है कि भैया ऑडिट ऑब्जेक्शन में उसने लिख दिया और अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी ऑडिट ऑब्जेक्शन के बेसिस पे 147 ओपन किया गया और आपकी इनकम को बढ़ाई गई सवाल उठा कि क्या ऑडिट ऑब्जेक्शन के बेसिस पे 147 ओपन करना क्या ये सही है या ये सही नहीं है इट वॉज हेल्ड दैट ये बिल्कुल सही नहीं है ऑडिट ऑब्जेक्शन क्या होते हैं ये ऑडिटर का मानना होता है अल्टीमेटली लॉ सेटल होना चाहिए इस बात को हैंडल करने के लिए सो रीओपनिंग कैन नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन ऑडिट ऑब्जेक्शन के बेसिस पे रीओपनिंग पॉसिबल नहीं है ना अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा है सर्वे हुआ सर्वे क्या होता है मैं आपको बताता हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके प्रोमाइसिस में आते हैं बिजनेस प्रोमाइसिस में आते हैं और आपके बिजनेस प्रोमाइसिस में स्टॉक चेक होता है कैश चेक होता है कुछ लेके नहीं जाते सिर्फ आते हैं स्टॉक चेक करते हैं कैश चेक करते हैं नदर इंफॉर्मेशन चेक करते हैं सर्वे करते हैं निकल जाते हैं अब ऐसे केसेस में क्या हुआ जिस दिन सर्वे हुआ उस दिन स्टॉक आ रहा था लेट्स से 25 लाख और बैलेंस शीट में जो स्टॉक था वो था 20 लाख अब ऐसे केसेस में एओ बोलता है कि सर देखो यहां पे सर्वे रिपोर्ट है स्टॉक 25 लाख का है और ये 20 लाख की दिखा रहे हैं पांच लाख रुपए की इनकम एस्केप्ड है तो चलो 147 करते हैं सवाल उठा क्या सर्वे रिपोर्ट के बेसिस पे 147 ओपन हो सकता है या नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं हो सकता सर्वे एज एट दैट पोजिशन बताता है जिस दिन सर्वे हुआ ये उस दिन का पोजिशन बताता है वो बैलेंस शीट डेट का पोजिशन नहीं बताता हेंस दिस के नॉट बी अ रीजन टू बिलीव और इसीलिए क्या किया गया सर्वे रिपोर्ट कैन नॉट बी द बेसिस फॉर 147 फोर्टी सेवन हेमंत ट्रेडर वर्सेज आईटीओ टीओ टू थाउजेंड थीज़ फिफ्टीन थीज़ जजमेंट हेमंत ट्रेडर्स का जजमेंट है सर इफ कंडीशन ऑफ वन फोर्टी सेवन इज सेटिस इट कैन बी डन फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम जैसा कि मैंने कहा था वन फोर्टी सेवन कितने बार कर सकते हैं कंडीशन सेटिस्फाई कीजिए सर फिर जितना मर्जी उतने बार कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जीके एंड ड्राइव शाफ्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बहुत जबरदस्त जजमेंट आपको याद है मैंने आपको बोला था कि सेक्शन को कैसे पढ़ना है पहले 151 पढ़िए फिर 149 पढ़िए फिर 150 पढ़िए फिर 151 पढ़िए दिस इज बिकॉज ऑफ जी एंड ड्राइव शाफ्ट क्योंकि ये कहता है सबसे पहले एओ के पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए स्टेप नंबर टू देता है कि हायर अथॉरिटीज के पास से अप्रूवल होना चाहिए और फिर ही आप क्या करेंगे नोटिस इश्यू करेंगे तो सबसे पहले यू मस्ट अ रीजन टू बिलीव रीजन टू बिलीव है तो उसके बाद हायर अथॉरिटीज के पास जाइए फिर नोटिस इश्यू कीजिए और फिर ही असेसमेंट कीजिए अदरवाइज यह असेसमेंट पॉसिबल नहीं है तो सर अभी तक हमने देखे व्हाट रीजन टू बिलीव वॉट अ रीजन टू बिलीव सर वन फोर्टी खत्म हो गया तो बहुत बाकी है अभी तो हमने इस वर्ड को सिर्फ आधा पढ़ा है हाँ ऐसा भी कुछ है लेकिन अब आपको एक ब्रेक की जरूरत है एक शानदार ब्रेक ले लीजिए उसके बाद आके इस सेक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे बाय एंड टेक ओके यस सर वेलकम आफ्टर द ब्रेक चलिए स्टार्ट करते हैं हम वापस से एक बार सेक्शंस को देखते हैं ब्रेक से आने के बाद पूरे सेक्शंस को एनालाइज करते हैं और भी चीजें एनालाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम लोगों ने किया सेक्शन 151 151 वाज टॉकिंग अबाउट दी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड अप्रूवल फोर ईयर जिस इज अप्रूवल इज रिक्वायर्ड बियॉन्ड फोर ईयर कमिश्नर और पीसी दैट इज प्रिंसिपल कमिश्नर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड देन वी हैव गॉन टू सेक्शन 149 इन 149 वी हैव गॉन थ्रू की नोटिस कब तक इशू किया जा सकता है इट कैन बी इशूड अप टू फोर इयर्स फोर इयर्स बट सिक्स इयर्स हैव एस्केप्ड इनकम एक्सीड रूपीज वन लाख एंड इन केस ऑफ फॉरन असेट एंड यू नो इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट वी कैन गो टू अप टू सिक्सटीन ईयर्स तक के नोटिस इशू की जा सकती है सेक्शन वन फिफ्टी वॉज टॉकिंग अबाउट इफ द नोटिस इज एस पर द डायरेक्शन ऑफ एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल सी आई टी अपील्स और सी आई टी देन नोटिस कैन बी इशोड एट एनी टाइम एंड दिस विल बी एन एक्सेप्शन टू सेक्शन वन फोर्टी नाइन इसके बाद हमने पढ़ा था वन फोर्टी एट वन फोर्टी एट के अंदर में क्या क्या जाता है नोटिस भेजी जाती है और नोटिस भेज करके क्या क्या जाता है रिटर्न ऑफ इनकम भरने को बोला जाता है अब कुछ बातें 148 फोर्टी से मैं और बताऊंगा जो अगेन आपको 147 में काम आएगी ठीक है मैं वापस से 148 के अंदर में जा रहा हूं 148, 148 वापस से आइए 148 के अंदर में मेरे भाई वापस आइए आप एवरीबडी कम टू पेज नंबर 24 पेज नंबर 24 पे और थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे वापस से 147 में कूदना होगा हमें सो so, 148 आपको क्या करना होता है रिटर्न भरना होता है कुछ बातें सर क्या रिटर्न हर साल के लिए सेपरेट भरना होगा आंसर इज यस हर उस साल की जिस जिस साल की इनकम स्केप हुई होगी उतनी 148 की नोटिस इशू होंगी और आपको रिटर्न भरना होगा यानी लेट्स से एओ को असेसमेंट के दौरान पता चलता है दैट 2000 यू uh, नो you know, 18 19 2019 20 इन दो सालों में एस्केप्ड इनकम है तो दो 148 फोर्टी इशू होंगे यस टू डिफरेंट 148 फोर्टी एट विल बी इशूड और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों कैसे जाएंगे साथ में जाएंगे सर मुझे एक और डाउट है अब अब वो डाउट ऐसा है दैट वेदर द रिटर्न फाइल्ड अंडर वन कैन बी रिवाइज ज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू मस्ट कीप इन माइंड आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना ही चाहिए था कि सर हम 148 में रिटर्न भरते हैं उतने टाइम लिमिट में लोग भरते हैं जितना नोटिस के अंदर में लिखा होगा पर क्या 148 का जो रिटर्न भरा जाता है क्या ये रिवाइज होता है हाँ या हाँ? आपके मन में क्या आ रहा है मुझे जल्दी बताइए क्या वन में जो रिटर्न है यह रिवाइज होता है हां या ना एंड आंसर इज नो सर नोट देखिए नॉर्मल रिटर्न जो है रिटर्न रिवाइज का अगर हम प्रोविजन पढ़े वन थर्टी नाइन फाइव का तो वहां पर लिखा है, 139 /139 जो फाइल किया है वो रिवाइज हो सकता है या तो बिलेटेड रिटर्न रिवाइज हो सकता है जिसका सिंपल मीनिंग अगर देखा जाए तो यही होता है कि वन में जो आपने रिटर्न भरा है वो रिवाइज नहीं हो सकता तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है. अपने दोस्तों से जाकर जरूर पूछिएगा कि बता बेटा जो वन के अंदर में हम लोग नोटिस देते है राइट right? रिटर्न भरने बोलते हैं क्या ये रिटर्न रिवाइज हो सकता है क्या आंसर इज नो लॉजिकल रीजन 1395 क्योंकि वो दो ही सेक्शन के रिवीजन करने बोलता है एक दूसरा एक और सवाल है जो आपके मन में आना ही चाहिए एंड स्पेसिफिकली जो रैंकर्स है वो ध्यान से सुने इस सवाल को वो इसलिए क्योंकि आपका पॉइंट इस पे आएगा ही आएगा आगे चल के मैं अभी इसे क्लियर कर दूं एक और सवाल सर 234 ए बी और सी का इंटरेस्ट लगता है जब हम यू uh, नो you know, वापस से रिटर्न कंसीडर करते हैं 148 का तो 234 ए रिटर्न लेट फाइल किया उसका इंटरेस्ट आएगा 234 बी एंड सी एडवांस टैक्स के नॉन कंप्लायसेज होंगे तो उसका भी इंटरेस्ट आना चाहिए तो क्या जब हम वन का रिटर्न भरते रहते हैं क्या क्या वहां पर टू ए बी एंड सी का कंसिडरेशन भी हमने लेना है हाँ या हा आंसर इज येस जब आप 148 का नोटिस करते रहते हैं तो यस आपको 234 ए बी एंड सी का इंटरेस्ट का भी कंसिडरेशन लेना होता है घबराइए मत सारी बातें लिख के दूंगा शांति पहले सिर्फ सुन ले एक्सप्लेनेशन सुने और मैंने पहले बोला ये लेक्चर आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है राइट सो so पहला ये जो रिटर्न भरा है आपने ये रिवाइज नहीं हो सकता दूसरा 234 थर्टी ए बी सी का इंटरेस्ट आता है और ये इंटरेस्ट जबरदस्त इंटरेस्ट होता है जबरदस्त क्यों क्योंकि ऑलमोस्ट आपको तीन साल चार साल बाद नोटिस इश्यू हो रही है राइट एंड इंटरेस्ट इज 12 परसेंट इन ईच ऑफ दोशन टू थर्टी फोर ए टू थर्टी फोर बी टू थर्टी फोर सी इच ऑफ दो सेक्शन में 12 12 ट्वेल्व परसेंट के इंटरेस्ट आते हैं आपको 1 परसेंट पर मंथ के हिसाब से तो इट्स अ ह्यूज इंटरेस्ट लाइबिलिटी जो 234 थर्टी फोर ए बी सी के अंदर में आती है अच्छा सर सर आ, मुझे एक बात बताइए क्या 148 का जो आपका नोटिस आया है राइट right? मुझे ये लग रहा है क्या मैं इसके खिलाफ अपील कर सकता हूं you know, एक सवाल आपके मन में आना चाहिए अग्रीव, अग्रीव के लिए वो ड्रेसल में तीन जगह जा सकता है अपील रिविजन रेक्टिफिकेशन तो सर मुझे वन इशू किया गया यह मेरे को डेट्रीमेंटल लग रहा है क्या इसके खिलाफ मैं अपील में जा सकता हूं हा या ना आंसर इस नोट देखिए अपील में आप तब जा सकते हो जब कोई ऑर्डर हो नोटिस के खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते यह है उसके पीछे का लॉजिक सो so, क्या 148 के खिलाफ हाँ, 147 फोर्टी आपका असेसमेंट हो जाए उसके खिलाफ जाओ लॉजिकल है 148 फोर्टी एट की नोटिस के खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकेंगे सो so, यह भी एक बात आपको याद रखनी होगी ठीक है सर याद रख लेंगे और जब हम लोग हैंडमेड नोट्स बनाएंगे तो उसके अंदर में लिखेंगे भी पूरा का पूरा ठीक है सर सर मेरे को एक और बात जाननी है ये जो रिटर्न हम 148 में फाइल करते हैं क्या इसका प्रोसेसिंग होता है क्या आंसर इज नो ये जो रिटर्न आप डालते हैं ये जो रिटर्न आप डालते हैं इसका प्रोसेसिंग नहीं होता पहले एक टाइम था इसका प्रोसेसिंग होता था पहले एक टाइम था जब इसका प्रोसेसिंग होता था और इनफैक्ट आप मेरा वन फोर्टी वन भी देखेंगे तो मैंने वहां पर डाल के रखा है कि यस इसका प्रोसेसिंग किया जाता है बट ये इंटरनल प्रोसेसिंग होता है ये वन वन वाला प्रोसेसिंग नहीं होता बराबर है तो अगर सीधा जवाब आप पूछे मेरे से क्या 148 का रिटर्न 1431 में प्रोसेस होता है क्या मैं कहूंगा नहीं बट हाँ इंटरनल प्रोसेस जरूर किया जाता है चेक किया जाता है कि डिडक्शंस एंड ऑल ये क्लेम तो कर रहा है क्या लॉस एंड अदर चीजें तो कुछ बुक नहीं कर रहा सो ऑन एंड सो फोर्थ इंटरनल होता है बट 1431 वाला प्रोसेसिंग नहीं होता क्योंकि ये रिटर्न डायरेक्टली किसके पास जाता है एओ के पास जाता है अच्छा जी सर सर 148 के अंदर में आप रिटर्न भरवाते हैं पर क्या एस को रीजन टू बिलीव पता होना ही चाहिए क्योंकि एक सवाल तो इंपॉर्टेंट है क्या रीजन टू बिलीव एस को कभी पता चलेगा कि क्यों उसका 147 फोर्टी सेवन ओपन किया गया वन फोर्टी एट ओपन किया गया हाँ ऐसा होता है प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो जब उसको नोटिस इशू किया जाता है तो नोटिस नहीं दिया जाता लेकिन जैसे ही आपने रिटर्न ऑफ इनकम भरा तो इसके बाद इसको रीजन टू बिलीव की एक सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड की जाती है ये yes.

रिटर्न 143, के प्रोसेसिंग में नहीं जाता है डायरेक्ट एओ के पास जाता है हालांकि इसका इंटरनल प्रोसेसिंग जरूर होता है 1431 फोर्टी वन के हिसाब से हालांकि आपको किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा अच्छा जी सर सर आगे बढ़ते हैं वापस से आते हैं 147 147 147 के ऊपर हमें क्या कहता 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 है 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 का सबसे पहला सेक्शन कि कोई और इनकम भी सब्सिक्वेंटली इन द प्रोसीडिंग्स के अंदर में आ रही होगी तो वो भी हम लोग कर सकेंगे असेस और रीअेस सच इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स प्रोवाइडेड यू हैव अ रीजन टू बिलीव प्रोवाइडेड यू हैव रीजन टू बिलीव सो अगर आपके पास रीजन टू है, बिल्कुल आप कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा जी सर आइए चलते हैं मीनिंग ऑफ एस्केप्ड इनकम जिसको हम लोग डीम्ड एस्केप्ड इनकम भी कह सकते हैं आप यहां पे आइए 4.22 पॉइंट टू टू यहां पर लिखिए डीम्ड एस्केप इनकम डीम्ड एस्केप इनकम इनकम कब एस्केप होती है हम लोगों ने तीन केसेस देखे एक लेटर ऑन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तो हम मान लेंगे देर इज अ रीजन टू बिलीव पर इनकम एस्केप्ड कब कब एओ मान सकता है इस बारे में एक्सप्लेनेशन टू एंड दोनों बात करते हैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं एक्सप्लेनेशन टू बात करता है कि कब कब एओ मान लेगा दैट इज अ इनकम विच इज एस्केप्ड और उसके बेसिस पे 148 फोर्टी एट इशू कर सकता है आइए पहला नो रिटर्न इज दो द इनकम एक्सीड बेसिक एक्साम्शन लिमिट फर्स्ट पॉइंट अगर एओ को कभी भी ऐसा लगता है कि आपकी इनकम बेसिक एक्सम्शन लिमिट के ऊपर है बट एस एस इंट फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम एंड इन दिस केस ही कैन ओपन रीअसेसमेंट और असेसमेंट अंडर वन फोर्टी सेवन बाई इशूंग नोटिस अंडर वन फोर्टी एट राइट तो सबसे पहले वन फोर्टी सेवन अगर मैं सीधी सीधी बात करूं फोर्टी सेवन आपको assessment, -assessment के बारे में बताता है एक्सप्लेनेशन टू आपको बताएगा वॉट आर द डीम्ड एसकेब इनकम एक्सप्लेनेशन थ्री आपको बताएगा कि इनकम के अलावा कोई और इनकम सब्सिक्वेंटली उसके ध्यान में आती भी है तो भी वो क्या कर सकता है इंक्लूड कर सकता है तो पहला कब कब उसको लगता है कि एस्केप हो चुकी है इनकम पहला असेसी की इनकम बेसिक एक्सामेशन लिमिट से ऊपर है पर उसने रिटर्न फाइल नहीं किया एओ मान लेगा कि ये इनकम क्या है एस्केप्ड इनकम है राइट right? दूसरा रिटर्न इज फर्निश्ड बर नो एसेसमेंट बीन मेड एंड एओ नोटिस दैट असेसी हैज अंडरस्टेटेड द इनकम और क्लेम्ड एक्सेसिव लॉस और और डिडक्शन दूसरा सिचुएशन हो सकता है Assessi ने रिटर्न किया पर इसके ऊपर असेसमेंट अब तक हुई नहीं रीजन टू बिलीव हो जाता है. मान सकता है और के साथ साथ आपको क्या कर सकता है नोटिस दे सकता है कुल के दो चीजें तो हमें क्लियर है एक आपकी इनकम एस्केप होनी चाहिए प्लस रीजन टू बिलीव भी होना जरूरी है मान लीजिए इनकम एस्केप नहीं है पर रीजन टू बिलीव है 147 नहीं हो पाएगा साहब दोनों चीजें जरूरी है इनकम एस्केप भी होना चाहिए रीजन टू बिलीव भी होना चाहिए इनकम एस्केप भी होना चाहिए रीजन टू बिलीव भी होना चाहिए तो एस्केप्ड इनकम क्या है वो हम देख रहे हैं पहला रिटर्न नहीं भरा पर इनकम बेसिक लिमिट से ऊपर है दूसरा रिटर्न भरा पर असेसमेंट नहीं हुआ और एओ के पास रीजन टू बिलीव है दैट इनकम कम शो करी गई है या लॉस इंक्रीज किया गया है तीसरा वेयर असेसमेंट इज मेड जब हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं 143, 144, 147, फोर्टी फोर वन फोर्टी सेवन वेयर असेसमेंट हैज बीन मेड बट इनकम हैज बीन अंडर असेस्ड इनकम असेस्ड एट अ लो रेट एक्सेसिव रिलीफ वॉज गिवन एक्सेसिव लॉस डेप्रिसिएशन और अदर अलावेंस है जब एओ को लगे इनकम क्या हो चुकी, है? Escape हो चुकी है पहला आपका रिटर्न भी हुआ लेकिन आपकी इनकम जो थी वो अंडर असेस हो गई एक आदि इनकम कोई छूट गई एओ को लगेगा इनकम एस्केप हो गई प्लस उसके पास इसके सबूत भी है कि एनकम छूट गई है इनकम एस्केप प्लस रीजन टू बिलीव वन फोर्टी एट के अंदर में नोटिस इशू हो सकता है दूसरा इनकम इज अड एट ए लोअर रेट

उस लॉस को सेट ऑफ करके या अदर डिडक्शन के लिए बट क्या किया गया असेसमेंट में वो प्रोवाइड कर दिया गया ऐसे केसेस में क्या किया जाएगा डीम्ड एस्केप मान करके आपकी इनकम को टैक्स कर दिया जाएगा तो सिचुएशन वन रिटर्न नहीं भरा पर आपकी इनकम बेसिक एग्जामेशन लिमिट से ऊपर है एस्केप्ड इनकम मान लेंगे दूसरा रिटर्न तो भरा पर असेसमेंट नहीं हुआ इनकम कम या लॉस ज्यादा क्लेम किया तीसरा रिटर्न भी भरा असेसमेंट भी हुई पर एक्सेसिव रिलीफ आपको दिए गए एक्सेस अलाउंस दिए गए इनकम कम रेट पे टैक्स हुई है या फिर इनकम जो है वो अंडर एसेस हुई है तो हो सकता है चौथा रीजन कब मान लेंगे कि इनकम एस्केप हुई है वेयर असेसी हैज फेल्ड टू फर्निश रिपोर्ट अंडर अंडर सेक्शन 92 ई जरा मैं समझाता हूं ये 92 ई e क्या है जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन होता होता है या होता है या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक तो उस ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर प्राइजिंग रिपोर्ट देनी होती है सेक्शन 92 ई e के अंदर में यस yes. उसको क्या देनी पड़ती है 92 ई e के अंदर में ट्रांसफर प्राइजिंग रिपोर्ट देनी पड़ती है और ट्रांसफर प्राइजिंग को और स्ट्रिंजेंट करने के लिए कहा गया था कि अगर कोई भी एस ने ट्रांसफर प्राइजिंग रिपोर्ट सबमिट नहीं करी तो हम ये मान लेंगे कौन सी रिपोर्ट होती है ये? रिपोर्ट. तो अगर किसी ने ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट सबमिट नहीं करी तो हम मान लेंगे इनकम क्या हुई है एस्केप हुई है और यह आपको क्लियर कट पता चल जाएगा नेक्स्ट वेयर अ पर्सन इज फाउंड टू हैव एन असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया मान लीजिए अगर असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट आउटसाइड इंडिया रखता है कोई भी एसे सी तो और आप इसे डिस्कलोज नहीं करते तो सीधा सीधा बात है हम मान लेंगे दैट इनकम हेज बीन एस्केब्ड और इसके लिए आपको क्या पे करना पड़ सकता है वन फोर्टी सेवन के अंदर रिटर्न भर के टैक्स पे करना पड़ सकता है इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट अंडर वन थर्टी थ्री सी is not provided where return is filed it is noticed by ao that such information that assessee has understated the income or claimed excesses loss return not filed such information provides that total income exceed basic exemption limit 133c क्या है पहले मैं आपको यह समझाता हूं फिर आपको यह पॉइंट समझ में आएगा 133c कहता है कि आपको information देनी होगी बराबर है 133 के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है आगे सुनिए इंफॉर्मेशन आपने दी चेक किया जाएगा आपके रिटर्न फाइल है या नहीं है अगर रिटर्न फाइल्ड है और जो इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी अगर इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पता चल जाता है कि आपने रिटर्न में इनकम कम दिखाई है तो ये एक रीजन हो सकता है इनकम आपकी एस्केप हुई है इसका प्रूफ बोल करके दूसरा आपसे 133 सी में इंफॉर्मेशन मंगाई चेक किया आपने रिटर्न नहीं भरा है पर आपकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ऊपर जा रही है तो हम क्लियर कट समझ लेंगे दैट योर इनकम हैज बीन एस्केप्ड तो सर वापस से एक बार पूरा पॉइंट देखिएगा एक्सप्लेनेशन टू तो सर मैं आप आप देख सकते हैं कि 147 कितना बड़ा है 147 फोर्टी सेवन एक्सप्लेनेशन वन एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेनेशन थ्री प्रोविजो वन प्रोविजो टू ये जब सब पढ़ोगे तब जाकर के 147 खत्म होता है साहब हां और इसको बिल्कुल अलग 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 पढ़ना है तो अभी जब हम लोग लिखते वक्त इसका चार्ट बनाएंगे ना तब आपको एक और बार पूरी की पूरी क्लैरिटी आएगी कि 147 में कौन सी चीज क्या बोल रही है राइट तो अभी अगर आपको यू नो आप थोड़ा सा भी अगर हो गया होगा आपका ध्यान नहीं होगा और मैस हो गया होगा कि किधर से कहां चल रहा है तो मैं आपको बता दू आपको ध्यान रखना होगा जब हम लोग लिखते रहेंगे तब तो वापस से पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा सुन लेना गेटिंग इट और नॉट तो डरने का नहीं कब कब लगता है कि इनकम एस्केप हो गई है सर

से ऊपर है दूसरा केस रिटर्न भरा पर इसमें असेसमेंट नहीं हुआ है और आपकी इनकम को छेड़छाड़ की गई है एक्सेसिव एक्सेसिव डिडक्शन, यू नो बेनिफिट क्लेम किए गए हैं। तीसरा रिटर्न, रिटर्न है। चौथा टीपी रिपोर्ट नहीं दिया पांचवा आपके असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंडिया इनकम कब इंफॉर्मेशन मंगाई थी इसे कंपेयर किया रिटर्न भरा है या नहीं भरा है भरा है रिटर्न भरा तो कंपेयर किया वो कंसिडर किया है कि नहीं अगर नहीं कंसिडर हुआ होगा बन गया आपका इनकम रिटर्न आपने नहीं भरा है पर जो इंफॉर्मेशन मंगाई उससे पता चल रहा है कि आपकी इनकम बेसिक एक्सामेशन लिमिट से ऊपर है तो हम मान लेंगे कि इनकम एस्केप हुई है और हमारे को रीजन मिल जाएगा 147 में आपका क्या करने का असेसमेंट करने का साहब तो ये देखिए सर दो चीजें होनी चाहिए पहला इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट और दूसरा होना चाहिए रीजन टू बिलीव ब्रेक से पहले हम क्या कर रहे थे रीजन टू बिलीव ब्रेक के बाद हम क्या कर रहे हैं इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट चलिए साहब Done. अब मुझे ऐसा लगता है कि हमने सबसे पहले लिखना चाहिए रजिस्टर के अंदर में लिखना चाहिए तो हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी चीजों को लेकर के 147 टू 153 को लेकर के ठीक है सर आ, सेक्शन वन सेवन टू वन फिफ्टी थ्री लिखिए इनकम एस्केप्ड असेसमेंट बराबर है इसी सेक्शन को ऐसा भी नाम दे दीजिए रीअसेसमेंट पढ़ने का सीक्वेंस वन फिफ्टी वन वन नाइन वन फिफ्टी 148, 147, 152 एंड 153 इस सीक्वेंस में इसको पढ़ना है इस सीक्वेंस में आपको इसको पढ़ना है मैं स्क्रीन आपके सामने लेके आ जा रहा हूं लिखने वाला पार्ट हम लोग पहले कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके आगे की बात करेंगे ठीक है सर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर सर हम लोग बात करते हैं सेक्शन 151 के ऊपर ठीक है सर 151 किस बारे में बात कर रहा था मेरा बच्चा मुझे बताएगा 151 किस बारे में बात कर रहा था सैक्शंस के बारे में बात कर रहा था तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ लिखिए सेक्शन 151 और इसी के बाजू लिखिए पेज नंबर जैसा बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसा आपको चलना है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस बात की गारंटी मेरी सबसे पहले सैंक्शंस पे आ जाइए पेज नंबर जो भी था नोट्स का आप वहां जाइए नोट्स का पेज नंबर आपको यहां पर डालना है आई थिंक यहां पे पेज नंबर दिया 4.26 तो 4.26 आपको यहां पर डालने का है बराबर है सैंक्शंस अप टू फोर इयर्स जेसी beyond four years that is six years or 16 years pc oblique cit these power can be delegated ये पावर वो अपने छोटों को दे भी सकते हैं तो सबसे पहले क्या लिया अप्रूवल लिया जीके एन ड्राइव श्राफ्ट ने कहा अप्रूवल लेना है हमने अप्रूवल ले लिया गेम ओवर सबसे पहला सेक्शन 151 फिफ्टी वन ओवर बराबर अब आइए सेक्शन 149 के ऊपर टाइम लिमिट टू इशू नोटिस टाइम लिमिट टू इशू नोटिस कब तक नोटिस इशू की जा सकती है बराबर अंडरस्टैंड वन फोर्टी नाइन इसको तीन पार्ट के अंदर में डिवाइड कीजिए वन फोर्टी नाइन तीन पार्ट के अंदर में डिवाइड कीजिए वन शुरुआत यहां से करें पहले ये पढ़े फिर ये पढ़े और फिर यह पढ़े अगर सेक्शन को बहुत अच्छे से समझना है पहले यह पढ़ो फिर यह पढ़ो फिर यह पढ़ो 149 फोर्टी नाइन सबसेक्शन टू क्या कहता है 149 फोर्टी नाइन सबसेक्शन टू कहता है मालिक 149 फोर्टी नाइन वन इज सब्जेक्ट टू वन जब तक अप्रूवल ना आए इंग्लिश में लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं तब तक नोटिस नहीं जाएगा इंग्लिश में साथ साथ में लिखिए समझने के लिए जो इजी हो जाए वो आपका काम का है 149 फोर्टी टू कहता है दिस विल बी सब्जेक्ट टू 151 आइए फिर आते हैं वन फोर्टी नाइन वन क्या कहता है फोर ईयर्स फ्रॉम रेलेवेंट असेसमेंट ईयर सिचुएशन वन सिचुएशन टू अप टू सिक्स ईयर इफ Escaped income exceed rupees one lakh. Third टू सिक्सटीन ईयर्स इफ असे हैज फॉरेन असेट्स और असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया आप ऐसा भी बोल सकते हो तो भी चलेगा अब आता है एक और पॉइंट वन फोर्टी नाइन थ्री ये आप इंटरनेशनल टैक्स में पढ़ेंगे मेरे साथ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आप वापस मेरे साथ इंटरनेशनल टैक्स में पढ़ेंगे दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट और ये कॉन्सेप्ट गवर्न होता है सेक्शन 163 के हिसाब से हालांकि आपको मैं बता देता हूं अभी ही और हम अभी डिस्कस भी करेंगे बट इसका ग्लिम्स आपको पहले समझना होगा नॉन रेसिडेंट के केस में ध्यान से सुनिएगा नॉन रेसिडेंट के केस में कई बार यहां पे एक एजेंट अपॉइंट किया जाता है इज कॉल्ड एज एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट और उसके ऊपर क्या की जाती है? Assessment की जाती जाती है है असेसमेंट तो जब आप एजेंट किसी व्यक्ति को एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट समझ रहे हैं मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट कंपनी है राइट right? और उसने टैक्स उसने पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन इंडिया के अंदर में कर दिया और उसने टैक्स पे नहीं किया या टैक्स पे करके चले गए दोनों भी सिचुएशन बराबर है टैक्स पे नहीं किया या टैक्स पे करके चले गए और एओ इनकी असेसमेंट करना चाहता है तो अब वो नॉन रेसिडेंट कंपनी तो वापस इंडिया में आने से रही तो जिसके साथ ट्रांजेक्शन किया है उसे एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट बनाया जाता है और फिर उसकी असेसमेंट की जाती है और ऐसे केसेस में क्या किया जाता है जब किसी व्यक्ति को एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट अपॉइंट किया हो तो इसकी नोटिस कब तक दी जा सकती है वो लिखा है 149 फोर्टी नाइन सबसेक्शन थ्री में और इसके लिए आपको पहले समझना जरूरी था कि भैया नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन क्या होता है इसीलिए हमने इसको नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में कवर किया है बट फिर भी मैं आपको बता दूं अगर किसी भी व्यक्ति को एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट के अपॉइंट किया गया है तो इसके ऊपर 148 का नोटिस अप टू सिक्स असेसमेंट ईयर दिया जा सकता है फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर अप टू सिक्स असेसमेंट ईयर तक के इस पर नोटिस दी जा सकती है वेदर एस्केप्ड इनकम एक्सीडिंग वन लैक और नॉट सो इफ अ पर्सन Is treated as agent of non resident under section one sixty three, then notice under section one forty eight shall not be issued after expiry of 6 year from the end of relevant assessment year हालांकि मैं आपको एक पॉइंट बताऊं 163 वाला सेक्शन अब प्रैक्टिकली वर्क नहीं करता क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द नॉन रेसिडेंट्स के जितने भी पेमेंट्स हैं ये सारे के सारे टीडीएस के अंदर में कवर होते हैं तो जो एक सेक्शन है एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट वाला सेक्शन वो प्रैक्टिकली वर्क नहीं करता क्योंकि ऑल पेमेंट्स ऑफ नॉन रेसिडेंट्स के लिए हमारे पास टीडीएस के प्रोविजन है ही और कुछ नहीं भी हुआ तो एक जनरल सेक्शन वन है ही है तो वन अगर आप दे नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा बट कुल मिला के वन तीन पार्ट के अंदर में है 149 -1 जो आपको बताता है नोटिस कब तक के देना है 149 -2 बोलता है नोटिस इशू करने से पहले अप्रूवल ले लेता है।, है अगर एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट को आप नोटिस इशू कर रहे हैं तो ये नोटिस का टाइम चार साल के जगह छह साल होगा बस इतनी सी बात है यस आइए देखते हैं और भी कुछ बातें जब आप ये पढ़ रहे होंगे 149 पढ़ रहे होंगे तभी आपको दो सेक्शन और पढ़ने हैं यस yes, दो सेक्शन और पढ़ने हैं पॉसिबल है तो अलग कलर का एक पेन ले लीजिए इन तीनों के नीचे कॉमन एरो बना दीजिए और इसके नीचे दो पार्ट लाइए एक फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 147 सेकेंड प्रोविजियो टू सेक्शन वन फोर्टी सेवन जब आप वन फोर्टी सेवन पढ़ रहे हैं वन फोर्टी नाइन पढ़ रहे हैं तभी आपको यह दो प्रोविजो पर पढ़ने हैं आप इसे कह सकते हैं एक्सेप्शन टू टाइम लिमिट अंडर सेक्शन वन फोर्टी नाइन वन 149 फोर्टी के अंदर में टाइम लिमिट दिया है चार साल छह साल सोलह साल इसके दो एक्सेप्शन दिए हैं जो फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन वन फोर्टी सेवन में दिया है या सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 147 के अंदर में दिया हुआ है तो आपको यह बात याद रखनी होगी तो सबसे पहले 149 के अंदर में पेज नंबर डाल दीजिए मैं यहां पे भी आपसे पेज नंबर डलवाऊंगा पहले आप इतना लिख लीजिए फिर हम करेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 147 क्या बोलता है वेयर असेसमेंट इज ऑलरेडी डन अंडर सेक्शन 1433 फोर्टी थ्री थ्री ऑब्लिक वन देन Notice under section one forty eight shall not be issued after four years from relevant assessment year if both conditions are satisfied point number a assessee has filed return of income under income tax act and and गोला बनाइए एंड पे असेसी हैज डिस्क्लोज ऑल ट्रू एंड मटेरियल फैक्ट्स ये चार्ट आपके साथ इतने ज्यादा काम के आएंगे अगर आपने इसके पहले का पूरा लेक्चर भी नहीं देखा होगा या लेक्चर से कुछ स्किप भी हो गया होगा अब जो ये चार्ट बन रहा है मैं आपको बोलूंगा आप मेरे को कंफर्म मैसेज करोगे सर 147 में जो मजा आया इसके पहले कभी नहीं आया डेंजर चेक जनरली आप मुझे मेरे साथ साथ बोलते रहें जनरली 148 का नोटिस कब तक के दिया जा सकता है फोर इयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर ईयर जिस year की इनकम एस्केप हुई होगी उस असेसमेंट ईयर से इतार साल के अंदर में छह साल अगर एस्केप इनकम फॉर दैट ईयर अगर कितने से ऊपर होगी वन लाख रुपी से ऊपर होगी और सिक्सटीन असेसमेंट इन केस ऑफ फॉरन असेट डू यू अग्री ये पर इसका पहला एक्सेप्शन है फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन फोर्टी में लिखा है 147 में लिखा है फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 147 में एक्सेप्शन लिखा है 149 का यस yes, जो कहता है, अगर एस एस सी का ऑलरेडी असेसमेंट हो चुका है 143.3 में या 147 में यानी टेक्निकली अब अगर जो होगा वो टेक्निकली रीअसेसमेंट होगा अगर एस का ऑलरेडी असेसमेंट हो चुका है 143 के के अंदर अंदर और 147 के अंदर में जो भी सेक्शन 143.3 या 147 फोर्टी यहां वन लिखा हुआ नहीं है क्लियर कट ध्यान से सुने 1433 या 147 के अंदर में बराबर है तो जो नोटिस है वो चार साल के बियॉन्ड जा ही नहीं सकती सिक्स इयर्स पे नहीं जा सकती सिक्सटीन इयर्स की बात नहीं करो चार से छह पे नहीं जा सकती अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो पहला कंडीशन असेसी ने रिटर्न फाइल किया हो जिसमें जो भी एज पर एक्ट उस पर्टिकुलर ईयर के लिए एस ने क्या किया हो रिटर्न फाइल किया हो जैसा करना चाहिए एंड उसने पूरा मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज किया होगा तो फिर उस केस में जो इनकम यू नो जो रिटर्न है जो नोटिस है वो चार ईयर के बियॉन्ड नहीं जा सकता वापस से सुनिए जनरली नोटिस कितने साल की दी जा सकती है चार साल छह साल सोलह साल इन एवरी केस प्रोवाइडेड अगर उसका ऑलरेडी असेसमेंट हो चुका है 143 में में, या 147 में, तो चार साल के बियॉन्ड नोटिस नहीं जाएगी अगर दो कंडीशन होगी, पहली कंडीशन उस साल के लिए रिटर्न भरा हो दूसरी कंडीशन असेसी ने फुल ट्रू एंड मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज किए हो सर ये वाला पार्ट हमने कहाँ पढ़ा आएंगे पढ़ाएंगे जैसे कि मैंने कहा धीरे धीरे आएगा बाबू सब कॉन्सेप्ट पेज नंबर ट्वेंटी वन पे देखिए आपको दिख जाएगा दिस यहां पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन वन फोर्टी सेवन यहां पर है एक्सेप्शन टू टाइम अंडर सेक्शन वन फोर्टी नाइन वन इस तरह से आप लिखिए मजा आएगा आपको क्या कह रहा है जरा देखिएगा वेयर असेसमेंट अंडर 143 और 147 देखिए वर्ड क्लियर है जहां असेसमेंट हो चुकी है कौन से सेक्शन में 143 या 147 नो एक्शन शेल बी टेकन अंडर 147 फोर्टी सेवन बियॉन्ड फोर ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इफ बोथ द दंडीशन आर सेटिस्फाइड रिटर्न ऑफ इनकम एंड हैज डिस्कलोज फुल्ली बस इसके ऊपर ये हेडिंग डाल दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 147 वो लाइन ही खाली इसी के लिए रखी गई थी ताकि आप लिखें और आपको समझ में आए मैं पहले बता देता तो आप शायद उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते अब उसके ऊपर ध्यान नहीं है तो जनरल प्रोविजन यहां से हम लोगों ने क्या पढ़ी पेज नंबर ट्वेंटी पे था नीचे आइए यहां लिखिएगा पेज नंबर ट्वेंटी वन तो आपको ये क्लियर रहेगा साथ साथ में जहां पे भी पूरा लिखा है क्योंकि ये एक साथ नहीं लिखा जा सकता था जैसा बैरैक दिया है बिल्कुल मेरे को उसी तरीके से देना था लेकिन आपको इजी तरीके से आ जाए इसके लिए फ्लो चार्ट के अंदर में दिया तो जनरली नोटिस कितने साल की दी जा सकती है चार साल छह साल सोलह साल नोटिस देने से पहले अप्रूवल आना चाहिए और एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट के केस में छह साल तक की नोटिस दी जा सकती है यह फिक्सड केस था हालांकि हम चार साल के बियॉन्ड नहीं जाएंगे अगर असेसमेंट पहले भी हो चुका है अगर असेसमेंट पहले नहीं हुआ तो चार छह सोलह तीनों ऑप्शन ओपन है अगर असेसमेंट पहले भी हो चुका है 143 और 147 में राइट एस ने रिटर्न भरा था और उसने पूरे डिस्कलोजर दिए हैं तो हम चार के आगे नहीं जाएंगे हम सिर्फ चार तक के ही नोटिस दे सकते हैं नोटिस इशू करने की बात चल रही है ध्यान से सुनिएगा नोटिस इशू करने की बात चल रही है नोटिस इशू करने की बात चल रही है एक केस पे आएंगे हम आर के उपाध्याय वहां पे और क्लियर होगा सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 148, फोर्टी एट यह क्यों लाया गया था मैं आपको बताता हूं यह लाया गया था यह आप ऐसा समझ लीजिए कि इस फर्स्ट प्रोविजो का एक्सेप्शन है मतलब 149 को एक एक्सेप्शन जो एक्सेप्शन है उसको एक और एक्सेप्शन डाला इन्होंने लाया क्यों था मैं आपको बताता हूं और कब लाया था जब हम लोगों ने फॉरन असेट एंड लाइबिलिटीज वाला पॉइंट इंक्लूड किया फॉरन असेट वाला पॉइंट इंक्लूड किया तो हम सोलह साल तक पीछे जा सकते हैं यह बात क्लियर थी अब यह प्रोविजन क्या कर रहा था द मूवमेंट आपने यह प्रोविजन डाल दिया तो क्या बोलता था फिर कि मान लो मान लो मेरा असेसमेंट हुआ है मैंने पूरा डिस्क्लोजर भी दे दिया सो सो ऑन एंड फोर्थ बट स्टिल मेरा क्या निकल गया फॉरेन निकल गया इसके बाद क्या होता था इस प्रोविजन के कारण खुद इनहर लिमिटेशन आ जाता था डिपार्टमेंट के ऊपर कि वो चार साल से पीछे नहीं जा सकते थे लेकिन फॉरन अगर असेट है जिसका मतलब है ब्लैक मनी आपने कहीं ना कहीं बाहर छुपा के रखा है और अगर ब्लैक मनी बाहर छुपा के रखा है तो फिर तो चार साल का क्लॉज गलत हो जाएगा छह साल मत दो चलो ठीक है पर ये तो गलत हो जाएगा ना कि अब चार साल क्या हो जाएंगे रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो सेकंड प्रोविजो कहता है कि सर अगर फॉरेन असेट वाला मामला है तो फिर फर्स्ट प्रोविजो अप्लाई नहीं करेगा जिसका मतलब हम 16 साल पीछे जा सकेंगे यस yes, 16 साल पीछे जा सकेंगे सो so, लिखिए और क्लियर करते हैं एक और बार सेकंड प्रोविजो टू वन सेकेंड प्रोविजो टू वन फोर्टी सेवन क्या लिखता है नथिंग कंटेन्ड इन फर्स्ट प्रोविजियो शेल अप्लाई In relation to assets located outside India, which is chargeable to tax, has escaped assessment. जिसको प्यार से समझना है नोटिस कैन बी इशूड बियॉन्ड फोर ईयर्स अप टू सिक्सटीन ईयर्स केस असेसी हैज असेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया लेट्स टेक एन एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ असेसी ने रिटर्न ऑफ इनकम भरा था फॉर द ईयर थर्टीन फोर्टीन बराबर है असेसी ने रिटर्न ऑफ इनकम भरा था फॉर द ईयर थर्टीन फोर्टीन रिटर्न भी भरा था और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी इस असेसी के ऊपर ऑलरेडी वन हो चुका है अब जरा प्रोविजो को समझते हैं इस प्रोविजो को समझते हैं 149 कहता है नोटिस इशू हो सकती है चार साल छह साल सोलह साल तक के ठीक है ने असेट है आउटसाइड इंडिया में ठीक है के असेट भी है आउटसाइड इंडिया में सबसे पहले अब एक एक प्रोविजन को समझते हैं 149 फोर्टी कहता है अगर इनकम एस्केप हुई है एंड एस हैज अ रीजन टू बिलीव हम चार साल बाद भी नोटिस इशू कर सकते हैं छ साल तक के भी नोटिस इशू कर सकते हैं सोलह साल तक के भी नोटिस इशू कर सकते हैं सब्जेक्ट टू अप्रूवल नीचे आते हैं नीचे कहते हैं छः और सोलह अप्लाई नहीं करेगा छः और सोलह अप्लाई नहीं करेगा अगर इसके पहले एस पे ऑलरेडी असेसमेंट हो चुकी होगी उसने रिटर्न भी भरा है और पूरी इंफॉर्मेशन दे चुकी है तो मैक्स आप चार साल तक के नोटिस इश्यू कर सकते हैं छः और सोलह का मैटर ही नहीं आता सेकेंड प्रोविजो कहता है कि नहीं हम चार साल के बियॉन्ड जा सकेंगे एक एक्सेप्शन है इसको चार साल के बियॉन्ड जा सकेंगे एक एक्सेप्शन है इसको और वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर एस का अट लोकेट होता है कहा आउटसाइड इंडिया में अब इस केस में देखिएगा क्या है का का है है आउटसाइड इंडिया में 13 -14 का केस प्रीवियस ईयर हमारा ही पकड़ लेते थर्टीन फोर्टीन का केस है एसएससी ने रिटर्न भी भरा था पूरी इंफॉर्मेशन भी दी थी और इसका असेसमेंट ऑलरेडी वन फोर्टी में हो चुका है अगर रिटर्न भी भरा था इंफॉर्मेशन भी दी थी वन फोर्टी है तो फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 147 क्या कहता है मैक्स आप कितने साल जा सकते हैं फोर इयर्स तक के आप क्या इशू कर सकते हैं नोटिस इशू कर सकते हैं डू यू अग्री यस पर सिंस आ सेट आउटसाइड इंडिया है तो बताइए फर्स्ट प्रोविजो लगेगा क्या नहीं इस केस में जैसे ही असेट आउटसाइड इंडिया आ गया इस केस में सेकंड प्रोविजो लग जाएगा और सेकंड प्रोविजो के केस में आप मैक्स कितने साल पीछे जा सकेंगे 16 ईयर्स भी पीछे जा सकेंगे भले ही आपका असेसमेंट पहले हुआ हो तो भी आप क्या कर सकेंगे सिक्सटीन ईयर्स तक जा सकेंगे बिल्कुल जा सकेंगे गेटिंग इट और नॉट सो असेसि का रिटर्न भी भरा था उसने इंफॉर्मेशन भी दी थी असेसमेंट भी ऑलरेडी हो चुका है फर्स्ट प्रोविजो कहता था कि मैक्स कितने साल तक पीछे जा सकते हो चार साल की आपको नोटिस इश्यू की जा सकती है इयर्स तक के आप कभी भी नोटिस ले सकते हैं लेकिन सेकंड प्रोविज़ो प्रोविज़ो कहता है जहां पे है पे आउटसाइड इंडिया फर्स्ट नहीं लगेगा और आप नोटिस फिर विच इज चार्जेबल टू टैक्स एंड असेसमेंट सर ये कहां लिखा है लिखा तो सब है बाबू देखिए अगर आप ये पढ़ लेंगे फर्स्ट प्रोविजो मैंने यहां पे रिपीट किया हुआ है ये रिपीट है फ्रॉम पेज नंबर ट्वेंटी वन सेकेंड प्रोविजो पढ़िए वन फोर्टी सेवन का प्रोवाइडेड डेट नथिंग कंटेन इन फर्स्ट प्रोविजो सेल अप्लाई इन केस वेयर एनी इनकम और असेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और ये फर्स्ट प्रोविजो यानी आप चाहें तो एक काम कर लो ये ट्वेंटी वन की जगह यहाँ पे डायरेक्ट ट्वेंटी सिक्स डाल दो यहाँ पे भी पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स डाल दो अब आपका पूरा फोर्टी नाइन वन फोर्टी नाइन रीड विथ वन फोर्टी सेवन ओवर हुआ चेक कर लीजिए सबसे पहला सेक्शन 151 क्या लेंगे अप्रूवल लेंगे यहां हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अप्रूवल किसकी लेना है फिर हम गए 149 में नोटिस कब तक इशू की जा सकती है चार साल छह साल सोलह साल लेकिन असेसमेंट इसके पहले भी अगर हो चुका है तो मैक्स चार साल तक आप जा सकते हैं प्रोवाइडेड ने इंफॉर्मेशन भी, भी डिस्कलोज करियो लेकिन अगर फॉरन असेट होगा फॉरन असैट होगा असेसमेंट इसके पहले भी हो चुका है तो चार साल छोड़ो हम सोलह साल भी जा सकते हैं ऐसा कहता है सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन वन मजा आया हमने कितने सेक्शन पढ़ लिए हमने पढ़ लिया 151 हमने पढ़ लिया 149 अब धीरे से एंट्री मारते हैं 150 के ऊपर 150 क्या कहता है याद तो होगा ही आपको इसी बीच एक मिनट रुके एक मिनट रुके 150 पे जाने से पहले यहीं पे एक केस पढ़ लेते हैं आर के उपाध्याय का नोट्स में दिया है आर के उपाध्याय वर्सेस स्नेह भाई पटेल पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पे आइए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट राइट सर यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था जो यह क्लियर कर रहा था कि इशू और सर्व वर्ड में क्या डिफरेंस है मैंने आपको कुछ दिनों पहले भी बताया था इशू और सर्व दो अलग अलग वर्ड है हां या हां बिल्कुल सही इशू और सर्व दो अलग अलग वर्ड है और यही वो केस है जो डिफ्रेंशिएट करता है इशू ऑफ सर्व को और कहता है 149 के अंदर में इशू वर्ड यूज किया हुआ है सर्व नहीं केस पढ़िए there is a clear distinction between the word issue and serve 149.1 lays down the time limit for issue of notice therefore if notice is issued within the time limit but is served after the date it will be a valid notice it will be a valid notice so register pe hi. आर के उपाध्याय का केस आर के उपाध्याय केस पेज नंबर भी लिखें पूरा पेज नंबर भी लिखें ताकि जब आप सेल्फ स्टडी करो आज तो आपको पूरा समझ में आना चाहिए टाइम लिमिट अंडर सेक्शन वन फोर्टी नाइन वन इज़ फॉर Issue of notice. Hence, notice issued on time but received beyond time would be valid. नोटिस इशूड ऑन टाइम बट रिसीव्ड बियॉन्ड टाइम वुड बी वैलिड मालिक वुड बी वैलिड बिल्कुल वैलिड रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है डन पहला सेक्शन 151, दूसरा सेक्शन 149, तीसरे सेक्शन के ऊपर मैं आता हूं तीसरा सेक्शन हमें कहता है सेक्शन 151, नो टाइम लिमिट टू इशू नोटिस कुछ केसेस में कोई टाइम लिमिट नहीं होगा नोटिस इशू करने का उप्स। कुछ केसेस में नोटिस इशू करने का कोई टाइम लिमिट नहीं होगा केसेस आपको पता है हम सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं मैं पहले यहां से हटा दूं आप लोग सेक्शन में जाइए या याद होगा तो बिल्कुल लिखिए आप देख लो मैं पूरा का पूरा एक लेक्चर तीन घंटे सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन के ऊपर डिवोट कर रहा हूं मतलब कितना बड़ा होगा ये सेक्शन वन फिफ्टी वन नो टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ नोटिस कौन कौन से केसेस होते हैं याद तो आपको रखना है सर कौन कौन से ऐसे केसेस थे जहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है नोटिस इशू करने का बताओ कौन से केसेस थे अपील रिविजन रेक्टिफिकेशन वाली जो केसेस है वहाँ पे जहाँ पे आपको खुद असेसमेंट वहीं से करने बोला गया है वो वाले केसेस इसके अंदर में नहीं आते हैं तो अस स्टार्ट विथ 151 क्लियर है प्रभु चलो आ जाओ सॉरी 150 नॉट 151 150 गो ऑन चल रहे पेन टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 149.1 सीधा 149 कर दीजिए वुड नॉट अप्लाई And notice under section one forty eight can be issued at any time. Notice can be issued at any time for making assessment. Or reassessment to give the effect to finding or direction of order under section two fifty. लिखिए ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील 254, ऑर्डर ऑफ आईटीएटी, टी ए टी टू ए टू ऑफ हाईकोर्ट 262 सिक्सटी order of supreme court 263 264 order of cit or order of a court under any law सर अंडर एनी लॉ लेट से कस्टम एक्ट का किसी का कुछ केस चल रहा था और उसके तहत आपका रीअसेसमेंट करने का ऑर्डर आया बिल्कुल कर सकेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है सो so, फिर चार छः और सोलह वाला सिचुएशन अप्लाई नहीं करता जहां ऑर्डर सी अपील का ऑर्डर हो आई टी का ऑर्डर आया हो असेसमेंट करने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हो असेसमेंट करने के लिए ऑर्डर ऑफ सी अपील आया हो या फिर कोई भी कोर्ट का ऑर्डर आया हो किसी भी लॉ के तहत फिर आपके टाइम लिमिट सप्लाई नहीं करेंगे सर सर मुझे एक एक बहुत जरूरी डाउट आया है मैंने बोला ओके आगे बोल सर मान लो मान लो आपने कहा कि भैया नोटिस जब 150 के अंदर में आता है 150 के अंदर में जब ऑर्डर आता है तो यह नोटिस फिर कभी भी इशू की जा सकती है तो सपोज सपोज क्योंकि ये बहुत डीप डाउट है बहुत डीप डाउट है मान लो मान लो 2001 का कोई केस है कोर्ट ने बोला 2001 का क्या करो इसका असेसमेंट करो 148 के अंदर में अब 148 का अगर इशू आया है कोर्ट ने ऑर्डर दिया है मतलब सेक्शन 150 अप्लाई करेगा 150 अप्लाई करेगा मतलब चार छह सोलह वाला मैटर ही नहीं असेसमेंट कभी कभी ओपन हो सकता है नोटिस कभी भी इशू हो सकती है तो अब हुआ ये कोर्ट ने बोला कि 2001-2 का केस ओपन करो हम भी चले गए 2001-2 का केस ओपन करने के लिए 148 का नोटिस इशू कर दिया आपको तो याद हो तो मैंने आपको बताया था 148 के अंदर में क्या होता है आपको 234 थर्टी ए बी सी का इंटरेस्ट भी लगता है तो अब अगर 2000 2001 टू थाउजेंड टू का केस जो भी अगर ओपन हुआ तो क्या टू और टू से इंटरेस्ट लगेगा आंसर इज नो इस केस में नहीं लगता वन फिफ्टी के सिचुएशन में जहां पे क्या किया जाता है आ, आपका असेसमेंट ओपन किया जाता है बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इन महारथी इन केस में फिर इंटरेस्ट नहीं लगता तो यहां एक पॉइंट अलग से लिख के रखिएगा वो सिर्फ 148 149 वाले केस में होता है 150 वाले केसेस में नहीं होता सो प्लीज राइट डाउन यहां पे अलग से इंटरेस्ट शेल नॉट बी मेड यहां फिर इंटरेस्ट नहीं लगता इज दट डन अब कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे हम सर हम लोगों ने तीन सेक्शन अभी तक के पढ़ लिया है मालिक तीन सेक्शन हम लोगों ने अभी तक के पढ़ लिया है कौन से सेक्शन हमने पढ़ लिया है हमने पढ़ लिया है 150 फिफ्टी वन वन फोर्टी नाइन विथ प्रोविजो वन एंड टू आर के उपाध्याय का केस पढ़ा वन फिफ्टी वन पढ़ा आई होप आप पेज नंबर साथ साथ में लिख रहे हैं एक मिनट मैंने यहां सेक्शन गलत कोट किया है आई स्टैंड करेक्टेड प्लीज़ सेक्शन आप सुधार लीजिए मैंने सेक्शन गलत किया है सेक्शन सुधार लीजिए ये वन फिफ्टी वन नहीं है वन फिफ्टी वन हम ऑलरेडी ऊपर पड़ चुके हैं दिस इज़ वन फिफ्टी सो आई स्टैंड करेक्टेड इंसान हुए यार पढ़ाते पढ़ाते फ्लो के अंदर में ऐसा हो जाता है ठीक है होना नहीं चाहिए आई नो बट यू नो जब आप लिखते हैं मेरे को एक आदत है हर चीज लिखने की तो लिखते लिखते गलती हो जाती है तो अगर आपको भी ऐसा कुछ ध्यान में आ जाए तो प्लीज लेट मी नो आप मुझे मैसेज कीजिए कि सर ये होना चाहिए डेफिनेटली उस चीज को सुधारना चाहिए और सुधारा जाएगा साहब जहां तक के मैक्सिमम केस में कोई ध्यान में आ जाता है कि यहां पर यह हुआ है बट स्टिल आ जाओ प्रभु एक और सेक्शन की हम लोग बात करते हैं अब अब आते हैं हम लोग 148 पे ये सारी चीजें होने के बाद आता है आपका सेक्शन 148 नोटिस फॉर असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 नोटिस फॉर असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 notice require the assessee to file return of income for each year in which income is escaped notice is sent इन टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 149 फोर्टी नाइन फोर सिक्स सिक्सटीन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा नेक्स्ट इफ नोटिस इज नॉट इशूड असेसमेंट Is void. If notice is not issued, assessment is void. Next, ROI filed under section 148 cannot be revised. Fifth interest under section two thirty four A B and C are also made while filing. Return of income under section one forty eight. Once the assessee files return of income certified copy of reason to believe. is given. ROI is mandatory even if ROI is filed for that year. 8 if reason to believe provided by ao are invalid assessee can file writ petition to high court एंसर वो 143 फोर्टी थ्री टू वाला पॉइंट भी लिखना पड़ेगा आपने को ऊपर आइए फॉर Return of income filed under section 148. Notice under section 143 .2 is issued within six months from the end of financial year in which. रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 148 ये आया था एज पर फाइनेंस एक्ट 2006 डन सर जस्ट मिनट लेके आ रहा हूं मैं वापस ज दैट डन पेज नंबर 43 आइए इधर 148 जो आप लिख रहे हैं वहां पर वापस आइए यहां पे टेंथ नंबर डालिए यहां पे लिखिए रेफर केसेस ऑन पेज नंबर अब इसी से रिलेटेड कुछ केसेस हमें पढ़ने होंगे इसी से रिलेटेड कुछ केसेस हमें पढ़ने होंगे आइए वो देखते हैं पेज नंबर डाल दीजिए फोर्टी थ्री सबसे पहले राजेश जावेरी स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक ब्रोकर लिमिटेड सर वेदर इंटीमेशन अंडर 143 फोर्टी थ्री वन कैन बी ट्रीटेड एज ऑर्डर ऑफ असेसमेंट फॉर द पर्पज ऑफ वन फोर्टी सेवन वन फोर्टी सेवन बताइए क्या वन फोर्टी थ्री वन के बेसिस पे वन फोर्टी सेवन हो सकता है हा या ना देखिए नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता वन फोर्टी थ्री वन एक इंटीमेशन और ये कोई ऑर्डर नहीं है अंडरस्टैंड कीजिएगा 143 वन सिर्फ एक इंटीमेशन है वो ऑर्डर नहीं है तो इसके बेसिस पे 147 कभी भी ओपन नहीं किया जा सकता 147 ओपन करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है फर्स्ट देर शुड बी एस्केप्ड इनकम एंड सेकंड देर शुड बी रीजन टू बिलीव ये दो चीजें होना जरूरी है तो क्या वन के बेसिस पे वन ओपन किया जा सकता है क्या आंसर शुड ऑलवेज कम एज नो सो वेदर इंटीमेशन कैन बी Treated as order of assessment for the purpose of 147. Assessee can't challenge on the ground of change in opinion. Since making the adjustment under 143.1, AO has no power beyond information given in the return. Hence, 143.1 can't be treated as order of assessment. 143.1 can't be treated as order of assessment. eventis pharma. एवेंटेस फार्मा का केस हम लोगों ने पढ़ लिया एक और बार पढ़ते हैं क्या चेंज इन ओपिनियन के बेसिस पे 148 फोर्टी ओपन हो सकता है आंसर इज नो वेदर असेसि कैन ओपन रीअसेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन ओपिनियन आंसर इज नो एवेंटेस फार्मा का केस नहीं हो सकता हेमंत ट्रेडर केस हम लोगों ने पढ़ा है क्या सर्वे के बेसिस पे 148 ओपन किया जा सकता है क्या आंसर नो no. सर्वे एज ऑन दैट डे होता है जबकि जो आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है वो एज ऑन द लास्ट बैलेंस शीट दी जाती है इसी के लिए वो भी नहीं हो सकता तो ह्यूमन ट्रेडर्स का केस कैन के... अच्छा मैंने यहां पर आप देखेंगे कि पूरा केसवा भी नहीं लिख के दिया हुआ है जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ है दूसरी बात आपको इतने केस लॉज याद रख ही नहीं सकते आप तो फुटाइल एक्टिविटी मत करना कि ये केस लॉज पूरे नहीं दिए हैं मेरे को तो पूरे ही केस लॉ का नाम मैं अगर यहां पे पूरे भी दे दूं तो लॉजिकली सोचकर देख मेरे भाई तो ये याद नहीं रख सकता समझ में आई बात तो एज पर द रेलिवेंट केस डाल देना गेम ओवर सिर्फ इस साल के जो जुडिशियल अपडेट होंगे तुझे तो उसी साल के केस लॉज याद रखने या जो मैं कुछ स्पेसिफिक केसेस बोल रहा हूं उतने केस नंबर याद रखने इसके अलावा तेरे को कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है कैन नोटिस अंडर वन फोर्टी एट बी इशूड सोनली ऑन द ग्राउंड कैन वन फोर्टी एट बी इश्यूड ऑन द ग्राउंड ऑफ सर्वे अंडरली बिकॉज सर्वे प्लेस नॉट बी अ ग्राउंड फॉर रीओपनिंग समथिंग मोर इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज एविडेंस सर्वे के अंदर में कोई एविडेंस आपको नहीं मिलता स्काईलाइट हॉस्पिटल एल एल पी वर्सेज असिस्टेंट सीआईटी दिल्ली टू थाउजेंड एटीन दिल्ली का जजमेंट है जरा देखिएगा अच्छा जी क्या था Case ये हुआ था सर कि जो इन्वेस्टिगेशन यूनिट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का याद होगा तो आपको मैंने आपको मैंने शुरुआत में बताया थे दो विंग होते हैं एक एनालिसिस विंग दूसरा इन्वेस्टिगेशन विंग इन्वेस्टिगेशन विंग की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे 148 ओपन किया गया था सवाल उठा क्या इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हो सकता है क्या क्योंकि याद होगा तो सीए के बेसिस पे हम लोगों ने डिनाई कर दिया था पर क्या इन्वेस्टिगेशन यूनिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो क्या इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वन ओपन किया जा सकता है है क्या यह एक इशू आया आंसर आया यस चेक कीजिएगा इज नोटिस फॉर रीअसेसमेंट इशूड अंडर वन फोर्टी एट ऑन बेसिस ऑफ टैक्स इवेजन रिपोर्ट रिसव फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वैलिड इफ सच नोटिस हैज बीन इशूड एरोनियसली इन द नेम ऑफ अर्स्टवाइल कंपनी

द नोटिस इशूड ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इवेजन रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज वैलिड सिंस देयर वॉज अ रीजन टू बिलीव इवन दो द नोटिस वॉज एरोनियसली इशूड इन द नेम ऑफ अर्लियर कंपनी नहीं भी होता तो हम लोग के पास 292 नाइनटी टू बी डबल बी वाले सहारे तो थे ही कि नोटिस इशू तो हो चुकी है भले पुराने नाम से हुई हो एरोनियस हो मिस्टेक हो तो भी इसे क्या माना जाएगा वैलिड माना जाएगा रेनबैक्सी रेनबैक्सीबोरेटरीज इंपॉर्टेंट जजमेंट इस जजमेंट को इंपॉर्टेंट मार्ग कीजिए रेनबैक्सी लेबोरटरी सेम जजमेंट जेट एयरवेज में भी हुआ था दिल्ली और बॉम्बे ने सेम जजमेंट दिया था कोर्ट हमें पूरा पढ़ना होगा केस हमें पूरा पढ़ना होगा पहले सिर्फ केस पढ़िए मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूं अलग शब्दों में बोलूं तो यही वो रीजन है जिसके कारण एक्सप्लेनेशन थ्री जोड़ा गया था यस yes, यही वो केस है जिसके कारण एक्सप्लेनेशन थ्री भी जोड़ा गया था आपको पढ़ के समझ में आएगा कैन यो रीअसेस द इशू अदर देन द इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोसीडिंग अंडर 147 फोर्टी सेवन वॉज इनिशिएटेड वेन ओरिजिनल रीजन टू बिलीव ऑन विच नोटिस वॉज इशूड सीज टू एग्जिस्ट जरा समझिएगा केस क्या था पूरा समझिए एक्सप्लेनेशन थ्री जनरली क्या बात करता है एक्सप्लेनेशन थ्री बात करता है कि प्रोसीडिंग के बीच में कोई और इनकम मिले तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं रेनबैक्सी का केस सिमिलर तो था लेकिन सेम नहीं था रेनबैक्सी केस में यह हुआ था कि Assessi को नोटिस इशू हुआ रीजन टू बिलीव था नोटिस इशू हुआ बाद में वो रीजन टू बिलीव क्या हो गया खत्म हो गया या रीजन टू बिलीव जिसके बेसिस पे नोटिस इशू किया था वो रीजन टू बिलीव अब वर्क ही नहीं कर रहा सीज टू एग्जिस्ट हो गया लेकिन इसी बीच एओ को क्या हो जाता है कोई दूसरी इनकम मिल जाती है तो एओ क्या करता है पहला रीजन टू बिलीव तो खत्म हो गया दूसरा रीजन बिलीव टू मिल गया तो उसके बेसिस पे एओ क्या करता है असेसमेंट कंटिन्यू कर देता है क्या होना चाहिए क्या ये नोटिस वैलिड होगी क्या ये असेसमेंट वैलिड होगा केस वापस से सुन लीजिए फिर से एक बार Explanation 3 में क्या कहता है कि प्रोसीडिंग के दौरान कोई और इनकम मिल गई तो हम उसे भी कंसिडर करते हैं लेकिन इस केस में पहला रीजन टू बिलीव होता है और हमें कुछ दूसरा भी मिल जाता है रेनमैक्सी का केस सिमिलर तो था लेकिन सेम नहीं था इस केस में जिस बेसिस पर रीजन टू बिलीव दिया गया था वही खत्म हो गया और अब नया बेसिस हमें मिल गया पहला जिस बेसिस पे नोटिस इशू किया था वो खत्म हो गया तो एओ ने सोचा कि ठीक है पहला वाला खत्म हो गया दूसरा तो हमें मिल गया और मेरे पास एक्सप्लेनेशन थ्री के तहत तो पावर है ही मैं चालू कर देता हूं पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू का हो गया कि जिस बेसिस पे आपका केस स्टार्ट हुआ था वो बेसिस तो खत्म हो गया तो दूसरे बेसिस का भी एग्जिस्टेंस क्या बचता है एओ बोलता है कि रीजन टू बिलीव तो था ही रीजन टू बिलीव तो है ही चाहे वो केस रहा हो ना रहा हो दूसरे केस में तो रीजन टू बिलीव है ही प्रैक्टिकलिटी क्या होनी चाहिए प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए कि 148 आगे नहीं बढ़ने दोगे के पास पावर क्या है वो दूसरा नोटिस इशू कर देगा लॉजिकल बात ये है वो 148 का दूसरा नोटिस इशू कर देगा बोलेगा ये ले भाई अब मेरे को ये रीजन टू बिलीव है पहला खत्म हो गया तू काम नहीं करने दे रहा था दूसरा प्रैक्टिकल ग्राउंड ये है एकदम केस क्या हुआ था इंपॉर्टेंट केस जरा ध्यान से सुनिए जब हम 148 पढ़ रहे होंगे रेनबैक्सी का केस और दूसरा आएगा सन इंजीनियरिंग का केस बराबर है सन इंजीनियरिंग का केस और रेनबैक्सी का केस ये दो केस आपको याद रखने हैं रेगुलर असेसमेंट में गॉड्स इंडिया वाला केस याद रखना है यहाँ पे रेनबैक्सी और सन uh, सन इंजीनियरिंग वाला केस हेल्ड दैट वन The AO may assess or reassess such income and also any other income Chargeable to tax which has escaped assessment and which comes to his notice in the course of proceeding under section 147. Right. The Delhi High Court observed that the word and also under section 147 are widely amplitude. The assessment or reassessment must be in respect of income, in respect of which AO has formed a reason to believe that the same has escaped assessment and also. रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर इनकम विच कम्स टू हिज नोटिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग एस्केप्ड इनकम यहां से हाईलाइट भी कर सकते हैं आप इफ द इनकम द एस्केपमेंट ऑफ विच द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन टू रीजन टू बिलीव इज नॉट असेस्ड और रीअसेस्ड इट वुड नॉट बी ओपन टू एओ टू इंडिपेंडेंटली असेस only that income which comes to his notice subsequently in the course of proceeding under the section एज ए स्केप्ड इनकम इफ यू इंटेंड टू डू सो अंडर वन फोर्टी रिक्वायर्ड तो सर क्या हुआ रेनबैक्सी के, के रीजन के के टू बिलीव अब एग्जिस्ट नहीं करता पर एओ को कुछ दूसरा मिल चुका है तो क्या सेम असमेंट वो कंटिन्यू करे रेनबैक्सी ने कहा नहीं ओरिजिनल रीजन टू बिलीव खत्म हो गया मतलब पूरा मैटर ही खत्म हो गया हालांकि अब भी अगर उसको करना है तो 148 का एक फ्रेश नोटिस इश्यू कर दो लास्ट लाइन पढ़ लीजिए इफ ही इंटेंड टू डू सो अ फ्रेश नोटिस अंडर 148 वुड बी नेसेसरी जैसा कि मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया उसको रीजन टू देखिए 147 को ओपन करने के लिए रीजन टू बिलीव एन जो बेसिस था ये खत्म हो गया पर दूसरा बेसिस आपको क्लियर कट मिल चुका है ठीक है वो वाला नोटिस क्वैश हो गया एक नया नोटिस इशू कर दो नया नोटिस इशू करके काम कर दो एस्केप वाली इनकम है वो छोड़ेंगे तो नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये याद रखिएगा एस्केप वाली इनकम है तो डिपार्टमेंट छोड़ेगा तो बिल्कुल नहीं आपको याद रखना पड़ेगा तो सर यह केस इंपॉर्टेंट अगर ऐसा कुछ है भी एक फ्रेश नोटिस इश्यू कर दो गेम आगे बढ़ाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ेगा तो नहीं ये याद रखना होगा सर आपको नेक्स्ट गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड बॉम्बे जजमेंट पढ़िएगा साहब Case हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रीजन टू बिलीव कब ओपन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ऑफ इशू नोटिस और आफ्टर द इशू ऑफ नोटिस याद है मैंने आपको बताया था हमें कब देखना है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ नोटिस हमें रीजन टू बिलीव देखना है और एस्केप्ड हुई है है यानी तब देखना है. या फिर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ या सब्सिक्वेंटली जो भी कुछ है ये सब कुछ स्टैंडिंग होना चाहिए एट द टाइम व्हेन नोटिस इज इशूड एट द टाइम व्हेन नोटिस इज इशूड और यही चीज गोदरेज इंडस्ट्रीज का केस भी कहता है will subsequent amendment in law with retrospective effect validate a reassessment notice issued on a different ground before retrospective amendment in law the high court held that position of law as on the date of issue of notice must be looked into and retrospective amendment subsequent to issue of notice could not validate a notice issued earlier इट कु अमाउंट ऑफ चेंज इन ओपिनियन एंड नोटिस ऑफ रीओपनिंग बिकेम अनसस्टेनेबल अकॉर्डिंगली रीजन फॉर रीओपनिंग गेट वैलिडेटेड बाई द रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ तो सर हमें कब देखना है जो भी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ हुआ है या ऐसा कोई भी चेंज आया है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ नोटिस होना चाहिए नोटिस के बाद अगर ऐसा कुछ आता है तो उसका इफेक्ट आप वन फोर्टी सेवन में नहीं दे पाएंगे स्टिल वापस से 147 तो कर ही सकते हैं यानी कुछ भी कर लीजिए 147 के अंदर में डिपार्टमेंट को ही पावर है एक बात आप याद रखिए आप चाहे ऐसे खाओ कि घुमा करके खाओ डिपार्टमेंट खाएगा ही खाएगा अभी आप गोदरेज इंडस्ट्रीज के केस में बोल रहे हैं कि नहीं 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 नोटिस इश्यू करने के बाद अगर कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आता है तो आप फिर इस असेसमेंट के अंदर में नहीं दे सकते स्टिल वन के बाद वन तो फिर से हो सकता है फिर से डिपार्टमेंट ओपन करेगा अगर करना होगा तो डिपार्टमेंट फिर से ओपन करेगा समझ में आ रही है बात तो ये होगा ही होगा आप बात समझ के चलिए ठीक तो है नेक्स्ट विपिन वाला दिल्ली जजमेंट ध्यान से सुनिएगा अगेन इंपॉर्टेंट केस पड़ी वुड द ई प्रोसीडिंग अंडर 147 अगेंस्ट द लीगल हेयर ऑफ डिसीज दी बी वैलिड फ नोटिस ऑफ रीअसेसमेंट वो आट टू लीगल हेयर आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड थ्रू अ नोटिस एड्रेस टू डिस प्रायर टू लिमिटेशन पीरियड विपिन वाला केस क्या था एसेसी गुजर गए इनके रीअसेसमेंट का नोटिस इनके लीगल हेयर को भेजा गया लेकिन लीगल हेयर को जो नोटिस मिला वो बियॉन्ड टाइम लिमिट था वैलिडिटी पूछ रहे हैं क्या ये होगा या नहीं होगा वुड द रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अंडर वन फोर्टी सेवन अगेंस्ट द लीगल हेयर ऑफ डिस बी वैलिड हाईकोर्ट अकॉर्डिंगली हेल्ड दैट इशू ऑफ नोटिस इशू ऑफ नोटिस ऑन लीगल हेयर रिप्रेजेंटेटिव बियॉन्ड बियॉन्ड द लिमिटेशन टाइम वुड रेंडर द असेसमेंट प्रोसीडिंग इनवैलिड अगेन वही बात हुई कि इसका पूरा का पूरा प्रोसीडिंग क्या कर लिया जाएगा इनवैलिड कर लिया जाएगा अगर जो नोटिस है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बियॉन्ड द लिमिटेशन टाइम मिला होगा तो हा बहुत ज्यादा ब्रेन स्टॉर्म हो गया सर अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है सर आज क्या करेंगे सर ध्यान से सुनिए आज जब आप घर जाएंगे तो आपको क्या करना है जितना मैंने लिखाया है इंक्लूडिंग अब तक जितना पार्ट हम लोगों ने बुक के अंदर में पढ़ा है ये पूरा आपको वापस से आज पढ़ के आना है मैंडेटरीली पढ़ के आना है नहीं तो कल का नहीं समझेगा कल मैक्सिमम पोर्शन हम लोग खत्म कर देंगे इस असेसमेंट का इनफैक्ट uh, अगर आप देखेंगे तो हमारा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है तो हम लोग मैक्सिमम पार्ट कल खत्म कर देंगे और मे बी मे बी कल या मैं, नहीं नहीं वन फिफ्टी थ्री भी है सर टाइम तो लगेगा टाइम लगेगा तो सर गुड गुड टू गो कोई प्रॉब्लम नहीं है कल का अगर हमको लेक्चर समझना है टाइम लगेगा मैं सोच रहा था अगले दो दिन में खत्म हो जाएगा शायद कल का भी दिन लगे परसों का भी दिन लगे और थोड़ा सा हाफ टाइम और लगे तो इस तरीके से आज हमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने थे बट ड्यू टू द एफिकेसी ऑफ टाइम हम वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए कर लेंगे कल हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे डन जो मैंने होमवर्क दिए थे वो वाले बोल रहा हूं मैं सो दिस इज ऑल आज के लिए यहीं रुकते हैं थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर कुछ सवाल आपसे कल एक्सपेक्टेड है मेरे को आपके मन में कुछ सवाल आने चाहिए लेकिन वो सवाल को आप पूछिएगा मत व्हाट्सएप के ऊपर क्योंकि कल एक बार और क्लैरिटी आने दीजिए आगे, आगे के सेक्शन में तब आपके कुछ और सवाल ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो आगे के लेक्चर्स का वेट कीजिए और सवाल क्लियर होंगे सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज व्हाट्सएप बाय एंड टेक केयर